ज्योतिगर्ग कैसे हैं आप सब चले बेटा अब जो हम आज कवर करेंगे ना हम कवर करने वाले हैं हमारे इंपॉर्टेंट हम है ही पा, जाता है कि मैम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा राइट कैसे करना है नहीं समझ में आ रहा है एंड एक चीज में ऑलमोस्ट हर बच्चों को एक चीज पक्का सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज अपने स्टडी मेट के क्वेश्चन मतलब ओल दो ऑडिट इज अ थियरी सब्जेक्ट लेकिन ये बात मैंने पहले भी बोली है बट यू हैव टू ट्रीट इट लाइक अ प्रैक्टिकल वन ठीक है वरना होता क्या है ऑडिट के अंदर आपको ना एग्जामिनेशन हॉल में जाकर समझ नहीं आता कि भाई इनको हैंडल कैसे करे क्वेश्चन कैसे बनाएगा इसका है ना आंसर कैसे लिख के आना है इसका एक ही सोल्यूशन है यू हैव टू डू प्रैक्टिस यू हैव टू डू क्वेश्चन आपको क्वेश्चन रीड करने पड़ेंगे समझने पड़ेंगे कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं है ना तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप अपने स्टडी मेट के क्वेश्चन करके जाना आई नो आई नो आप सब बहुत बिजी हैं बहुत कुछ है हम लोगों के पास पढ़ने के लिए तो बच्चे चाहते हैं बट बहुत सारे बच्चों के ना क्वेश्चन रह जाते हैं मैंने जो नोटिस किए थे तो लाइक हाँ मैम स्टार्ट किया था दो चैप्टर के तो कर लिए हैं मतलब मैं एक महीने पहले भी मेरी बात होगी तो वो बोलते हैं हाँ मैम दो दो चैप्टर के कर लिए हैं बाकी के रहते हैं बस मैं कर लूँगा है ना भाई पेपर आ जाते हैं स्टडी मेट के क्वेश्चन कवर नहीं होते ठीक है तो मैंने सोचा देख जब कोई पढ़ाता है ना तो ज़्यादा जल्दी कवर हो जाते हैं ठीक है और जब मैं पढ़ाती हूँ तो और भी जल्दी कवर हो जाते हैं राइट तो आई थॉट कि एक काम करते हैं स्टडी मैट जितने भी थ्योरी के क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स की बात नहीं कर रही उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी अभी क्या करेंगे चैप्टर में जितने भी थियरी के क्वेश्चन हैं ना वो एक बार रीड कर लेते हैं मैं ये नहीं कह रही मैं आपको पूरा का पूरा आंसर रीड करवाऊंगी उसके बाद मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि भाई आप लोग ना मतलब यू नो ट माइंड सेट कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे हैंडल करोगे तुम्हें तो समझ में आएगा भैया कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कई बार केस स्टडीज आती हैं तो दिमाग खुलता है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एंड स्टडी मेट के क्वेश्चन तो छोड़ के जाने ही नहीं है बिल्कुल ही नहीं जाने है ना तो वो थोड़े प्रैक्टिस कर लेते हैं पहली चीज़ दूसरी चीज सर देखो क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना आपको लगेगा सर अरे ये तो बहुत ईजी है कि सर किसी भी चैप्टर के अंदर ना सारे के सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट होते ही नहीं है तो वी विल ट्राई की जो मुझे लगेगा कि भैया ये वाला क्वेश्चन ना आपको लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है थोड़ा कम मतलब जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो तो ठीक है हमने पढ़ लिया और हो गया अब पेपर से एक दिन पहले तुम सारा नहीं पढ़ सकते जो चीज डिफिकल्ट है मतलब मैं बोलूँ यार डेढ़ दिन में तुम सारे रिवाइज भी कर लेना सारे क्वेश्चन आंसर तो भी पढ़ के जाना इज नॉट प्रैक्टिकल तो वे वी विल ट्राई कि आपको जब अभी क्वेश्चन करते हुए जो भी डिफिकल्ट लगे आई विल सजेस्ट कि प्लीज उसको मार्क कर लो क्योंकि पूरा का पूरे दस के दस क्वेश्चन हर चैप्टर के रिवाइज करके जाना इज नॉट प्रैक्टिकल डेढ़ दिन के अंदर लेकिन अगर मान लीजिए आपको हर चैप्टर में दो दो क्वेश्चन भी डिफिकल्ट मिलते हैं तो तेरह चैप्टर में कितने छब्बीस क्वेश्चन हो गए हद मार के तीस क्वेश्चन लेकिन तीस क्वेश्चन रिवाइज करके जाना इज प्रैक्टिकल राइट right? तो भाई वो मार्क करवा दूँगी जो मुझे लगेंगे बाकी आपको जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे जो क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने में आपका दिमाग लगा हो तो उसको मार्क करते जाना ताकि यू हैव अ लिस्ट कि भाई कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट में आपको प्रॉब्लम आई थी ठीक है चलो स्टार्ट करो फर्स्ट चैप्टर के साथ पहले क्वेश्चन के साथ एंड एक काम करती हूँ नोट्स के ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ राइट चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं सर मैं अभी भी बोल रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रही कि मैं आपको पूरा का पूरा आंसर ऐसे रीड करवाऊंगी उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बेसिस पे देखते हैं कि भाई क्या आंसर आएगा ठीक है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं चलिए सर सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्लियरली द मीनिंग ऑफ द ऑडिट ऑडिट का मीनिंग क्या है ठीक है सर हाउ वुड यू बी एज ए ऑडिटर परफॉर्म द ऑडिट अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो बेसिकली दो चीज़ है दो क्वेश्चन पूछे गए हैं मतलब इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं पहला ऑडिट का डेफिनेशन लिख के आओगे दूसरी चीज़ हाउ विड एज अ ऑडिटर परफॉर्म द ऑडिट कि एज अ ऑडिटर तुम ऑडिट किस तरीके से परफॉर्म करोगे ठीक है सर डायरेक्ट क्वेश्चन है काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है सर राइट right? इसका आंसर क्या रहेगा तो सर इसका आंसर आप कैसे लिख चले, के आओगे चल काम करती हूँ नोट्स के ऊपर ले जाती हूँ फटाफट रिवाइज हो जाएगा चलो फर्स्ट चैप्टर का पहला पेज तो फटाफट जाएंगे ढूंढना भी नहीं पड़ेगा सर so, देखो तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था क्वेश्चन ने पूछा था कि मीनिंग ऑफ द ऑडिट ऑडिट क्या है उसके डेफिनेशन लिखाओगे सर राइट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी ये examination किया जाता है 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 उसके बाद लिखना कि भाई second part क्या है? Second part था question का ऑडिटर द ऑडिट एज अ ऑडिटर आप किस तरीके से ऑडिट परफॉर्म करोगे तो सर ये पॉइंट थे ना हमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा भैया हमें ऑडिट करने के लिए यह इंश्योर करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको मिसलीड तो नहीं कर रही और यह इंश्योर करने के लिए हम क्या क्या चेक करते हैं हम चेक करते हैं कि हमारे अकाउंट्स जो भी हमारे लेजर्स बने हैं वो हमारे बुक ऑफ अकाउंट से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ठीक है बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब जो अपने जर्नल एंट्रीज वगैरह पास करी हैं उनको बुक करने के लिए सफिशियंट एविडेंट मतलब इन वगैरह था कि नहीं था ठीक है सर कोई एंट्री रह तो नहीं गई है कोई एक्स्ट्रा तो नहीं डाल दी है राइट उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ पॉइंट देख रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए प्रॉपरली क्लासीफाइड होना चाहिए एज़ पर एफ और वो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी पोजिशन देना चाहिए ट्रू एंड फेयर व्यू राइट right, सर तो ये सारे पॉइंट हम चेक करते हैं वाई गिविंग एन ओपिनियन है ना तो सर पहला क्वेश्चन क्या था पहला क्वेश्चन था सर आपका मीनिंग ऑफ ऑडिट प्लस आप ऑडिट किस तरीके से करोगे राइट सर दूसरा है एंड इंडिपेंडेंट पहला समझ में आया ना क्वेश्चन के दो पार्ट थे बेटा पता क्या होता है बच्चे ना इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर ना फट्टे मार के आते हैं लेकिन उसके नंबर नहीं मिलते और फिर बोलते हैं मैम हमसे लिख के आए थे नंबर नहीं मिले देख जो मैंने तुम्हें अभी पॉइंट बताया तुम्हारे अगर आंसर के अंदर ये ऐसे ही आएगा ना पहले डेफिनेशन लिख के आओ उसके नीचे ये पॉइंट लिख के आओ भाई पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे चांस ही नहीं है एक नंबर भी कट जाए मतलब ठीक है इस थ्योरी पेपर तो हाफ नंबर में भी कट जाए हाफ एक नंबर लेकिन अगर आपने ये पूरा लिखा है ना यू गुड द गुड मार्क्स मतलब चार के अंदर से तीन बहुत प्यार से मिलेगा राइट सर लेकिन हाँ आपको लगता है कि सर कुछ भी लिखेंगे तो नंबर मिलेगा नहीं इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ना आपका क्वेश्चन नंबर टू है इवन मैं बोलूंगी कि क्वेश्चन नंबर टू इज अ क्वेश्चन जिसको ना तुम अभी मार्क कर लेना मार्क कर लेना मतलब एग्जाम में जाने से पहले ना ये वाला क्वेश्चन ना पढ़ के जाना ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जाना इसका आंसर आई ने बड़ा अच्छा दिया हुआ है अच्छा नहीं इज अब डिफरेंट राइट क्वेश्चन क्या है द इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ एन एग्जाम्पॉरी इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ एन एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट राइट इज एन विटल सर्विसेस टू इन्वेस्टर ट्रेड पेबल्स एंड अदर पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्सचेंज एक्सप्लेन यू ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे अपना इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं राइट सर इसमें बहुत सारे चांसेस हैं आपकी गलती नहीं है मतलब मैं बोलूंगी कि हाँ बच्चे के दिमाग में जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना वो इसके एडवांटेज लिख के आ जाएगा बहुत चांसेस हैं लेकिन सर मैं यूजली रटने के लिए बोलती नहीं हूँ एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड रटने के लिए अभी भी नहीं बोलूँगी लेकिन सर दिस इज अ क्वेश्चन अगर ये पेपर में एज इट इज़ क्वेश्चन आता है ना इसका ना स्टडी मेट में जब आंसर दिया हुआ है सर देखो तो बहुत सिंपल सी बात है जो सामने वाला चेकर है ना जो आपका एग्जामिनर है आपके आईसीआई ने उसको जो सजेस्टेड आंसर दिए हैं वो उसी के बेसिस पे आपका पेपर चेक करेगा तो अगर उसको आपके पेपर में वो कंटेंट मिलता है जो उसके सजेस्टेड आंसर में है तो आपको नंबर मिलेंगे अदरवाइज नहीं तो सर ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि प्लीज एक बार इंस्टीट्यूट का जो आंसर है उसको थोड़ा पढ़ के जाना और उसके बाद अपना आंसर लिख के आना राइट तो आपका चैप्टर नंबर वन का सेकेंड क्वेश्चन पक्का शॉर्ट शॉर्ट मार्क होना चाहिए राइट right. पहला है सर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक अगर तुम क्वेश्चन को डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन क्या था कि सर ऑडिटिंग इज़ अ वेरी विटल मतलब इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिकॉज बहुत सारे लोग इनके ऊपर अपना डिसीजन फ्रेम करते हैं तो तुम ध्यान दोगे ना क्वेश्चन का यहाँ से यहाँ तक का पार्ट मैंने आपके लिए थोड़ा मार्क करके रखा है इज टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज क्या है क्वेश्चन में तीनों चीज आई थी ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट और उसका इंपॉर्टेंस तो भाई वैसे ही लिखा हुआ है ऑडिटिंग अलॉन्ग अदर डिसिप्लिन सच इज द अकाउंटिंग एंड द लॉ इंक्वायर यू द विद ऑल द नॉलेज इट इज रिक्वायर्ड टू एंटर द ऑडिटिंग एज अ प्रोफेशनल नो बिजनेस और इंस्टीट्यूशन कैन इफेक्टिवली कैरी ऑन इट एक्टिविटी विदाउट द हेल्प ऑफ द प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड अकाउंटिंग सिंस ट्रांजेशन टेक्स प्लेस एट द डिफरेंस ऑफ द टाइम विदर्स एंड एंटिटीज ठीक है सर कि एक बिजनेस के लिए अकाउंटिंग के लिए रिकॉर्डिंग बुक्स रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे साल में मल्टीपल लोगों के साथ मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हुई हैं द इफेक्ट ऑफ ओल्ड ट्रांजेक्शन हैव टू बी रिकॉर्डेड हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट बुक्स में आना चाहिए सुटेबली एनालाइज टू बी सी द रिजल्ट एज रिगार्डिंग द बिजनेस एज ए होल ठीक है सर प्रियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रियोडिक स्टेटमेंट्स का मतलब है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स आर ड्रॉन अपजर द सक्सेस ऑफ द होल सर ईयर एंड पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जो बताते हैं कि भाई पूरे साल में किस किस तरीके का काम किया बिजनेस ने आज हम प्रॉफिट में हैं लॉस में हैं राइट

क्लोज डाउन द ऑर्गेनाइजेशन एज ए पार्ट ऑफ इट सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर बहुत सारे डिसीजन लेते हैं इवन मैनेजमेंट भी लेता है राइट right? उसके बेसिस में बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं ऑल दिस वुड बी पॉसिबल ओनली इफ द फाइनेंशियल इफ द स्टेटमेंट्स आर रिलायबल डिसीजन बेस अपन द रोंग अकाउंटिंग स्टेटमेंट मे प्रूवन वेरी हार्मुल टू द बिजनेस ठीक है सर आगे क्या बोला गया कि सर देखो पहला पॉइंट था किस चीज़ के बारे में कि भैया रिकॉर्ड्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसी के बेसिस पे बनाई जाती हैं फिर बताया गया कि बहुत सारे लोग इसके बेसिस पे अपने डिसीजन फ्रेम करते हैं तो अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये रिकॉर्ड्स गलत बने होंगे तो पूरा का पूरा डिसीज़न गलत हो जाएगा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था कि भैया मैनेजमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिर एक एग्जाम्पल दे दिया कि जैसे मैनेजमेंट हो सकते हैं कि बुक्स के अंदर लॉस आ रहा हो लेकिन एक्चुअल में नहीं था गलत बुक्स मेंटेन हुई गलत रिकॉर्ड्स बने तो उसके बेसिस पे क्या दिखाया गया कि बिजनेस में लॉस है लेकिन एक्चुअल में नहीं था लेकिन बुक्स के बेसिस पे मैनेजमेंट ने ले लिया ठीक हम बिजनेस को बेच देते हैं राइट right? तो अगर बुक्स गलत होंगी तो डिसीजन अपने आप गलत हो जाएंगे तो भैया बेसिकली उसके बाद क्वेश्चन को कैसे इंटरलिंक कर दिया तो इसीलिए ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडिट में हम क्या करते हैं हम चेक करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से बनी है कि नहीं बनी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही तो भैया सामने वाले का डिसीजन गलत हो जाएगा अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत बने होंगे है ना तो आगे बस इस बात को इसी तरीके से कनेक्ट कर दिया कि हाँ जी सर तो ऑडिट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके बेसिस पे बहुत सारे लोग अपनी डिसीजन लेते हैं तो अगर इंफॉर्मेशन गलत होगी तो डिसीजन भी गलत हो जाएगा तो ऑडिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत वाइटल बहुत वाइटल है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू आइडेंटिफाई देयर बात समझ पा रहे हो ठीक है सर ये वाला क्वेश्चन एक प्रॉपर थ क्वेश्चन है जिसको मैं बोलती हूँ ना कि हाँ भैया थियरी का सब्जेक्ट है तो थियरी क्वेश्चन आ गया ये वाला मैं आपको एडवाइस करूंगी कि एक बार रीड करके जाना मैं नहीं करी कि एज इट इज रट के जाना बट एक बार आपको पता है आप एक बार रीड भी कर लोगे ना तो पेपर में क्वेश्चन फ्रेम करते हो ना अपने दिमाग में चीजें आएंगी तो आप अपनी लैंग्वेज बना के आओ लेकिन सेम चीज लिख के आओगे ठीक है सर चलिए

रीजनेबल इश्योरेंस किस चीज़ के बारे में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटीरियल स्टेटमेंट है कि नहीं है इसके बारे में रीजनेबल एश्योरेंस लेना hmm. दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि सर ऑडिट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर उसके ऊपर ओपिनियन प्रोवाइड करना क्लियर और डायरेक्ट क्वेश्चन सर पेपर में एडवाइस दूंगी कि जब भी ये क्वेश्चन लिखो सर ऐसे दोस्तों का नंबर तो डाल दिया नाम आप डाल लेना एज पर द ऐसे 200 हंड्रेड देन नाम स्टार्ट किया प्रोवाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट वन एंड टू क्लियर चलिए सर एकदम क्लियर लिख के आओ भैया जहाँ पे तुमने पहले वाली लाइन में लिखा ना एज पर द एस 200 नाम लिख दिया उसके बाद एक लाइन छोड़ो उसके बाद लिखो पॉइंट वन एंड पॉइंट टू एकदम नीट पेपर होना चाहिए सर पेपर में ना आंसर इस तरीके से लिख के आना कि एग्जामिनर को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े तुम्हारा क्वेश्चन पेपर पढ़ने में जो पढ़ाना चाहते हो ना उसको हाईलाइट करके आओ नेक्स्ट है द कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंट्स प्रिपेयर बाय द इंटरनेशनल फेडरेट ऑफ अकाउंट्स डिफाइन फाइव टाइप ऑफ थ्रेड्स राइट सर पांच तरह के थ्रेड्स बताए कौन कौन से सेल्फ रिव्यू राइट एक सेकेंड सर सेल्फ रिव्यू सेल्फ इंटरेस्ट राइट फेमिलैरिटी थ्रेड इंटीमिडेशन थ्रेड्स एंड एडवोकेसी थ्रेड्स एक काम करें एक बार नोट्स में से आपको दिखा दू फटाफट हमारे पास कौन कौन से फाइव टाइप ऑफ थ्रेड्स हैं जो हमारे इंडिपेंडेंस को हम पहुंचा सकते हैं सर सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फ रिव्यू एडवोकेसी फेमलैरिटी एंड इंडिपेंडेंस ठीक है सर पक्का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देर अ प्रैक्टिकल एंड द लीगल लिमिटेशन ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑपटेन ऑडिट एविडेंस एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल सर जो ये वाला क्वेश्चन है ना बहुत सारे चांसेस हैं बच्चे इसके अंदर क्या लिख के आएंगे देख अब तो मैं क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ ना तो मैं क्वेश्चन पढ़ाने के बाद ना आई विल टेक अ छोटा सा पोज सिर्फ इसलिए कि आप लोग ना दिमाग में सोच लो कि इसका आंसर आप क्या लिख के आते हैं आपके दिमाग में क्या आया ठीक है सर सोच लिया ना बहुत सारे चांसेस हैं बच्चे यहाँ पे लिखेंगे पूरा का पूरा लिमिटेशन ऑफ ऑडिट लेकिन सर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना देयर सम प्रैक्टिकल एंड द लीगल लिमिटेशन ऑन ऑडिट पूरा का पूरा लिमिटेशन ऑफ ऑडिट नहीं आएगा यहाँ पे ना सिर्फ इन्होंने एक लिमिटेशन के बारे में बात करी है सर हमारे पास चार लिमिटेशन थी नेचर ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड कॉस्ट एंड अदर मैटर्स राइट पेपर में क्या आया देर सम प्रैक्टिकल एंड द लीगल लिमिटेशन ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑपटेन द ऑडिट एविडेंस एक्सप्लेन यहाँ पे ना खाली तुमको ये तीन पॉइंट लिख के होने पूरा का पूरा लिमिटेशन नहीं पूछा गया लिख के आओगे कोई नंबर नहीं, नहीं मिलेगा मतलब उतना इंप्रेसिव नहीं होगा एग्जामिनर के लिए अगर आप पूरे की पूरी लिमिटेशन लिख के आओगे सिंपल सी बात है सर देखो ऑडिट के अंदर यही होता है कि क्वेश्चंस के बीच की लाइन आ जाती है और बोलते हैं एक्सप्लेन है ना तो पूरा पूछा होता है लिमिटेशन ऑफ ऑडिट ऐसे बच्चे मजे से चार के चार पॉइंट लिख के आ जाता लेकिन अभी क्या पूछा दर इज ए प्रैक्टिकल एंड द दीगल लिमिटेशन ऑडिटर तो कौन कौन से प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन है मतलब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिमिटेशन ऑफ ऑडिट का पार्ट है ठीक है तो कौन कौन सा है पहली चीज़ मैनेजमेंट जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हम वही चेक करते हैं तो हो सकता है मैनेजमेंट ने हमें कम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो सारी के सारी इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड हो दूसरा इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रॉड जहाँ इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रॉड हो जाता है वहाँ हमारे लिए और डिफिकल्ट हो जाता है सर ऑडिट ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करना राइट right? हमारे पास ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस वाले पावर नहीं है जैसे इन्वेस्टिगेशंस के पा आ, करते हुए ऑफिसर्स जो होते हैं जैसे इनकम टैक्स का रेट पड़ गया तो उनके पास अपने अलग पावर्स है जैसे सम्मन का पावर है राइट कि कभी भी किसी भी पर्सन को बुला लिया जब चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर ली तो हमारे पास ये सारे लीगल राइट right नहीं रहते हम तो भैया प्रोफेशनल बंदे हैं हमें हम सिर्फ मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन मांगते हैं हमें जो इन्फॉर्मेशन वो देते हैं हम उसको चेक कर देते हैं बात खत्म तो दीज आर सम प्रैक्टिकल एंड द लीगल लिमिटेशन ऑन ऑडिटर क्लियर सर समझ पाए नेक्स्ट है इन केसेस ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट मैटर्स कुछ सब्जेक्ट मैटर्स के अंदर लिमिटेशन ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिडक्ट मटीरियल स्टेटमेंट आर पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट एक्सप्लेनस एंड सब्जेक्ट मैटर क्वेश्चन समझ में आया कि कुछ सब्जेक्ट मैटर्स हैं कुछ सिचुएशन हैं जहाँ पे ऑडिटर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो, हो जाता है क्या डिफिकल्ट हो जाता है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना था ऐसे कौन कौन से सिचुएशन है सर अब भी पढ़ के आए हैं उसी क्वेश्चन का पार्ट है याद आया सर कुछ मैटर्स हैं जहाँ हम पे हमारी लिमिटेशन बढ़ जाती है कौन कौन से जैसे ऐसे मैटर्स जहाँ पे फ्रॉड इन्वॉल्व होता है और स्पेशली अगर मैनेजमेंट उस फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व है नॉन कंप्लाइंस विद द लॉ राइट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स फ्यूचर इवेंट डेट में इम्पैक्ट कंटिन्यू एज ए लीगल इज अ गोइंग कंसर्न राइट right. उसके अलावा से रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गई तो दीज आर सम मैटर्स जहां पे ऑडिटर के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ऑडिट एविडेंस करना राइट right. इवन हम ये बोल सकते हैं बढ़ जाती है राइट सर ठीक है नेक्स्ट सर आप देखोगे अब तक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन थे मतलब तीन तरह के क्वेश्चन हम देख चुके हैं अगर मैं एक तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे ये हो गया तुम्हारा चैप्टर क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया चैप्टर क्वेश्चन नंबर जो टू था वो थोड़ा सा थियरी का क्वेश्चन था मतलब इसको आप जानने से पहले प्लीज़ रीड करके जाना उसके बाद हमने देखा सर एक क्या है कई बार तो हो सकता है एग्जामिनर एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बोल दे जैसे यहाँ पे बोला दूसरा क्या होता है कि भैया कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर की कोई लाइन बोल दी जाती है पूरा का पूरा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता उसका तो कोई पार्ट पूछ लेता है तो इन केस के अंदर बच्चे सबसे ज्यादा गड़बड़ करके आते हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर वो पूरा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ है कि आपको एक दो पॉइंट पता हो उसने वही पूछा लेकिन आप पूरी रामकथा लिख के आ जाते हो राइट right? तो भैया इसका मतलब ये कि आपको जब तक स्टडी करते हुए ना अपने दिमाग को ओपन रखना है सिर्फ मेन पॉइंट पे ध्यान नहीं होना चाहिए उसके अंदर क्या लिखा हुआ है बिकॉज कई बार क्या उस आंसर की एक लाइन लिख देंगे और बोलेंगे एक्सप्लेन है ना तो किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो देखते चलते हैं मैं बोलूंगी कि सर एक काम करना चैप्टर क्वेश्चन नंबर टू भी आप एक बार मार्क कर लो और क्वेश्चन नंबर फाइव भी कर लो है ना नेक्स्ट है एज पर द एसे ए टू ट्वेंटी क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम दे दिया द ऑडिटर शुड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन कंसिडरिंग नेसेसरी इन द सर्कमस्टांस बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट विद अ न्यू क्लाइंट वेन डिसाइडिंग वेदर टू कंटिन्यू एन एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट एंड वेन कंसिडरिंग एक्सेप्टिंग ऑफ ए न्यू एंगेजमेंट विद एन एग्जिस्टिंग क्लाइंट एक्सप्लेन क्वेश्चन समझ में आया वापस पढ़ू एक बार सर एज पर दैसे टू ट्वेंटी ठीक है सर द ऑडिटर शुड ऑप्टेन इंफॉर्मेशन एज पर दैसे टू ट्वेंटी ऑडिटर को कुछ इंफॉर्मेशन ऑप्टेन करनी पड़ती है कब बिफोर बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट कोई नए क्लाइंट का काम लेते हुए ठीक है एंड वेन डिसाइडिंग वेडर टू कॉन्टिन्यू एन एक्जिस्टिंग क्लाइंट मतलब या तो किसी नए क्लाइंट का काम लेते हुए या फिर पुराना क्लाइंट फिर से काम लेके लेके आ गया तो भाई उसका काम कंटिन्यू करना है कि नहीं करना ये डिसाइड करते हुए ऑडिटर को एज पर दू टू ट्वेंटी कुछ लेनी पड़ती है कुछ इन्फॉर्मेशन ऑबटेन करनी पड़ती है तो वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है याद है ना सर ऐसे 220 सौ के बारे में बात करता है क्वालिटी कंट्रोल के बारे में कि बोलते हैं कि भैया किसी भी ऑडिट की अगर तुम सर्विस अच्छा प्रोवाइड करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ऑडिट के अंदर कुछ क्वालिटीज़ को मेंटेन करके रखना होगा राइट तो उसी में से एक पॉइंट था कि अगर तुम किसी भी क्लाइंट का काम एक्सेप्ट करने वाले हो तो भैया उसका काम ऐसे ही नहीं ले लोगे उस काम को एक्सेप्ट करने से पहले तुम्हें कुछ चीज़ों का नॉलेज लेना पड़ेगा राइट क्या क्या पहली चीज़ इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑनर एंड टी जी भैया जिस क्लाइंट का काम ले रहे हो उसकी इंटीग्रिटी उसके ऑनर की इंटीग्रिटी को चेक करोगे राइट दूसरा भाई जो एंगेजमेंट ले रहे हो उस क्लाइंट के यहाँ पे काम करने के लिए तुम्हें जो नॉलेज और कॉम्पिटेंस चाहिए वो तुम्हारे पास है कि नहीं है प्रॉपर टीम है कि नहीं है उस क्लाइंट के यहां पे तुम एथिकल रिक्वायरमेंट्स और इंडिपेंडेंस के साथ कंप्लाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे उसके अलावा अगर पिछले साल वाला क्लाइंट था फिर से काम लेके आ गया तो भैया फिर से काम लेने से पहले देख लेना पिछली बार काम करते हुए कोई सिग्निफिकेंट मैटर तो नहीं आया था कोई डिफिकल्टी तो नहीं आई थी तो ऐसे 220 ने बोला कि भाई जब भी काम एक्सेप्ट करो या पुराने वाले क्लाइंट फिर से काम लेके आ गए तो उसका काम एक्सेप्ट करने से पहले तुम कुछ बेसिक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लोगे तो दीज आर द इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर ऑब्टेन करता है एक्सेप्टेंस लेने से पहले बात समझ पाए इवेन इसी को बोलते हैं प्रिमिनरी एक्टिविटीज मतलब दो तीन प्रिमिनरी एक्टिव होती है उसमें से एक प्रिमिनरी एक्टिविटी यही है, है। बात समझ पा रहे हो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन था सर मैं एक्सपेक्ट करूंगी देखो बेटा जिसने पढ़ा होगा ना उसको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ कहाँ कहां से पूछा गया है एन ऑडिटर बिफोर कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट इज रिक्वेस्टेड टू चेंज द एंगेजमेंट टू द वन विच प्रोवाइड लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस शुड कंसिडर द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डूइंग सो डिस्कस कि भैया बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट मतलब सर ये क्वेश्चन पहले तो ये बताओ कहाँ से लिया गया है ये क्वेश्चन कहाँ से सर आपका ऐसे 210 सौ दस वहां पर हम पढ़ते हैं ना कि कई बार ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद अगर सामने वाली पार्टी मतलब का जो क्लाइंट है अगर वो आपके स्कोप को लिमिट करें राइट रिक्वेस्ट टू चेंज द एंगेजमेंट एंगेजमेंट लेटर की बात कहां पे लिखी गई है दो सौ दस में राइट तो अगर एंगेजमेंट लेटर को चेंज करने की बात करें जिसकी वजह से आपका स्कोप लिमिट हो गया जिसके बाद आप लोअर लेवल ऑफ इश्योरेंस ले पाओगे तो इस केस में तुम्हारा क्या एक्शन होना चाहिए सर काम एक्सेप्ट कर लिया काम कंप्लीट होने से पहले उसने तुम्हारे लेवल को मतलब हमारे एंगेजमेंट लेटर के कुछ टर्म्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जिसके पास पहले वो मान गए थे तो इस केस में तुम्हारा क्या एक्शन रहेगा सर प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा सर सबसे पहले क्या करोगे ऐसे का रेफरेंस देके आओगे सर एक चीज़ बता रही हूँ कभी भी सेक्शन नंबर ऐसे इसके नंबर गलत मत लिख के आना नहीं आते मत लिख के आना लिखाना एज पर द प्रोवाइडेड ऐसे एज पर द प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बट कभी भी गलत मत लिख के आना ठीक है सर तो अगर क्लाइंट ने आपकी किसी एंगेजमेंट लेटर को चेंज करने के लिए बोला आप काम एक्सेप्ट करने के बाद ठीक है तो इस केस में तुम्हारा क्या एक्शन रहेगा सर देखो यहां पे ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट क्या है बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ क्वेश्चन है एंड द हु बिफोर द कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट सर अगर ये होता ना बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट तब भी ऐसे 210 की ही बात होती है लेकिन बोला अगर यहां पर क्या लिखा गया है? Before completion. Before completion का मतलब है काम ले लिया उसके बाद तुम्हारे स्कोप को लिमिट कर रहे हो अब क्या करोगे तो सर इस केस में हम क्या करते हैं अगर हमें काम लेने के बाद हमारे स्कोप को लिमिट किया जाए तो हम रीजन चेक करते हैं हम रीजन चेक करते कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है वो रीजनेबल है या नहीं है अगर रीजनेबल है तो ठीक है नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग काम कर लेना लेकिन याद रखना कि पुराने वाले एंगेजमेंट लेटर के अकॉर्डिंग जो भी काम किया था उसके बारे में कोई रेफरेंस मत देना ठीक है राइट right? और अगर रीजनेबल नहीं है तो क्या करोगे सर डोंट एक्सेप्ट एक्सेप्ट मत करना टी के साथ डिस्कस कर लेना और हो सके तो वहां से काम विद्रॉ कर लेना बात समझ पा रहे हो पक्का तो अगर काम स्टार्ट करने के बाद मैनेजमेंट ने आपको बोला सर मल्टीपल रीजन हो सकते हैं मे बी देर चेंज इन सरकमस्टांस हो गया ठीक है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट हो गया तो दिस मल्टीपल रीजन जिसकी वजह से मैनेजमेंट में भी आपको बोले कि सर हमने स्टार्टिंग में इस बात से मान गए थे लेकिन अब हम आपको चाहते हैं कि आप इस इसको चेंज कर दीजिए लेकिन चेंज करने से पहले आपको क्या करना है एज पर दौ सो दस यू हैव टू चेक द रीजन वैलिड है या नहीं है वैलिड है तो ठीक है एक्सेप्ट कर लो लेकिन इसमें इस चीज का ध्यान रखना कि पुराने एग्रीमेंट के बारे में अब तुम कोई बात नहीं करोगे उसके अंदर किए गए प्रोसीजर्स के बारे में कोई बात नहीं करोगे और अगर रीजनेबल नहीं है तो बात ही खत्म सर फिर आप क्या करोगे सर उन एग्रीमेंट्स को मत मानना टी सी डब्ल्यू से डिस्कस कर लेना और वहां से काम विड्रॉ कर लेना क्लियर सर अब विद्रॉ करना प्रैक्टिकल नहीं है तो तुम्हारे स्कोप को लिमिट किया गया तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा तुम्हारे ओपिनियन के ऊपर राइट चलिए सर ये होते केस स्टडी के क्वेश्चंस नेक्स्ट है इज डिस्टिंक्शन बिटवीन द इन्वेस्टिगेशन ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है हाउ वेवर इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट फ्रॉम द प्राइम फाइंडिंग ऑफ द ऑडिटर डिस्कस सर आपको पता है थ्योरी के पेपर में मैं सिर्फ ऑडिट की बात नहीं करी कहां पे भी तुम्हें कोई डिफरेंस मिले ना वो पक्का याद कर लेना बिकॉज एग्जामिनर को कई बार लगते हैं क्या एक डिफरेंस तो आना चाहिए पेपर के अंदर ठीक है तो बहुत पूछे जाते हैं तो यहाँ पे है कि भैया ऑडिट और इन्वेस्ट इसके क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इन पेपर इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली दो चीज़ें डिस्कस की गई हैं क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें क्या क्या पूछी गई हैं सब पहले तो <coughs> ये पूछा गया है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो लिखाना यहाँ पे पैराग्राफ बना के लिखा हुआ है आपका जैसे मन करे आप सर पैराग्राफ ना बना के टेबल बनाना चाहे आप बना सकते हो

एक पार्ट में बात किया कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बाद एक क्वेश्चन क्या बनता है सर इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर बी ये है कि कई बार क्या होता है जो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है उसका रीजन होता है कि ऑडिट करते हुए ऑडिटर को कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो सर इसके ऊपर आप किस तरीके से लिख के आओगे एक बार यहां पे थोड़ा लैंग्वेज देख लेते हैं सर so, एक सेकेंड जैसे सर इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है आपके इंस्टीट्यूट ने यहां तक दोनों के बीच में डिफरेंस बताया अच्छा एक और चीज़ बोलूँ जब भी क्वेश्चन लिखो सर बुलेट्स में थोड़ा कम लिखने का कर ट्राई करना ट्राई करना छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाने के ठीक है और बुलेट्स भी अगर बना रहे हो ना तो ऐसे ऐसे बुलेट्स मत बनाना फिर पॉइंट बनाना वन टू थ्री ऐसे वाले या ए बी ऐसे वाले क्लियर सर दूसरी चीज़ जब भी बुलेट्स बनाओ या जब भी आप ये अपना पैराग्राफ बनाओ तो एक पैराग्राफ मतलब ज़्यादा बड़े पैराग्राफ ना छोटे छोटे पैराग्राफ हो और हर पैराग्राफ के बीच में एक लाइन छोड़ दो पेपर नीट लगेगा ठीक है दूसरा हाईलाइट करके आना जो तुम चाहते हो ना एग्जामिनर पढ़े उसको हाईलाइट करके आ जाओ ठीक है तो सर इस क्वेश्चन के अंदर यहां तक एग्जामिनर ने क्या किया दोनों के बीच में डिफरेंस बताया है उसके बाद लिखा है हाव एवर इट इज क्वाइट पॉसिबल डेट समटाइम

ठीक है कई बार ऑडिट करते हुए हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है भैया बहुत सीरियस है तो हम क्या करते हैं उस फाइंडिंग की वजह से अब हम क्या कर रहे हैं सर इन्वेस्टिगेशन क्लियर चलिए सर नेक्स्ट <coughs> क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर टेंथ इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी आर अमेंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स एक नोट कर दो ना प्रिंसिपल ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स रेलिवेंट टू एन ऑडिटर इन्होंने आई ई एस बी आई कोर्स डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू कि भैया इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी एक ऑडिटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दी आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल और इन दोनों के बीच में डिफ्रेंस बताना है इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी के बीच में तो सर आपका इंटीग्रिटी क्या होता है सर इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी कि भाई आप काम करते हुए ड्यू डेलीजेंस के साथ फुल केयर के साथ काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे ऐसा तो नहीं आप काम करते हुए कहीं भी केयरलेस नो हो जाते हो ठीक है आप जब भी काम करो शुड बी फेयर एंड ऑनेस्ट इट इज इंटीग्रिटी राइट एंड ऑब्जेक्टिविटी का बेसिक मतलब क्या होता है सर ऑब्जेक्टिविटी का बेसिक मतलब क्या होता है कि भैया हम जो भी देख ऑडिट के अंदर हमें मल्टीपल डिसीजन लेने पड़ते हैं इवन हमें ये भी डिसीजन लेना पड़ता है कि भैया हमें कौन सा ऑडिट प्रोसीजर करना है हमें कितने एविडेंस ऑब्टेन करने हैं ऑडिट के अंदर कुछ भी बहुत फिक्स नहीं है कि अच्छा आपने ये दस चीज़ कर ली बात ख़त्म हर ऑडिट के अंदर हर क्लाइंट के अंदर आपको अपने प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने पड़ते हैं तो भैया ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि तुम जितने भी प्रोफेशनल जजमेंट्स लो ना वो सारे के सारे किसी फैक्ट के बेसिस पे होना चाहिए ऐसे हवा में कुछ भी मत बोलो दे शुड बी सम ऑब्जेक्टिविटी राइट तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि आप जितनी भी बातें करो जितनी भी डिसीजन लो दैट शुड बी फैक्चुअल किसी ना किसी फैक्ट के ऊपर बेस्ड होने चाहिए राइट right? तो इन दोनों को एक्सप्लेन करके आ जाना इंटीग्रिटी ये एक काम करना ना एक पैराग्राफ लिखना पहले इंटीग्रिटी उसके बारे में इसको फुल डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन देकर आ जाना फिर लिखना ऑब्जेक्टिविटी और उसके एक्सप्लेन करके आ जाना और लाट लास्ट में लिखना हैस इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी आर द वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर द ऑडिटर राइट एंड बोथ हैव दिस डिफरेंसेस क्लियर चलिए सर आपने अगर नोटिस किया हो ना हमने टोटल मिला के दस क्वेश्चन थे सर ठीक है कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसे था ही नहीं इजी क्वेश्चन थे कुछ केस स्टडी के क्वेश्चन थे मतलब आपने दस क्वेश्चन पढ़े होंगे तो सर भैया आपने हर टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ लिए जो बन सकते हैं जैसे दो क्वेश्चन केस स्टडीज के थे दो स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उसके अलावा जो दो डिफ्रेंसिएशन आ गया उसके अलावा पहले के दो क्वेश्चंस को मैं बोलती हूँ सर दे आर थ्योरी का क्वेश्चंस, टिपिकल थ्योरी वाला क्वेश्चन ठीक है उसके बाद सर बाकी जो क्वेश्चंस थे दे आर वेरी मच लाइक एस के क्वेश्चन या डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब कुछ राइट right? तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या हम फाली फर्स्ट चैप्टर करके छोड़ देंगे नहीं सर <laughs> फर्स्ट चैप्टर करके नहीं छोड़ेंगे बाकी अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जो है आपका चैप्टर नंबर टू एक काम करती हूँ फटाफट चैप्टर नंबर टू पे आ जाते हैं हाँ जी ये हमारा आ गया चैप्टर नंबर टू राइट चलिए फटाफट से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक काम करते हैं चैप्टर नंबर वन के फर्स्ट से शुरू किया था है ना चैप्टर नंबर टू के क्वेश्चन मैं लास्ट से शुरू कर रही हूँ मतलब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सेवन स्टार्ट करेंगे मतलब टोटल मिला के सात क्वेश्चन हैं ठीक है सब कोई लॉजिक नहीं है इट जस्ट मैं सच्ची बताऊँ जब मैं स्टूडेंट भी थी ना तो आई यूजली डू की जैसे कि अगर फिफ्टी क्वेश्चन है प्रैक्टिस के है ना तो लाइक like, स्टार्टिंग के पाँच क्वेश्चन कर लिए अभी लास्ट के फिर दस क्वेश्चन कर लिए फिर क्या पता है स्टार्टिंग क्या के आके दस क्वेश्चन और कर लिए तो आई जस्ट यूज़ नो इजी डिफिकल्ट क्योंकि सडनली क्या होता है इसकी बात नहीं कर रही अभी तो चलो कोई बात नहीं वैसे इन जर्नल कोई मान लीजिए तुम कोई बड़ा सा चैप्टर कर रहे हो चलो टैक्स का ही चैप्टर कर रहे हो स्टार्टिंग के ना अगर टोटल मिला के पचास क्वेश्चन है ना तो तुम्हारे ना बीस क्वेश्चन तो बड़े ईजी होंगे उसके बाद नेक्स्ट के थर्टी क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होंगे मतलब मुझे ये बोलना चाहिए वो इन बीस थोड़े ईजी बहुत ईजी होंगे नेक्स्ट फिफ्टीन ट्वेंटी क्वेश्चन भी ठीक होंगे और उसके लास्ट के टेन क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होंगे तो यूजली क्या होता है बच्चे स्टार्टिंग के पच्चीस क्वेश्चन करके थक जाते थे है ना तो मैं क्या करती थी कि भाई स्टार्टिंग के पांच छे क्वेश्चंस कर लिए अब लास्ट के पांच छे क्वेश्चंस कर लिए ठीक है देन थोड़ा और डिफिकल्ट डिफिकल्ट पार्ट कर लिया तो थो थोड़ा इजी क्वेश्चन और कर लिए बिकॉज क्वेश्चन तो हम चैप्टर खत्म करने के बाद ही करते हैं ऐसा तो है नहीं कि भाई सीक्वेंस अब सीखना है रिवाइज तो कर रहे हैं ना कहीं से भी पिक कर सकते हैं क्वेश्चन तो।, तो मैं इस तरीके से करती थी बस वही याद आ गया तो इसीलिए बोल दिया चलो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं चल अ uh, whether the misstatement of a lesser amount than materiality for financial statement as a whole could reasonably be expected to uh, to influence the economic decision of user taken on the basis of financial statement explain with example क्वेश्चन समझ में आया वापस बोलूं whether मिस ऑफ लेसर अमाउंट मतलब कम अमाउंट की मिस देन मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल कोड रीजनेबल बी एक्सपेक्टेड टू इंफ्लुएंस द इकोमिक डिसन ऑफ यूजर्स टेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्लेन भैया कोई सर क्वेश्चन है कि अपने पूरे सर देखो हमने हम जब मटेरियलिटी लेवल डिसाइड करते हैं हम पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए डिसाइड कर लेते हैं है ना लेकिन क्वेश्चन है कि ज़रूरी है हो क्या कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपने पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मान लीजिए आपने दस हज़ार रुपये रखा था लेकिन कहीं जाके पाँच हज़ार रुपये मतलब आपके मटेरियल लेवल से कम लेवल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है तो ऐसा कोई केस है क्या यस yes, सर इसमें ना दो चीजें मैं आपका ध्यान लेके आना चाहूंगी एक तो यस सर आप पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एक अलग लेवल और किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए डिस्क्लोजर के लिए एक अलग लेवल डिसाइड कर सकते हो ठीक है पहली चीज तो ये जरूरी नहीं है कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो लेवल डिसाइड किया गया है तो आपको सारी के सारी ट्रांजेक्शन के लिए वही रखना है हो सकता है कोई ट्रांजेक्शन के लिए आपको लगता है सर पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो दस हज़ार इम्पॉर्टेंट है लेकिन कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन मुझे लगता है कि सर इसमें तो मेरे लिए पाँच हज़ार भी इंपॉर्टेंट है तो आप किसी ट्रांजेक्शन के अंदर कोई कम लेवल भी डिसाइड कर सकते हो जो आपने पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए छोड़ा है उसके अलावा ठीक है सर उसके अलावा दूसरी बात एस के एग्जाम्पल क्या क्या है सर कई बार क्या होता है जैसे एक तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल है डिट इज़ एफ एफ कई बार ना लॉ एंड रेगुलेशन हमें बोल देते हैं कि भाई ये वाला ट्रांजेक्शन तो इंपॉर्टेंट है इसको अलग से दिखाना चाहे कितने भी रुपए का है फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि सर मेरे लिए दस हज़ार इंपॉर्टेंट है तो कोई भी मैं स्टेटमेंट दस हज़ार की होगी तो मैं अलग से दिखाऊंगा ठीक है लेकिन सर मान लीजिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है और आपका एफ आर एफ क्या बोलता है कि सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को तो आप अलग से दिखाओगे सर अगर पाँच हज़ार की भी ट्रांजेक्शन होगी तो आपको अलग से दिखाना पड़ेगा तो कई बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एफ आर एफ हमें कोई ट्रांजेक्शन जो लेसर देन मेटीरियल लेवल होती है उसको भी अलग से दिखाना पड़ जाता है वो मटीरियल में स्टेटमेंट भी हमारे लिए मटेरियल हो जाती है राइट right? उसके अलावा सर कई बार क्या होता है तुम्हारा जो ऑडियंस है जो तुम्हारा यूजर्स हैं उनके लिए कोई इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर वैसे तो दस हज़ार बहुत इंपॉर्टेंट था लेकिन मान लीजिए आपके क्लाइंट ने कोई नया बिज़नेस शुरू किया अब उसमें कितना इनकम हुआ कितना एक्सपेंडिचर हुआ ये आपके क्लाइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना मान लीजिए उसमें खाली ट्रांजेक्शन टोटल हुई हैं सात हज़ार की सर दस हज़ार से कम है लेकिन यहाँ ना आपके यूज़र्स का फोकस है आपके यूज़र्स को बड़ा इंटरेस्ट है जानने में कि भाई हुआ क्या है ना तो कई बार क्या होता है आपके यूजर्स के इंटरेस्ट के बेसिस पे इवन लेसर अमाउंट भी आपके लिए मटेरियल हो जाता है तो कई बार लॉ की वजह से कई बार एफआरएफ एफ की वजह से कई बार यूजर्स की वजह से राइट यूजर्स के अटेंशन की वजह से और क्या होता है कई बार क्या होता है इंडस्ट्री कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे होती हैं जहाँ पे ना गवर्नमेंट बोल देती है कि भाई ये वाली ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको तो अलग से दिखाने ही है जैसे अगर कोई रिसर्च में है तो सर कई बार क्या होता है सब्सिडरीज वगैरह मिली होती हैं तो ऐसी ट्रांडस्ट्रीज़ के अंदर जो रिसर्च वगैरह में काम करती है तो वो बोलते हैं भाई तुम्हारे मटेरियल लेवल को सेट हुए कि नहीं हुए लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर है वो आपको अलग से दिखाना ही पड़ेंगे ठीक है तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो सकती है तुम्हारे मटीरियल लेवल से कम हो लेकिन फिर भी आपके लिए मटीरियल हो जाती है उनको आपको अलग से डिस्कलोज करना पड़ सकता है ठीक है सर एम का क्वेश्चन बन सकता है कि कोई केस है जहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन को कम लेवल ऑफ मटेरियल लेवल पे दिखा रहे हो एज ए होल की कंपैरिजन में तो so, क्या ये प्रैक्टिकल है यस yes, सर आपने पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए दस हज़ार डिसाइड किया था लेकिन किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए आप कम भी डिसाइड कर सकते हो ठीक है सर दूसरा इज इट नेसेसरी टू डॉक्यूमेंट द ऑडिट प्लान यस सर इफ सो वट आर द एक्टिविटीज इन प्लानिंग फेज नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड स्टेट विद द एग्जाम्पल तो सर प्लानिंग करते हुए आप किस किस चीज़ का डॉक्यूमेंट रखोगे सर प्लानिंग के अंदर क्या होता है सबसे पहले स्ट्रैटेजीज बनती हैं उसके बाद प्लान बनता है कुछ लोग उस वक्त प्रोग्राम भी बनाते हैं ठीक है तो भैया इन सब के डॉक्यूमेंट रखोगे इसके अलावा हमारे पास एक और अथॉरिटी होती है कि अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन मिले तो हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं और इट स्ट्रैटी और इट प्लान के अंदर तो अगर इनके अंदर कोई चेंज आया है तो उसके बारे में आपको डॉक्यूमेंट रखने हैं राइट सर देखो इसके अलावा आप क्या क्या डॉक्यूमेंट रखते हो सर मैंने बोला जो ऑडिट स्ट्रेटजी बनेगी उसके बारे में डॉक्यूमेंट रखोगे जो ऑडिट प्लान बनाओगे उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन रखोगे इन दोनों में अगर कोई चेंज आता है तो उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन रखोगे तो सर प्लान के अंदर आप क्या क्या डॉक्यूमेंट रखोगे आप ऐसे डॉक्यूमेंट रखोगे कि सर प्लान के अंदर हम क्या क्या रखते हैं कि हमारे ऑडिट प्रोसीजर क्या रहने वाले हैं तो क्या ऑडिट प्रोसीजर हम करने वाले हैं उनका एन क्या रहेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का एन क्या रहेगा तो इन सब के डॉक्यूमेंट रखने हैं और जब मैंने बोला कि स्ट्रैटी और प्लान के अंदर अगर हम चेंज करते हैं तो उसके बारे में डॉक्यूमेंट रखोगे अब इसके अंदर क्या रखना है इसके अंदर बेसिक डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे सर चेंज के अंदर कि सर चेंज का रीज़न क्या था वाइड चेंज क्यों किया इफेक्ट क्या पड़ा इसकी वजह से तुम्हारे ऑडिट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा राइट right? तो ये सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट करना है उसके अलावा अगर तुम्हारा कोई भी डिस्कशन होता है बिकॉज आप एग्जाम्पल भी मांगे ना दीज आर द कोर एरिया जिनके बारे में तुम डॉक्यूमेंट रखोगे रखोगे प्लानिंग स्ट्रैटेजीज इन दोनों के अंदर कोई चेंज आया चेंज के अंदर बेसिकली हम रखते हैं कि क्या चेंज आया क्यों आया इसके इफेक्ट क्या पड़ा ये सब कुछ ठीक है अब सर एग्जाम्पल भी मांगे तो कुछ और चीज़ें और हैं जिनका डॉक्यूमेंट आप रखोगे जैसे अगर आपका डिस्कशन होता है विथ टी या मैनेजमेंट या की पर्सनल तो इन सब के साथ अगर कुछ डिस्कशन होता है तो उन सब के डॉक्यूमेंट आप रखोगे आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट का भी डॉक्यूमेंट रखोगे बेसिकली यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं जो हम एज़ ए डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं क्या क्या हमारे ऑडिट रिपोर्ट हमारे वर्किंग पेपर रहते हैं उसके अलावा हमारा जो भी डिस्कशन होता है मैनेजमेंट के साथ या टी के साथ या की पर्सनल्स के साथ वो सबके भी हमें डॉक्यूमेंटेशन रखने पड़ते हैं सर उसके अलावा सर अगर ड्यूरिंग द ऑडिट हमने कोई और सर्विस प्रोवाइड करी है कोई और एक्टिविटी भी करी है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन भी हम मेंटेन करके रखेंगे तो दीज आर द सम जो आप याद कर सकते हो ठीक है सर मेनली डॉक्यूमेंटेशन अगर प्लानिंग फेज़ की अगर बात करी जाए तो प्लानिंग फेज में बेसिकली स्ट्रैटेजीज़ के ऑडिट प्लान के एंड थर्ड चीज़ इनमें अगर चेंज किया है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन रखोगे चेंज के अंदर हम फिर तीन चीज़ों के डॉक्यूमेंट रखते हैं कि क्या चेंज आया क्यों आया और इसका क्या इफेक्ट पड़ा ठीक है सर चलिए नेक्स्ट है डिटरमाइन द मटीरियलिटी इन्वॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट डिस्कस्ट इट द फैक्टर डेट मे इफेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट बेंच मार्क ऑल्सो गिवस एम एग्जाम्पल भैया एक बार बताओ हम मटेरियलिटी डिसाइड करने के लिए हम टेक्निक का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बेंच मार्क बेंच मार्क में क्या होता है हम क्या करते हैं सर हम करते हैं कि हम क्लाइंट के यहाँ पे उसकी बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में कि हमें किस चीज़ का बेंच रखना है और किस चीज़ का नहीं क्वेश्चन भी यही था कि भैया कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें हमारे डिसीजन को इफेक्ट करती है कि इस क्लाइंट के यहाँ पे हमारा बेंच क्या क्या हो सकता है तो क्या क्या फैक्टर्स हैं सर पहला एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अटेंशन ऑफ़ द यूजर्स कि भैया जो हमारे यूजर्स हैं उनका मेन फोकस किस चीज़ पे है दूसरा नेचर ऑफ द बिजनेस बिजनेस का नेचर क्या है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है सर्विस है ट्रेडिंग है या मैनुफैक्चरिंग है लाइफ साइकिल क्या है ऑनरशिप क्या है मतलब डिबेंचर ज्यादा है या इक्विटी ज़्यादा है राइट right? उसके अलावा वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी का मतलब क्या है सर बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वो आइटम जिसके अंदर चेंजेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उनको बेंचमार्क नहीं रखा जाता तो जितना स्टेबल है वोलेटिलिटी का मतलब होता है चेंज होना जो जितना जितनाटिलिटी हो जिसके अंदर चेंजेस ज्यादा आने के चांसेस हो उनको हम नहीं रखते बेंच जो स्टेबल होते हैं उनको बेंच करते हैं तो दीज आर द सम फैक्टर जो हमारे डिसीजन को इफेक्ट करते हैं डिसीजन क्या कि यहां पे हमें क्या बेंचमार्क रखने हैं और क्या नहीं तो दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ द बेंचमार्क जैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स टोटल रिवेन्यू एसेट फिक्स एसेट्स कुछ भी रख सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनी आइटम कैन बी ए बेंचमार्क क्लियर चलिए सर next question hai. The, utility, uh, the utility of the audit program can be retained and enhanced. the utility of the audit program can be retained and enhanced only by keeping the program and also the client operations and internals control under periodic review so that inadequacy of the program may be removed. discussed it in clearly the advantage of an audit program. सर एक बार बताओ इतनी सारी रिमाइंड लिख दी क्या द यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम कैन बी रिटेन एंड इन्हेंस ओनली बाय कीपिंग द प्रोग्राम एंड ऑल्सो द क्लाइंट ऑपरेशन इन इंटरनल कंट्रोल अंडर प्रियोडिक रिव्यू बच्चे को पता है क्या लिख लेगा सर कि यहाँ पे मुझे लिख के आना है कि ऑडिट प्रोग्राम को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें उसको बेसिकली प्रोडिक रिव्यू करके आना होता है एंड ये वाला पॉइंट इवन हम डिस्कस भी करते हैं चैप्टर के अंदर एक छोटा सा पैराग्राफ बनता है कि हाँ भैया ऑडिट प्रोग्राम के अंदर कुछ वीकनेस रहती हैं उनको दूर करने का एक मैथड है कि आप पीरियोडिकली उसको रिव्यू करते रहो कि ऑडिट प्रोग्राम को आप चेंज करते रहो एज पर द रिक्वायरमेंट अगर बिजनेस में कोई चेंज आया इंटरनल कंट्रोल में कोई चेंज आया तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए अपना प्रोग्राम रिवाइज करते रहना चाहिए ये वाला एग्जैक्ट पॉइंट है लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन क्या है द एडवांटेज ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम क्वेश्चन लेकिन पूछा गया है कि भैया ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेज क्या है यहाँ अंदर बच्चे गड़बड़ करते हैं बच्चे पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं ओ माय गॉड ये क्या पूछ लिया पूछा एडवांटेज ऑफ ऑडिट तो भैया जब भी क्वेश्चन पढ़ो दो बार पढ़ना ध्यान से पढ़ना ठीक है यहाँ के ऐसे एडवांटेज ऑफ ऑडिट लिख के आने डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत प्यार से लिख के आ जाओगे ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेज इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है प्रोस्पेक्टिव प्रोवाइड करता है असिस्टेंट सेलेक्ट करने में हेल्प करता है जो भी डेंजरस चीज़ें हैं ना तो उसको हम ओवरलुक करते हैं ना इग्नोर कर पाते हैं सर राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी असरटेन हो जाता है कि किसने क्या काम किया था प्रॉपर कंट्रोल रहता है कि हमारा प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँचा काम का ठीक है नेक्स्ट ईयर के लिए हेल्प मिलती है तो दीज आर द सम एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम क्वेश्चन क्या था एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम राइट सर नेक्स्ट है द नेचर टाइम एंड एक्सटेंड ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन द ए एंटी ई ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ ऑडिट ऑफ एंगेजमेंट टीम मैंबर्स एंड द रिव्यू ऑफ दअर वर्क विल डिपेंड अपॉन मैनिफेक्टर एक्सप्लेन सर हमने एक चीज़ पढ़ी थी हमने पढ़ा था ऑडिट प्रोग्राम सर जब हम ऑडिट प्लान बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं हम ऑडिट प्लान के अंदर क्या करते हैं कि हमारा रिस्क असमेंट प्रोसीजर क्या रहेगा उसका एंट्री डिसाइड कर लेते हैं हमारे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेंगे इनका एंट्री डिसाइड कर लेते हैं अदर ऑडिट प्रोसीजर का भी एंट्री कर लेते हैं तो ऑडिट प्रोग्राम के अंदर सॉरी, ऑडिट प्लान के अंदर आई एम रियली सॉरी, मैंने पता नहीं ऑडिट प्रोग्राम बोल दिया। ऑडिट प्लान के अंदर हम ऑडिट प्रोसीजर्स का एंटी ही तो डिसाइड करते ही करते हैं उसके साथ किस तरीके से काम को सुपरवाइज करना है इसके रिगार्डिंग भी हम एन डिसाइड करते हैं क्वेश्चन समझ में रहे हो तो क्वेश्चन है कि भैया सुपरवाइज और डायरेक्ट कैसे करोगे सुपरवाइज और डायरेक्ट करते हुए आपका एंटी मतलब कितना सुपरवाइज करना है कब करना है कैसे करना है नेचर मतलब कैसे करोगे सुपरवाइज टाइमिंग कब करोगे सुपरवाइज एक्सटेंड कितना करोगे सुपरवाइज ये डिसाइड करते हुए कौन कौन से फैक्टर उसके डिसीजन को इफेक्ट करेगा सर पहला साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी अगर एंटिटी बहुत कॉम्प्लेक्स होगी तो हम ज़्यादा सुपरवाइज़ करेंगे सर एरिया ऑफ द ऑडिट सर कैश को ऑडिट करने गए ज़्यादा रिस्की है राइट रिस तो जो एरिया ज़्यादा रिस्क रहेगा वहाँ पे सुपरवाइज़ ज़्यादा होगा जो कम रिस्क रहेगा सर वहाँ पे सुपरवाइज़ कम रहेगा सर नेक्स्ट है द रिस्क ऑफ़ मटेरियल मिस्टेट में अगर हमें लगेगा क्लाइंट के पे बहुत रिस्क है भाई बहुत रिस्क है तो हमारा सुपरविजन भी ज़्यादा होगा ठीक है रिस्क कम है तो सुपरवाइज़ कम होगा नेक्स्ट है कैपेबिलिटी एंड कंपिटेंस ऑफ ऑडिट टीम सर बहुत एक्सपीरियंस स्टाफ जा रहे हैं तो ज़्यादा सुपरवाइज़ करने का नीड है कि नहीं है नहीं सर वही नहीं नई नवेले नवेले अभी अभी आर्टिकल आए थे वही चले गए तो इस केस में तो ज़्यादा सुपरवाइज़ करना पड़ेगा क्लियर चलिए सर डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था सर ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था ठीक है काफी डायरेक्ट क्वेश्चन बस क्वेश्चन नंबर जो आपका फोर्थ था उसके अंदर ध्यान से पढ़ मतलब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिक किया जहाँ पे बच्चे हो सकते रिव्यू के ऊपर लिखाते एडवांटेज को इग्नोर कर देते लेकिन ध्यान देना कि क्वेश्चन ने मांगा क्या है राम कहानी कितनी भी लिखी हो लेकिन इंपॉर्टेंट इज डायरेट कि क्वेश्चन मांग है किस चीज़ के बारे में नेक्स्ट है प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रेटिंग फेज ऑफ ऑडिट बट अ कॉन्टिन्यू प्रोसेस एक्सप्लेन डिस्क्रिटिंग का मतलब होता है वन टाइम कि एक बार प्लानिंग करके रख दी और बात खत्म नहीं सर प्लानिंग क्या वन टाइम प्रोसेस है नहीं सर इट्स अ कॉन्टिन्यू प्रोसेस बोला जाता है सर मान लीजिए आप किसी ए बी सी डी के ऑडिट पे गए इस साल ठीक है इस साल भी आप इसका ऑडिट कर रहे हो अगले साल भी आप इसका ऑडिट कर रहे हो तो भैया जब पिछले साल का ऑडिट शुरू खत्म हुआ होगा ना वहाँ से ही नेक्स्ट ईयर का ऑडिट का प्लानिंग शुरू हो जाता है तो इट्स अ कॉन्टिन्यू प्रोसेस लास्ट ईयर के ऑडिट से खत्म होने से स्टार्ट होता है प्रीवियस ऑडिट से ख़त्म मतलब जब आपका पिछले साल का ऑडिट खत्म हुआ होगा जैसे ही वो खत्म होता है नेक्स्ट ईयर का ऑडिट के प्लानिंग शुरू हो जाती है और जब तक ऑडिट चलता है तब तक वो प्लानिंग चलती रहती है तो इट्स अ कॉन्टिन्यू प्रोसेस ना कि ना वन टाइम प्रोसेस इसके ऊपर ट्रू एंड फेयर भी आ सकता है और सॉरी ट्रू एंड फॉल्स भी आ सकता है राइट right? नेक्स्ट है वंस द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी हैज बीन स्टेबलाइज्ड एंड ऑडिट प्लान कैन बी डेवलप्ड टू एड्रेस द वेरियस मैटर आइडेंटिफाइंग इन ऑडिट स्ट्रेटजी एक्सप्लेन वंस द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी हैज बीन स्टेबलाइज्ड एक बार जब ऑडिट स्ट्रेटजी बन जाती है उसके बाद ऑडिटर ऑडिट प्लान कैन बी डेवलप्ड फिर उसके बाद प्लान बनाया जाता है टू एड्रेस वेरियस मैटर बहुत सारे मैटर्स को एड्रेस करने के लिए जो आइडेंटिफाई किए थे और स्ट्रेटेजी बनाते हुए एक्सप्लेन राइट सर देखो ये वाला क्वेश्चन ना अब मैं बोलूंगी सर इसको मार्क कर लेना और इवन ये वाला क्वेश्चन ना मैं आपको स्टडी मैट से पढ़ाना पसंद करूंगी इसके अंदर बच्चे वही वाला है जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन नंबर टू था ना कि बच्चे गप मार के आएंगे सेम पे है यहाँ पे मुझे लगता है कि बच्चे कुछ भी लिख के आएंगे लेकिन अगर मैं इसको क्वेश्चन को बताऊं किसके अंदर से आपको लिखते हुए बेसिकली आपको तीन चीजों के बारे में लिख के आने हैं कि यस सर ऑडिटर पहले ऑडिट स्ट्रेटजी बनाता है फिर उसके बेसिस पे अपना प्लान बनाता है जहां पे वो अपने प्रोसीजर का एन डिसाइड करता है ठीक है राइट सर हाँ ज, दे आर इंटर रिलेटेड दे आर इंटर रिलेटेड मतलब एक में चेंज आएगा तो दूसरे में चेंज आएगा ही आएगा एक तो ये पॉइंट पक्का आपको लिख के आना है सर दूसरा पॉइंट लिख क्या बोला generally बोला जाता जाता है? फिर लेकिन जरूरी नहीं है सर तो आप डायरेक्ट प्लान बना सकते हो तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सिक्वेंशियल रहे लेकिन हाँ दे आर इंटर रिलेटेड एक काम करते हैं इसका आंसर मैं आपको स्टडी मैट से पढ़ाती हूं इसका लैंग्वेज देखो और अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो किस तरीके से लिख के आना चाहिए देखो देख सबसे पहले कुछ नहीं किया स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान के बारे में थोड़ी सी बात लिखी गई कि सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाई जाती है उसके बाद ऑडिटर प्लान ऑडिट प्लान बनाया जाता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स को एड्रेस करने के लिए जो ऑडिट बनाते हुए उनके दिमाग में आई थी ठीक है सर और ये क्यों बनाया जाता है टू टेकिंग इन टू अकाउंट द नीड टू अचीव द ऑडिट ऑब्जेक्टिव थ्रो द इफेक्टिव यूज ऑफ ऑडिट टर्स रिसोर्स ठीक है स्ट्रैटेजी के बेसिस पे प्लान बनाया जाता है प्लान क्यों बनाया जाता है सो so डैट हम अपने ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके कैसे जो रिसोर्सेज हमारे पास है उसको, उसको यूज करके सर ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर तो हम बेसिकली ये डिसाइड करते हैं ना कि हमारे पास कितने रिसोर्स हैं कैसे यूज करने हैं कब करने हैं तो वही बात बोली गई है कि हम प्लान बनाते हैं सो so डैट हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके बाय यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज ठीक है सो द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरी और निक्वेंशियल प्रोसेस अंडरलाइन होनी चाहिए ये लाइन बट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड सिंस चेंज इन वन मे रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसी चेंज इन अदर ठीक है सर बात समझ पाए सर ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पक्का पक्का बोलूँगी कि इसको मार्क कर लेना और पेपर में जाने से पहले स्टडी मेट के यही तीन लाइनें पढ़ के जाना शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखा जाए तो बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ है जो आपको आंसर करते हुए अंडरलाइन करके आनी है पहली दो लाइन कुछ नहीं आंसर को रिपीट किया बस आगे क्या लिखा कि सर प्लान बनाया जाता है क्यों ताकि हम अपने ऑडिट ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें बाय यूजिंग रिसोर्सेज बाय यूजिंग ऑडिट रिसोर्सेज ठीक है सर दे आर इंटर रिलेटेड एक के अंदर चेंज आया तो दूसरे में भी चेंज करना करने की नीड पड़ सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा डिस्क्रेडिड और सब्सिक्वेंट प्रोसेस हो कि एक के बाद ही दूसरा प्रोसेस हो क्लियर बात समझ पाए ठीक है सर ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ माप कर लेना ये था हमारा चैप्टर नंबर टू के क्वेश्चन सात ही क्वेश्चन थे ठीक है अब एक काम करते हैं अब एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमारे चैप्टर नंबर थ्री के क्वेश्चन ठीक है तो एक बार चैप्टर नंबर थ्री पे मैं आ जाती हूं आप लोग भी अपना चैप्टर नंबर थ्री ओपन कर लीजिए चैप्टर नंबर थ्री हाँ जी सर चैप्टर नंबर थ्री स्टार्ट करते हैं सर पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर से सर ऑलमोस्ट दस से पंद्रह नंबर का बहुत प्यार से पूछ लेता है अरे <laughs> कितने क्वेश्चन है बाबा इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं कितने क्वेश्चन है क्वेश्चन राइट चलिए एक काम करते हैं स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर थ्री जल्दी से आप भी रेडी हो जाइए चल एट काम करते हैं एटीन से ही शुरू कर लेते हैं राइट चलिए पहला है वट इज मीन द सफिशियंसीऑफ एन ऑडिट एविडेंस हाँ जी सर एक्सप्लेन द फैक्टर इफेक्टिंग द ऑडिट ऑफ जजमेंट एज टू सफिशियंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस भाई सफिशियंसी क्या होता है सर हम सबको पता है एक तो ये बताओ सर सबसे पहले क्या करोगे ऐसे फाइव हंड्रेड ऑडिट एविडेंस का रेफरेंस लेके आओगे ठीक है एज पर द ऐसे फाइव हंड्रेड ऑडिट एविडेंस राइट और इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप एंड दफिशियंट्रोप ऑडिट एविडेंस ये लाइन लिखा होगा एक लाइन छोड़ोगे फिर लिखा होगा कि सफिशियंट का मतलब क्या है सर सफिशियंट क्या होता है बेसिकली डिनोट करते हैं किसको क्वांटिटी को कितने ऑडिट एविडेंस लेने हैं अब किस क्लाइंट के यहाँ पे किस सिचुएशन पे क्या चीज़ सफिशियंट रहेगी कितने ऑडिट एविडेंस सफिशियंट रहेंगे और कितने नहीं ये मल्टीपल फैक्टर पर डिपेंड करते हैं जैसे रिस्क मटीरियलिटी टाइप ऑफ पॉपुलेशन राइट इन सब के बेसिस पे ऑडिटर डिसाइड करता है कि किस केस के अंदर कौन से एविडेंस मटेरियल कितने एविडेंस सफिशियंट है और कितने नहीं राइट right? तो कौन कौन सा चीज़ है रिस्क ज्यादा रिस्क होगा ज़्यादा एविडेंस चाहिए कि मटीरियल जितने मटीरियल आइटम है उसके लिए उतने ज़्यादा एविडेंस सफिशियंट रहेंगे पॉपुलेशन दिस इज इंपॉर्टेंट सर एम सी क्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है स्मॉल पॉपुलेशन होमोजीनियस आइटम छोटा सा पॉपुलेशन है एक जैसी आइटम है तो कम एविडेंस भी सफिशियंट है वहीं बड़ा पॉपुलेशन पॉपुलेशन है विद हेट्रोजीनियस आइटम्स अलग अलग आइटम्स है तो सर ज्यादा एविडेंस लेने पड़ेंगे क्लियर राइट सर बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन था सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है मिस पी क्यू आर एंड एसोसिएटेड स्ट्रैटरी ऑडिटर ऑफ TUV Limited for the 2021. They have been appointed as a statutory auditor of TUV Limited for the first time. Sir, जैसे ही आप किसी भी question के अंदर ये पढ़ो ना तो पहले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ऐसे विच अगर आप किसी क्लाइंट के आप पहली बार ऑडिट करने जा रहे हो फर्स्ट टाइम तो किस चीज का केस है ऐसे फाइव टाइम इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब ऐसा ऑडिट जिसका ऑडिट तुमने पिछले साल नहीं किया तो पहली बार है तो मतलब पिछली बार तो नहीं किया ठीक है सर वट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द एंगेजमेंट पार्टनर इन टर्म ऑफ एस से फाइव टेन सर इसने ऑलरेडी बता दिया अगर ये नहीं भी बताता तो अगर इस केस में आता वट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर इन केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट तो बेटा एस ए का रेफरेंस दे के आते ठीक है उसके बादशी एक बात बताओ क्वेश्चन क्या है कि 510 के अकॉर्डिंग मतलब कोई भी ऑडिट जो तुम्हारे पास पहली बार आ रहा है उसके रिगार्डिंग तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है तो 510 के अकॉर्डिंग इसके रिगार्डिंग हमारा ऑब्जेक्टिव है हम दो चीज़ें चेक करें क्या कि सर जितनी भी ओपनिंग बैलेंस है कि ओपनिंग बैलेंस के अंदर कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है जो हमारे करंट ईयर को इफेक्ट कर रही हो सर पिछली बार का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग है पिछले साल तो हमने चेक नहीं किया तो इस साल वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो पार्ट बन रहा है ना बिकॉज इस बार वो ओपनिंग बन रहा है तो इसलिए उनको चेक करोगे इसके अंदर कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है ओपनिंग बैलेंसेज के अंदर दूसरी चीज़ अकाउंटिंग पॉलिसीज चेक करोगे अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्या चेक करोगे भैया बेसिक चीज कि सेम कंसिस्टेंसी पिछले साल जो अकाउंटिंग पॉलिसीज थी सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज है कि नहीं है दूसरा अगर चेंज है तो एज पर एफ आर एफ है कि नहीं है बात समझ पाए तो दीज आर द टू ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग द इनिशियल इनिशियलजमेंट हांजी सर ओपनिंग बैलेंसेज एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज चेक करनी होती है हमें ठीक है सर अच्छा एक बार बताओ इसका आंसर कैसे लिख के आओगे देख एक काम करेगा दिस इज काइंड ऑफ अ केस स्टडी वाला क्वेश्चन तो भैया पहले तो एस का रेफरेंस दो एज पर द एस ए फाइव टेन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर फिर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखो फिर लास्ट में अपने केस में क्या लिखा हुआ है भैया फिर एक काम करो लास्ट में कंक्लूजन के यहाँ पे ना क्वेश्चन से कनेक्ट कर दो तो भैया यहाँ पे हम ऑडिट करने गए हैं पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ओपनिंग बैलेंसेज एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को चेक करें पहले 510 के प्रोविजन एक्सप्लेन करोगे सेम बात ओपनिंग बैलेंस एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज़ उसके बाद एक बार अपने क्वेश्चन से कनेक्ट कर दो सो इन अ गिवन केस डेट पी क्यू आर लिमिटेड हैव टू चेक द ओपनिंग बैलेंसेज एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एज पर एस ए बात समझ पाए तो कैसे रहेगा सर एस का रेफरेंस दो तो। दूसरी लाइन के अंदर वो प्रोविजन लिखो थर्ड अपने क्वेश्चन से कनेक्ट कर दो क्लियर चलिए जितना भी केस स्टडी वाला क्वेश्चन होता है जिसमें सेक्शन नंबर हो या फिर तुम्हारा एसे हो तो कुछ इस तरीके से करो पहले सेक्शन को या फिर एसे के प्रोविजन को एक्सप्लेन कर दो उसके बाद क्वेश्चन से कनेक्ट कर दो राइट सर नेक्स्ट है ए एन एस एन एसोसिएट अ स्टैचरी ऑडिटर ऑफ एम एन ओ लिमिटेड द कंपनी लॉस कंपनी को लॉस हो रहा है ड्यू टू मिज इन द हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर्स ठीक है सर देयर लीडिंग टू द नेगेटिव नेटवर्क सर क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हो समझ में आ रहा है गोइन कंसर्न से रिलेटेड है श्योर नहीं हूँ अभी लेकिन हाँ स्टार्टिंग कुछ वैसी ही है ओके okay सर तो अरे एक और चीज़ भैया हर क्वेश्चन को एटलीस्ट दो बार पढ़ोगे द कंपनी हैज कमीज सफरिंग लॉसेज दूसरा क्या था एक तो लॉसेज हो रहे हैं कॉन्टिन्यू दूसरा नेगेटिव नेटवर्थ है ठीक है सर <coughs> also, the sales head, key management personnel of the company left the company due to the health issues. when ammar the engagement partner, discussed the scenario with the management of the company, he did not get any satisfactory reply with the management of the company. Uh, from the management, what is the responsibility of ans and associate with regard to sa 510? तो सर यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर पहले तो ये बताओ एस पांच सौ दस के अकॉर्डिंग हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एज पर द दाइव सेवेंटी हमारा बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंश्योर करना कि कंपनी अगर गोइन कंसर्न यूज कर रही है तो वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है हमें कोई ऐसा इंडिकेटर तो नहीं मिल रहा जो डाउट दे रहा है गोइन कंसर्न के ऊपर यहाँ पे तो हमारे पास तीन तीन इंडिकेटर आ गए तीन तीन क्या लॉसेज नेगेटिव नेटवर्थ और दूसरा की पर्सनल छोड़ के चला गया तो दी आर थ्री इंडिकेटर जो बता रहे हैं कि भाई देर सम तो गड़बड़ है है ना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई कोई इंडिकेटर नहीं है ये देखना अब हमें मिल गया उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर कुछ भी डाउट मिलता है उसको तो क्लियर करना यहाँ पे हमने क्या किया हमें डाउट मिला हमने मैनेजमेंट से पूछा कि सर देखो आप तो नेगेटिव लॉसेस में चल रहे हो अब आप क्या करने वाले हो आपका मैनेजर चला गया अब आप क्या करोगे या तो वहाँ से रिप्लाई आ जाएगा सेटिसफैक्ट्री या नहीं आएगा यहाँ पे क्या हुआ सेटिस्फेक्ट्री रिप्लाई नहीं आया तो सर अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अब मैनेजमेंट को बोलोगे ठीक है सर आपके यहाँ पे गोइंग कंसर्न के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो अब अगर आपके क्लाइंट ने गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग बुक्स बनाई है तो आप उसको बोलोगे सर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंजेस करो डिस्क्लोजर दो राइट right? अगर मैनेजमेंट मान जाए डिस्कलोजर देने के लिए बहुत बढ़िया तो खाली आप अपने ई पैराग्राफ के अंदर बता दोगे कि ये ये चीज़ें थी अगर मैनेजमेंट नहीं मानता वो अभी भी गोइंग कंसर्न पे बना रहा है तो उसका इम्पैक्ट चला जाएगा तुम्हारे ओपिनियन के ऊपर बात समझ पा रहे हो पक्का पक्का से पाँच सौ सेवन फाइव सेवेंटी के अकॉर्डिंग तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंश्योर करना कि है कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है कि नहीं है अब यहाँ पे तो अप्रोप्रेट है नहीं तो अब आप क्या करोगे सर आप मैनेजमेंट को बोलोगे कि ठीक है अब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज कर लो अगर वो चेंज कर दे तो बहुत बढ़िया तो ई में लिख के आ जाना क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है उसने तो बना दे गोइंग मतलब उसने तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से दिखाया लेकिन हो सकता है कि किसी का ध्यान ही ना जाए है ना तो आप एक काम करना आप अलग से लिख के आ जाना बिकॉज ओपिनियन तो गलत दे नहीं सकते बिकॉज बंदे ने एकदम सही काम किया तो आप ईयूएम दे के आ जाना अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज करने के लिए ना माने तो सर इसका इम्पैक्ट चला जाएगा तुम्हारे ओपिनियन के ऊपर क्लियर बात समझ पाए जी सर नेक्स्ट है द द असेस रिस्क ऑफ ऑडिटर शेल डिजाइन एंड परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर फॉर द ईच क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्कलोजर एनालाइज एंड एक्सप्लेन सर सर क्वेश्चन समझ में आता है सर सबसे पहले तो ये बताओ ये तुम्हारा सब्सैंडिव प्रोसीजर क्या होता है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए जो प्रोसीजर लगाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं सब्सटैंडिव प्रोसीजर राइट बेसिकली यहां पे हमें क्या करना है इसने पूछा है कि भाई अगर रिस्क नहीं है तो क्या बिना सब्सटैंडिव प्रोसीजर किए काम चल जाएगा नहीं सर

बिना सब्सटेंटिव प्रोसीजर के आप ओपिनियन दे दोगे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दे रहे हो तो ठीक है रिस्क नहीं है कम चेक करो लेकिन चेक तो करोगे बिना चेक करे कैसे दे दोगे राइट right? जब करने वो चीज जा रहे हो तो बिना करे कैसे ओपिनियन दे दोगे

सैप उसके अलावा लिख के आओगे मेन चीज कि भैया ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहां पे हम बिना एनालिटिकल uh, uh, बिना सब्सटेंटिव प्रोसीजर के सब्सटेंटिव प्रोसीजर मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने वाले प्रोसीजर तो बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किए हम कहीं भी ओपिनियन नहीं दे सकते थोड़ा तो हमें चेक करना ही पड़ेगा राइट right? तो ये रहेगा तुम्हारा शॉर्ट नोट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द ऑडिट वर्क एक काम करते हैं थोड़ा इसके ऊपर शिफ्ट कर देती हैं ताकि आप ध्यान से पढ़ सको क्वेश्चन नंबर फोर्टीन डिस्कस कर रहे हैं राइट मोस्ट ऑफ द ऑडिटर्स वर्क इन फॉर्मिंग ऑडिटर ओपिनियन कंसिस्ट ऑफ ऑप्टेनिंग एंड इवेलुएटिंग ऑडिट एविडेंस एक्सप्लेन भैया क्वेश्चन है कि ऑडिटर का काम है क्या ओपिनियन देना और ओपिनियन देने के लिए उससे ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करने पड़ते हैं एक्सप्लेन सर ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना इसका आंसर पढ़ोगे कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें समझ में ना आए लेकिन हाँ ये क्वेश्चन भी बोलूँगी रीड करके जाना रीज़न इज़ डैट कि इसको एक अलग तरीके से फ्रेम किया गया है ठीक है अब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि लिखें क्या एक काम करते हैं थोड़ा सा रीड ही कर लेते हैं सर देखो सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया इन लोगों ने थोड़ा सा एविडेंस को एक्सप्लेन किया है कि भाई एविडेंस कहाँ कहाँ से ले सकते हो एविडेंस का नेचर क्या होता है ठीक है जैसे कम्युनिटी में नेचर होते हैं राइट right? अब सोर्स क्या है कहाँ से तुम इन्फॉर्मेशन ऑप्टेन कर सकते हो जैसे इन और आउटसाइड कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है ठीक है उसके अलावा सर नेक्स्ट है मतलब यहाँ पे जितना भी लिखा गया ऑल अबाउट द ऑडिट एविडेंस इसके बाद इन्होंने लिखा गया कि भैया ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में कि ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करने के लिए क्या करने पड़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं उसको एक्सप्लेन किया गया है लास्ट में फिर दिस इज इंपॉर्टेंट इसको कनेक्ट कर दिया गया है ऐसे दोस्तों से जहां का ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ कि हम ऑडिट करते क्यों हैं बाकी सारे के सारे जितने भी स्टैंडर्ड है ना वो बस ये बता रहे हैं कि ऐसे दोस्तों में लिखे गए ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है तो ऐसे दो में लिखा गया है कि भैया ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रीजनेबल एश्योरेंस ऑप्टेन करे ताकि उस रीजनेबल एश्योरेंस ऑप्टेन करे ताकि उसके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन दे सके और सर रीजनेबल एश्योरेंस कब मिलती है जब ऑडिटर के पास सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होते हैं राइट right? तो इसलिए बोला गया है कि ओपिनियन देने के लिए ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए और रीज़नेबल इश्योरेंस कब मिलती है फिर से बोल रही हो रीजनेबल इश्योरेंस कब मिलती है जब ऑडिटर के पास सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होते हैं राइट right, सर तो इसको यहां से कनेक्ट कर दिया हाँ जी सर रीड करना डिफिकल्ट नहीं है बस इज जस्ट अ फ्रेमिंग कि भाई पेपर में जाने से पहले ऐसा क्वेश्चन कुछ हो तो यार एक्चुअली क्या है जो क्वेश्चन है कि पहले वाले क्वेश्चन थे दे आर वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आप ठीक से लिख के आ जाओगे जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो आप गप मार के आते हो तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर जितने भी मिले ना ट्राई करो एक बार आंखों के सामने से निकल जाए एक बार रीड कर लोगे ना अच्छे से तो दिमाग में बना रहेगा कि हाँ कुछ कुछ इस तरीके से मैं फ्रेम कर सकता हूं राइट right. नेक्स्ट है थर्टीन क्वेश्चन है द ऑडिटर ऑफ पी ऑफ पी ए आर एंड कंपनी अ फॉर्म ऑफ चार्ट अकाउंटिंग इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ ए बी इंडस्ट्रीज द ऑडिटर रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड बैंकर्स सर्टिफिकेट्स ठीक है सर हम ऑडिट पे गए हमने बोला मैनेजमेंट को कि हमें बैंक सर्टिफिकेट चाहिए फिक्स एफ के रिगार्डिंग देर वॉज अ मैनेजमेंट प्रोवाइड ओनली डब्ल्यू आर ऑन ऑन दिस मैटर एनालाइज हाउ वुड यू डील एज ए ऑडिटर अब आप बताओ आप इस केस में क्या करोगे सर एक बार बताओ हम डब्लू आर लेते हैं डब्ल्यू आर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली जाती है कि डब्ल्यू आर आर नेसेसरी ऑडिट एविडेंस मतलब नहीं मिलते तो प्रॉब्लम है लेकिन बट नॉट द सफिशेंट मैंने क्या बोला डब्ल्यू आर आर नेसेसरी एविडेंस कि ना मिले तो प्रॉब्लम है बट नॉट सफिशेंट इसका क्या मतलब है भैया मिलने जरूरी है लेकिन खाली डब्ल्यू आर से काम नहीं चलेगा राइट इस केस के अंदर हमें बैवडी के बारे में चाहिए तो भैया हमें बैंक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अगर मैनेजमेंट हमें बोलता है कि लो जी हमने डब्लू आर दे दिया बैंक सर्टिफिकेट क्या करोगे तो भैया खाली डब्ल्यू आर से काम नहीं चलता बिकॉज डब्ल्यू आर नेसेसरी एविडेंस बट नॉट सफिशियंट तो हमें बैंक सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा अब एक बात बताओ तुम्हें कोई एविडेंस चाहिए और तुम्हें नहीं मिल रहा तो अब क्या करोगे इसका इंपैक्ट जाएगा तुम्हारे ओपिनियन के ऊपर राइट सर तो खाली डब्ल्यू आर लेके नहीं बैठोगे यू हैव टू ऑब्टेन अदर ओर विव ऑल्सो

आप फिजिकल वेरिफिकेशन को अटेंड कर रहे हो तो फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करते हुए आपके दिमाग में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए सर उसके रिगार्डिंग प्लान करते हो आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे जब भी आप फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करने जाओगे तो उसके रिगार्डिंग जब भी प्लानिंग करोगे तो किन किन बातों का ध्यान रखोगे सर डायरेक्ट क्वेश्चन है क्या क्या है नेचर ऑफ इन्वेंट्री इसको ध्यान में रख के प्लानिंग करोगे स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस रिस्क कितना है नेचर ऑफ़ इंटरनल कंट्रोल टाइमिंग कब हो रहा है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम लोकेशन कहाँ पे है दूसरा असिस्टेंट ऑफ एन ऑडिटर एक्सपर्ट क्या किसी एक्सपर्ट की नीड है कि नहीं है उस इन्वेंट्री को समझने के लिए तो दीज आर द फैक्टर्स ऑडिटर हमेशा ध्यान में रखेगा जब भी वो इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए जाएगा उसके लिए प्लानिंग करेगा राइट सर चलिए नेक्स्ट है वैन यूजिंग द एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर द ऑडिटर शेल मेंटेन कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग सेंडिंग द रिक्वेस्ट अलोंग फॉलो अप द अपलाइंग अप्लाई एप्लीकेबल टू द कन्फर्मिंग पार्टी एक्सप्लेन द अदर पॉइंट एज टू वैन यूजिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर द ऑडिटर वुड बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कन्फर्मेश भैया क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजते हुए तुम्हें किस किस स्टेज पे कंट्रोल रखना पड़ता है सर क्वेश्चन बार वापस पढ़ रही हूँ आपके लिए एक सेकंड थोड़ा क्लीन कर लेते हैं व्हेन यूजिंग द एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर द एक्स ऑडिटर शल मेंटेन कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ठीक है सर इंक्लूडिंग सेंडिंग रिक्वेस्ट फॉलो अप ठीक है सर वेन अप्लाइंग टू द कंफर्मिंग पार्टी एक्सप्लेन द अदर पॉइंट इसने बोला कि जब तुम सेंड कर देते हो और फॉलो अप करते हो तो उसके रिगार्डिंग तुम्हें इंटरनल कंट्रोल पर कंट्रोल रखना पड़ता है ठीक है तो एक बात बताओ उसके अलावा कौन कौन से प्रोसीजर हैं एक्सटर्नल कन्फॉर्मेशन के अंदर जिनको करते हुए तुम इंटरनल्स कंट्रोल पे इंटरनल कंट्रोल का ध्यान रखते हो सर इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताना है मैं हमें बताना है एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का प्रोसीजर क्या है सर सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं अजर्शन को आइटम को जिसके रिगार्डिंग कंफर्मेशन चाहिए उसके बाद पार्टी को कन्फर्म करते हैं जिससे हमें वो कन्फर्मेशन मिलेगी फिर हम डिज़ाइन करते हैं और फिर उसको सेंड कर देते हैं और लास्ट में फॉलोअप यहाँ पे क्वेश्चन था कि भैया सेंडिंग और फॉलोअप के टाइम पे तुम इंटरनल कंट्रोल को ध्यान में रखते हो बाकी कौन कौन से प्रोसीजर हैं जिनके रिगार्डिंग भी तुम इंटरनल कंट्रोल को ध्यान में रखते हो तो सर पूरी की पूरी प्रोसीजर के रिगार्डिंग ही हम इंटरनल कंट्रोल को ध्यान में रखते ही अपना पूरा प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं राइट सर बात समझ में ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है लेकिन हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आए तो एक बार बोलूंगी ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना ठीक है सर नेक्स्ट है द नेचर ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस मे इन गिविंग समिंग रेस्ट हाईर लेवल ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन ट्रांजेक्शन विद द अनरिलेटेड पार्टी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एटलीस्ट थ्री एग्जाम्पल सर बोला गया है कि देखो वैसे तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होती ही रिस्की हैं लेकिन कुछ रिस्क केसेस के अंदर ये रिस्क और भी बढ़ जाता है तो ऐसे कौन कौन से सरकमस्टांस हैं जहाँ पे रिलेटेड पार्टी और भी रिस्की हो जाती है तो सर इन्होंने बोला गिविंग द थ्री एग्जाम्पल थ्री ही मांगेंगे बिकॉज आपके स्टडी मैट के अंदर तीन ही एग्जाम्पल दे रखे हैं तीन एग्जाम्पल क्या क्या दिए हुए हैं उन्होंने बोला अगर जो रिलेटेड पार्टी है या जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है वो किसी कॉम्प्लेक्स रिलेशन के थ्रू हो रही है मतलब कोई डायरेक्ट पार्टी नहीं है कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन के थ्रू हो रही है तो वो कई बार रिस्की हो जाती है क्योंकि वो ऑडिटर को समझ में ही नहीं आती दूसरा इन्फॉर्मेशन सिस्टम अगर उस कंपनी का इंफॉर्मेशन सिस्टम सही नहीं है सर बेसिकली एक बात बताओ इन्फॉर्मेशन सिस्टम का क्या मतलब है इन्फॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है कि सही टाइम पर सही इंफॉर्मेशन पहुंच जाए अगर सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है अकाउंट डिपार्टमेंट को पता ही ना चले कि रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन हुई है या फिर ये रिलेटेड पार्टी है तो वो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे अलग से है ना तो अगर इन इफेक्टिव अकाउंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है या कोई कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप या ट्रांजेक्शन है ठीक है सर या फिर अनयूजअल कोर्स अनयूजअल कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब एक बार बता रूटीन की ट्रांजेक्शन होगी तो तुम्हारा ध्यान चला ही जाएगा कोई नई सी ट्रांजेक्शन है जो डेली बेसिस पे होती नहीं है रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हो जो डेली बेसिस पे नहीं होती तो अगर उसके बारे में कुछ अकाउंट्स के अंदर ना डाला जाए अगर बुक्स के अंदर ना डाला जाए तो बहुत सारे चांसेस हैं कि ऑडिटर का ध्यान जाएगा भी नहीं क्योंकि वो ट्रांजेक्शन तो नॉर्मली होती ही नहीं है, है ना तो अगर कोई अनयूजल ट्रांजेक्शन हुई है तो वो भी आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है ऑडिटर के लिए तो तीन सिचुएशन के अंदर जाके रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन थोड़ी और रिस्की हो जाती हैं तो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हैं एक बार वापस देख लेते हैं राइट right? जरा हम चल लेते हैं यहां पे है ना एक बार यहां से देख लेते हैं <laughs> सॉरी 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 ये रहे सर तीन केसेस में जाके थोड़ी और रिस्की हो जाती है कौन कौन सा सर अगर जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो एक्सटेंसिव रिलेशनशिप के थ्रू हो रही है पहली चीज राइट दूसरा है इनफेक्टिव इंटर्न अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम है मतलब सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है दूसरा अगर जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो अब नॉर्मल मार्केट टर्म्स या कंडीशन पे हो रही है मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो नॉर्मली नहीं होती राइट right? तो इस केस के अंदर रिलेटेड पार्टी की ट्रांजेक्शन थोड़ी और रिस्की हो जाती है यहाँ तक बात समझ पाए ठीक है सर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं <coughs> नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑडिटर हैज़ नो ऑब्लीगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हाउेवर ठीक है सर ये कौन सा स्टैंडर्ड इंडिकेट कर रहा है सब्सिक्वेंट इवेंट ठीक है सर हावएर वेन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिज इश्यूड मतलब आप ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट दे दी लेकिन बिफोर इश्यू मतलब अभी तक पब्लिक को इशू नहीं की केम नो मतलब अपना ओपिनियन देने से पहले पता चल जाता मे हैव कॉज ऑडिटर टू अमेंड ऑडिट रिपोर्ट तो शायद उसका ओपिनियन कुछ और होता एक्सप्लेन दब्लिगेशन इन दिस सिचुएशन तो इस केस के अंदर ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर यस सर वैसे तो ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रहती हम कोई ऑडिट प्रोसेसर परफॉर्म नहीं करते राइट right? <coughs> लेकिन हमें अगर कोई प्रोसीजर पता चलता है मतलब हमें कोई फैक्ट पता चलता है जो पहले अगर हमें पता होता तो हमारा ओपिनियन कुछ और होता तो इस केस के अंदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी मतलब ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैनेजमेंट से डिस्कस करें मैनेजमेंट को बोले अगर उसको लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ चेंज करने का नीड है तो, तो वो मैनेजमेंट को बोले कि सर प्लीज़ इसमें चेंज कर दीजिए राइट मैनेजमेंट अगर चेंज कर दे तो बहुत बढ़िया अगर चेंज नहीं कर रहा तो फिर ऑडिटर मैनेजमेंट को बोल देता कि भाई ठीक है तो चेंज नहीं कर रहा ना तो एक काम कर अभी तक रिपोर्ट इशू तो नहीं हुई ना तो मेरी रिपोर्ट मत इशू करना और उसके बाद भी अगर वो इशू कर दे इशू का मतलब आ, यूजर्स जो शेयर होल्डर्स है उनको मत दे ठीक है उनको अगर दे दे उसके ना मतलब मना करने के बाद भी अगर यूजर्स को दे देता है तो इस केस में वो क्या करोगे अब ऑडिटर टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन बात समझ पा रहे हो सर देखो ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद वैसे तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है लेकिन उसके बाद भी अगर कोई फैक्ट पता चल जाता है ऑडिटर को तो ऑडिटर क्या करेगा ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा <coughs> तो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा सर देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट करने की नीड है कि नहीं है और मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज़ ये चेंजेस कर दीजिए अगर मैनेजमेंट चेंज करने के लिए रेडी हो जाए फिर तो बहुत बढ़िया अगर मैनेजमेंट चेंज करने के लिए रेडी ना हो तो वो मैनेजमेंट को बोलेगा ठीक है आप चेंज नहीं कर रहे तो काम करो मेरा ऑडिट रिपोर्ट इशू मत करना वो मान जाए तो बहुत बढ़िया कित कहाँ मानेगा सर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं माना तो रिपोर्ट भी इशू ना क्यों नहीं करेगा कर ही देगा तो इस केस में आप क्या लोगे आप लोगे अप्रोप्रिएट एक्शन अब आप पूछ सकते हो कि मैम हम अप्रोप्रिएट एक्शन कैसे लेंगे ऑडिट रिपोर्ट तो हमारा चला गया है अब हम अप्रोप्रिएट एक्शन क्या लेंगे फॉर एग्जाम्पल अब आप एक काम करो न्यूज़पेपर में डाल दो कि सर कंपनी के अंदर मेरा ऑडिट रिपोर्ट है मैं उसे एग्री नहीं कर रहा ये वाली बात मुझे बाद में पता चली कंपनी चेंज नहीं कर रही है ठीक है बात समझ पाए चलिए सर नेक्स्ट है ऑडिट एविडेंस ऑडिट एविडेंस इज ऑल द इंफॉर्मेशन यूज बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट अ कंक्ल्यूजन ऑन विच ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड ठीक है सर डबलू आर्स आर द नेसेसरी एविडेंस डेट ऑडिटर रिक्वेस्ट इन कनेक्शन विद ऑडिट एविडेंस इन कनेक्शन इन द ऑडिट ऑफ एंट्रोड्यूस वन एच ए स्टेटमेंट्स टू द रिस्पॉन्स टू द इंक्वायरी सर मैनेजमेंट क्वेश्चन uh, है कि ऑडिट एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के बेस पे वो ओपिनियन फ्रेम करते हैं उसी तरीके से से डब्ल्यूआर भी एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है जैसे इंक्वायरी होता है वैसे ही डब्ल्यूआर है स्टेट क्लियरली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर रिगार्डिंग द डब्ल्यूआर अब डब्ल्यूआर के रिगार्डिंग ऑडिटर के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं ये लिख के आना है तो सर डब्ल्यू आर बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का सर ऑडिटर के तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं एक तो कौन सा ऐसे से डब्ल्यू आर के बारे में बात करें फाइव तो इसमें तीन ऑब्जेक्टिव हैं ऑडिटर के पहला वो ऑप्टेन करें ऑडिट डब्ल्यू आर ऑप्टेन करना दूसरा वो ऑप्टेन क्यों करता है टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस उसने जो बात सर एक बात बोलूं जरा ध्यान से सुनना डब्ल्यू आर ना मैनेजमेंट <coughs> से हम लिख के लेते हैं कि आप लिख के दे दो कि आपने ये 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 किया है कि नहीं किया है ना तो सर एक तो ये ऑप्टेन करना इज इंपॉर्टेंट अब जहां पे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है वहां पे हम क्या एविडेंस ले सकते हैं वहां पे तो हम खाली यही ले सकते हैं तो भैया हम डब्ल्यू आर ऑप्टेन करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव है

सर ऑडिट डब्ल्यू आर मिले कि नहीं मिले मिले तो रिलायबल मिले कि नहीं मिले तो क्या सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट रिस्पोंड करना तो दीज आर द थ्री ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग द डब्ल्यू आर ठीक है यहां तक बात समझ पा रहे हो चलिए सो नेक्स्ट <coughs> है एम एस पंकज एंड एसोसिएट अ चार्ट अकाउंटेंट हैज बिन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ ए बी सी लिमिटेड सी ए पंकज डिड नॉट अप्लाई एनी ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग द ओपनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट वॉज ऑडिटेड बाई ऑडिटर देर इज नो रिक्वायरमेंट टू वेरीफाई देन इज सी ए पंकज करेक्ट इन हिज अप्रोच सही है, गलत है सर देखो पास सुनना सर ये क्वेश्चन कौन से स्टैंडर्ड से बिलोंग करता है ये करता है तुम्हारा एस ए फाइव टेन से इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट से राइट right. सर <coughs> एक बात बताओ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या बोलता है कि ओपनिंग बैलेंस चेक करो कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ चेक करो इसके रिगार्डिंग हमारे पास क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर है सर देखो कुछ आइटम्स के रिगार्डिंग तो हमें स्पेसिफिक प्रोसीजर करने पड़ते हैं जैसे फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग कुछ आइटम्स के रिगार्डिंग हमें स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं करने पड़ते डेली बेसिस पे जो हम काम करते हैं उसी से पता चल जाता है राइट और एक अगर पिछले साल ऑडिट हुआ था तो हम उस ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट भी ले सकते हैं ठीक है तो दीज आर द्री प्रोसीजर जो ऑर्डर के पास होते करने के लिए क्लियर सर देखो ये तीन प्रोसीजर ऑर्डर करने होते हैं ये नहीं है कि वो बोल दे कि ठीक है पिछली बार किसी और ने ऑडिट किया था तो मैं उस पर रिलाई करूँ दिस इज़ अ वन ऑफ द प्रोसीजर दिस इज नॉट द ओनली प्रोसीजर तो हम ये बोल दें कि भाई हमने पिछली बार का ऑडिट रिपोर्ट ले लिया बात खत्म ऐसा कुछ नहीं है हमें बाकी प्रोसीजर भी करने पड़ेंगे ठीक है दीज आर द थ्री प्रोसीजर जो हम परफॉर्म कर सकते हैं जो हमें करने होते हैं क्लियर बात समझ में आई तो यहाँ पे मिस्टर पंकज बोल रहे हैं कि सर पिछली बार को रिपोर्ट ले ली तो इस पर मुझे प्रोसेसर करने का नीड नहीं है तो सर ऐसा कुछ नहीं है आपको चेक करना पड़ेगा पांच सौ दस के अकॉर्डिंग दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी वेन डेविएशन फ्रॉम कंट्रोल्स विच द ऑल्टर इंटेंट टू रिलाई ऐसे कंट्रोल जिनपे आप रिलाई करने वाले थे ऑडिटर को उसमें डेफिशिएंसी मिल जाती है डेविएशन मिल जाते हैं द ऑडिटर शैल मेक स्पेसिफिक इंक्वायरी टू अंडरस्टैंड दिस मैटर्स एंड देयर पोटेंशियल एक्सप्लेन सर अगर कोई इंटरनल कंट्रोल था जिस पे आप रिलाई करने वाले थे लेकिन अगर आपको उसके अंदर डेविएशन मिल जाए कुछ गड़बड़ मिल जाए तो इस केस के अंदर आप किस किस चीज के बारे में इंक्वायरी करोगे सर हम बेसिकली तीन चीजों के बारे में इंक्वायरी करते हैं एक सेकेंड <coughs> पहला हम इंक्वायरी करते हैं किस चीज़ के बारे में भैया हम इंक्वायरी करते हैं कि भैया हमने बोला हमने इंटरनल कंट्रोल को चेक किया इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के जो प्रोसीजर लगाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो हम क्या बोलते हैं हमने टेस्ट ऑफ़ कंट्रोल लगाए और उसके बेसिस पे हमें डेविएशन मिले तो भाई पहले तो यही देख लो जो इंटरनल कंट्रोल आपने टेस्ट ऑफ़ कंट्रोल लगाए हैं वो अप्रोप्रेट थे भी कि नहीं थे जिसके बेसिस पे आपने बोला कि डेविएशन मिले तो क्या ये प्रोसीजर अप्रोप्रिएट थे कि नहीं थे इन पर रिलाई किया जा भी सकता है कि नहीं किया जा सकता ठीक है दूसरा आप देखोगे अच्छा डेविएशन मिल गए चलो कोई एडिशनल प्रोसीजर करने की नीड तो नहीं है एडिशनल चेकिंग तो नहीं करनी पड़ेगी अब मुझे दूसरा अब गलती मिल ही गई है तो एक काम करोगे अब देखोगे सर इसका आपका सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा पहले तुम रिलाई करने वाले थे तो ऑब्वियसली काम कम करते सब्सटेंटिव प्रोसीजर वो प्रोसीजर जो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए किए जाते हैं अगर पहला केस क्या था मैं इंटरनल कंट्रोल पर रिलाई करने वाला था मतलब मैं यहाँ पर काम कम करता अब मैं इस पर रिलाई नहीं कर रहा डेविएशन मिल गया अब क्या पड़ेगा सर अब मुझे अपने सबस्टैंडिव प्रोसीजर का एन टी ई चेंज करना पड़ेगा तो दीज आर द थ्री काइंड ऑफ इंक्वायरी जो ऑडिटर को करनी पड़ती है स्पेसिफिक इंक्वायरीज राइट सर चलिए नेक्स्ट है डिफाइन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट एक्सप्लेन इज द कंपोनेंट ऑल्सो सर रिस्क ऑफ मटीरियल मिस्टेटमेंट चैप्टर नंबर फोर का क्वेश्चन यहाँ आ गया चलिए कोई नहीं उसको मटेरियल में स्टेटमेंट कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कहीं ऑडिटर गलत ओपिनियन ना दे दे राइट सर आरएमएम के कंपोनेंट कौन-कौन से हैं इन इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क दीस आर द टू कंपोनेंट ऑफ आरएमएम क्लियर सर चलिए नेक्स्ट है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू द ओपनिंग बैलेंस इन कंटिन्यू द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन कि भैया ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है हमें इंश्योर करना होता है कि कोई ओपनिंग बैलेंसेज के अंदर मिस स्टेटमेंट तो नहीं है जो मेरे करेंट ईयर के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी इफेक्ट कर सकती है ठीक है सर नेक्स्ट है ऑल दो डब्ल्यू आर प्रोवाइड द नेसेसरी ऑडिट एविडेंस येट दे नॉट प्रोवाइड द सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन हिज ओन अबाउट एनी ऑफ द मैटर विच दे आर डी डिस्कस सर आपको डब्ल्यू के ऊपर शॉर्ट नोट लिख के आना होगा कि डब्ल्यू आर आर नेसेसरी बट नॉट सफिशेंट मतलब खाली डब्ल्यू आर लेके आप ये नहीं बोल सकते कि आपने अपना सारा काम कर लिया डब्ल्यू आर तो खाली बाकी ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करते हैं खुद से आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते तो भाई इस केस के अंदर आपको कुछ नहीं करना बस डब्ल्यू आर के ऊपर शॉर्ट नोट लिख के आ जाना क्लियर चलिए सर <coughs> नेक्स्ट है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी मे फैसिलिट इफेक्टिव और एफिशिएंट रिव्यू ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पार्टली फॉर द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट एक्सप्लेन सर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं मतलब मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि, क्योंकि कई बार स्टूडेंट मेरे पास आता था कि मैम ये कुछ गलत नहीं है इसका आंसर बेटा क्वेश्चन उनको लगता था यहाँ पर क्या पूछा गया कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बेनिफिट क्या हैं लेकिन ध्यान से पढ़ना दिस इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी और डॉक्यूमेंटेशन समरी के क्या बेनिफिट हैं तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिख दोगे एक सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी क्या होती है यहाँ पे हम क्या करते हैं जितने भी सिग्निफिकेंट जजमेंट सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं ना हमारे ऑलरेडी रिपोर्ट के अंदर सर एक बात बताओ <coughs> हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में तो बहुत कुछ आता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में तो बहुत कुछ आता है मतलब हमारा ऑडिट प्रोग्राम भी हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है हमने जो ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करे वो भी हमारे ऑडिट एविडेंस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होते हैं उसके अलावा हमारा जो डब्ल्यू आरस हैं वो भी हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट है जो हम एंगेजमेंट लेटर लेते हैं साइन करवाते हैं वो भी हमारे एंगेज डब्ल्यू आर का हमारे डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट है कोई चेक लिस्ट बनी है वो भी हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है ठीक है सब कुछ हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है हर ऑडिट के अंदर ना हमारी ऑडिट फाइल इतनी मोटी हो जाती है सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बाद ठीक है तो एक बात बता तो सारे के सारे डॉक्यूमेंटे तुझे अब कुछ उसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ढूंढनी है तो तेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तो इसीलिए हम एक समरी भी बना सकते हैं इस समरी में क्या रखा जाता है भाई जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर और सिग्निफिकेंट जजमेंट थी मतलब देखते नहीं ऑडिट प्रोग्राम बनाया ये सारी बातें नहीं रखी जाती इसके अंदर बस तो रखेगा जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर थे भाई कोई रिस्क मिला कोई फ्रॉड मिला कोई रेड बड़ी ट्रांजेक्शन थी ठीक है कहीं पे तेरे स्कोप को लिमिट किया गया किसी चीज के बारे में एविडेंस नहीं मिले जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स उन सबको एक जगह पे रख लेते हैं उनके रिगार्डिंग जगह पे रख लेते हैं इसका बेनिफिट क्या रहता है कि भाई कल तुझे कुछ देखना है ना तो तुझे पूरी फाइल के अंदर से वो मैटर ढूंढने का नीड नहीं है खाली समरी में से देख ले है ना तो जितना बड़ा एंटिटी होता है वहां पर जाके और बेनिफिशियल हो जाता है तो बस आप क्या लिख क्या हो गे? इसका मीनिंग लिख के होगे ये हेल्प करता है क्या रिव्यू करने में सिग्निफिकेंट मैटर्स को कंसीडर करने में और उसकी बेसिस पे आप देखते हो ऐसा कोई स्टैंडर्ड तो नहीं है जो हम अप्लाई ना कर पाए अपना ऑडिट करते हुए बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो एन सिग्निफिकेंट मैटर ठीक है सर ये वाला लाइन फिर से बोलूँ उसके अलावा आपको पता चलता है कि ऑडिट करते हुए अगर कोई ऐसा ऐसे था जो आपको लगाना चाहिए था लेकिन आप नहीं लगा पाए जैसे आपको डब्ल्यू आर चाहिए था लेकिन आपको नहीं मिले राइट right? आप एक्सपर्ट का, का काम यूज़ करना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पाए तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है ऑडिटर के लिए जहां पे वो किसी सिचुएशन के अंदर अपने किसी स्टैंडर्ड को नहीं लगा पाता जो उसको लगाने चाहिए थे तो उसको इन सारे सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है उसकी पूरी फाइल खोलने की नीड नहीं पड़ती क्योंकि एक समरी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट राइट सर लास्ट क्वेश्चन डिफाइन और इट डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो गिव सम एग्जाम्पल सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखाना और का डेफिनेशन लिखाना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दीज आर द रिकॉर्ड्स जो ऑडिटर रखता है रिकॉर्ड किस चीज़ के बारे में ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में ऑडिट एविडेंस के बारे में और कंक्लूजनस के बारे में इनके बेसिस पे हमें पता चलता है कि हमें अपना ओपिनियन क्या देना है और कल का अगर हमें कोई क्वेश्चन करता है कि आपने काम ठीक से किया कि नहीं किया तो प्रूव कर सकते हैं ठीक है इसके एग्जाम्पल क्या है सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के वो मैं अभी भी बोल रही थी आपको हमारा ऑडिट प्रोग्राम भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन है हमारे डब्ल्यू आरस भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन हमारे रिप्रेजेंटेशन कन्फर्मेशन समरी ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स चेक चेकलिस्ट एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डॉक्यूमेंटेशंस ऑडिट करते हुए हर चीज़ का डॉक्यूमेंट हमें रखना होता है ठीक है सर तो एवरी थिंग इज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन लेकिन एक चीज रखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट दबल डॉक्यूमेंटेश हमारा थर्ड चैप्टर अब एक काम करते हैं अब जल्दी से फोर्थ चैप्टर के अंदर आ जाते हैं फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन हम कर लेते हैं एक सेकेंड चलिए फोर्थ चैप्टर हाँ जी सर चैप्टर नंबर फोर के साथ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फोर हाँ जी सर चलिए चैप्टर नंबर फोर के अंदर टोटल देखें तो भैया कितने क्वेश्चन हैं थ्री थर्टी चैप्टर नंबर थ्री में तो बहुत थे फोर्थ में कितने हैं जी कितने क्वेश्चन हैं एक सेकेंड आपके नाइन क्वेश्चन हैं कुल चलिए स्टार्ट करूँगी क्वेश्चन नंबर वन से एक सेकेंड एक काम करते हैं शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा जूम कर लू राइट ठीक है चल पहला क्वेश्चन है द ऑडिटर शब एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजर एक्टिविटीज डेट द एंटिटी यूज टू मॉनिटर इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सप्लेन भैया क्वेश्चन क्या है कि इंटर सर इंटरनल कंट्रोल को सर इंटरनल कंट्रोल में कंपोनेंट है ना कंपोनेंट क्या क्या है कंट्रोल इन्वामेंट राइट रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एक्टिविटी उसी में से लास्ट क्या है मॉनिटरिंग राइट right? तो हमें इंटरनल्स कंट्रोल की जब नॉलेज लेनी होती है तो हम क्या करते हैं हम इन पांचों कंपोनेंट की नॉलेज लेते हैं right? राइट तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है कि इंटरन जब हम इंटरनल कंट्रोल को समझने के लिए उसकी मॉनिटरिंग को समझते हैं सर मॉनिटर इंटरनल कंट्रोल को मॉनिटर करने के लिए मैनेजमेंट ने कुछ एक्टिविटीज की होंगी तो जब हम मॉनिटरिंग को समझते हैं तो हम इन एक्टिविटीज की नॉलेज लेते हैं बेटा देख इंटरनल कंट्रोल के पांच कंपोनेंट हैं जब हमें इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज लेनी होती है तो हम इन पांचों कंपोनेंट की नॉलेज लेते हैं उसी में से एक है मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग मतलब मैनेजमेंट मॉनिटरिंग के अंदर क्या मॉनिटरिंग कंपोनेंट के अंदर कि मैनेजमेंट क्या करता है इंटरनल कंट्रोल के ऊपर मॉनिटर लगाता है मॉनिटर करते हैं कि सारे इंटरनल कंट्रोल ठीक से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे है. तो भैया मॉनिटरिंग की अंडरस्टैंडिंग लेते हुए हम देखते हैं कि मैनेजमेंट मॉनिटरिंग किस तरीके से करता है मॉनिटरिंग की एक्टिविटीज क्या क्या है तो हमें जब मॉनिटरिंग को समझना होता है तो हम इन एक्टिविटीज की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं जैसे कौन कौन सी मेजर एक्टिविटी है मॉनिटरिंग के अंदर राइट right. सर hmm. तो सर मॉनिटरिंग की अंडरस्टैंडिंग मॉनिटरिंग को समझने के लिए हम मॉनिटरिंग की एक्टिविटीज को समझते हैं तो कौन कौन सी एक्टिविटी है मॉनिटरिंग के अंदर सर हाँ जी सर सर, देखो हम देखो मॉनिटरिंग एक्टिविटीज या तो उनकी ऑनगोइंग एक्टिविटी होंगी मतलब डेली बेसिस ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी सर जिसके बाद उन्हें इंटरनल कंट्रोल के ऊपर मॉनिटर कर पाते होंगे या हो सकते हैं मॉनिटरिंग के लिए अलग से एक्टिविटीज करते हो हम उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे कई बार मैनेजमेंट को डिफरेंट डिफरेंट जगहों से इंटरनल कंट्रोल के ऊपर मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन यूज़ करता है इंटरनल कंट्रोल को मॉनिटर करने के लिए जैसे कई बार एक्सटर्नल सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इंटरनल कंट्रोल अप्रोप्रिएट है कि नहीं है जैसे हो सकता है गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सर आपके यहाँ पे यह कंट्रोल है ये वीक है राइट कई बार कस्टमर्स बता देते हैं कि भैया आपके यहाँ पे ये काम ठीक से नहीं हो रहा राइट उसके अलावा अगर इंटरनल कंट्रोल यहाँ पर इंटरनल फंक्शन है तो ऑडिटर इसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा बात समझ में तो दीज आर द मेजर एक्टिविटीज जो हम मॉनिटरिंग को समझने के लिए अंडरस्टैंड करते हैं क्लियर चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिस्क ऑफ मटीरियल में स्टेटमेंट रिस्क ऑफ मटीरियल मिस्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट एक्सप्लेन प्लियरलीफाइनिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट यस सर आरएमएम का डेफिनेशन दिया होगा इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से सी एंड कंट्रोल रिस्क उनको समझाना आना राइट सर इनहारेंट रिस्क कि मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है उनमें गलती होने के कितने चांसेस हैं मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है उनमें गलती होने के कितने चांसेस हैं कंट्रोल रिस्क सर जो इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट ने लगाए हैं उनके इन इफेक्टिव होने के कितने चांसेस हैं मतलब जिस पर्पज के लिए इंटरनल कंट्रोल लगाए गए हैं अगर वो उसमें फेल हो गया उसके कितने चांसेस है उसको बोलते हैं कंट्रोल रिस्क आर इन दोनों से मिलकर बना है दीज आर द कंपोनेंट ऑफ आर राइट सर नेक्स्ट है द एसेट डज नॉट ऑर्डनरी रेफर the ordinary uh, the acid does not ordinarily refer to inherent and control risk separately but rather to be a combined assessment of the risk of material misstatement explain so dekho essay 315 ne bataya hai ki risk ko kaise assess karna hai theek hai although वैसे ऐसे 315 ने बोला है कि generally तो RMM के दो कंपोनेंट है inherent and control risk, दोनों को साथ में स्टडी किया जाता है लेकिन sir sir but ऐसे restrict नहीं करता कि साथ में स्टडी करोगे

नेक्स्ट है कंट्रोल इन्वायमेंट स्टेटिंग कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या क्या होता है सर control environment क्या है? दिस इज अ कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है डिसिप्लिन कितना है तो इसके अगर हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट है कम्युनिकेशन इन्फोर्समेंट ऑफ एथिकल वैल्यू कि जो एथिकल्स वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन की उसको किस तरीके से कम्युनिकेट किया सर एक बात बताओ ना कल्चर तो मैनेजमेंट डेवलप करेगा ना वही अपने इम्प्लॉइज़ को कम्युनिकेट करेगा कि यहाँ पे क्या क्या एथिकल्स वैल्यू है क्या डिसिप्लिन है तो किस तरीके से इन एथिकल वैल्यू को कम्युनिकेट किया जाता है और इन्फोर्स करवाया जाता है कमिटमेंट टू कम्पिटेंस कि मैनेजमेंट खुद कितना कॉम्पिटेंस है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए टी सी डब्ल्यू जी का कितना पार्टिसिपेट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर राइट सर दूसरा मैनेजमेंट का फिलॉसफी क्या है दूसरा ऑर्गेन का स्ट्रक्चर क्या है लाइक like ऑनरशिप क्या है दूसरा अथॉरिटी एंड ड्यूटीज एंड लास्ट है पॉलिसीज कि भैया ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से ट्रीट करता है तो दीज आर द एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल बात समझ पाए सर पेपर के अंदर ये भी आ सकता है कंट्रोल इन्वा के ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है उसके अलावा एक क्वेश्चन आ सकता है वाइल्ड स्टडिंग कंट्रोल इनवायरमेंट यू हैव टू चेक वेदर दीसीड जी पार्टिसिपेट or तो इन कि कितना पार्टिसिपेट करते किन किन बातों को देख के आपको पता चलेगा कि टीसीड जी पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते उनकी इंडिपेंडेंस को देख के दूसरा the, कितनी इंफॉर्मेशन दी जा रही है सर राइट right. वो जो एक्शन ले रहे हैं इन इन्फॉर्मेशन के ऊपर वो कितना अप्रोप्रिएट है और दूसरा इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर से वो कितना इंटरेक्शन कर रहे हैं इन चार बातों से पता चल जाएगा कि टी जी का इन्वॉल्वमेंट कितना है एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है ठीक है चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन द ऑडिटर आइडेंटिफाइड डेफिशेंसी एंड रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है सर ऑडिटर आइडेंटिफाइडी इन रिपोर्ट एंड इंटरल कंट्रोल ही सिग्निफिकेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंटर्शन डेट आर इफेक्टेड बाय द इन इफेक्टिव इन ऑर्डर टू इवेल्यूएट द इफेक्ट ऑफ कंट्रोल रिस्क असैस एंड स्ट्रेटेजी फॉर द ऑडिटर स्टेटमेंट सर जैसे मैंने बाकी क्वेश्चन के लिए बोला मैं इस क्वेश्चन के लिए बोलूँ कि रीड करके जाना एक काम करती हूँ इंस्टीट्यूट के ही आंसर से रीड करवाती हूँ जरा ये वाला आंसर सर अगर हमें कंट्रोल रिस्क असेस करते हुए डेफिशिएंसी मिलती है तो हमारा क्या एक्शन रहता है सर सब? सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया ये जो डेफिशिएंसी मिली है मान लीजिए कोई कंट्रोल था ए उसमें कोई डेफिशिएंसी मिली तो मैं देखूंगी भैया ये कंट्रोल की वजह से कौन कौन सी अजर्शन इफेक्ट हो रही हैं मान लीजिए इसकी वजह से मेरी चार अजरशंस इफेक्ट हो रही हैं मतलब इन चार अजरशंस के ऊपर ही सेम कंट्रोल था और ये वीक है ठीक है तो पहले तो मैं ये देखूंगी कि कौन-कौन सी अजर्शन इससे इफेक्ट हो रही है फिर मैं देखूंगी कि इन अजर्शनस के ऊपर इस कंट्रोल ए के अलावा भी कोई कंट्रोल था कि नहीं था तो सर सबसे पहले मैंने क्या देखा मैंने देखा कि इस कंट्रोल की वजह से कौन-कौन सी अजर्शनस इफेक्ट हो रही हैं फिर मैं देखूंगी इन अजर्शनस के ऊपर इन कंट्रोल के अलावा भी कोई कंट्रोल था कि नहीं था फिर मैं देखूंगी अगर वो कंट्रोल था मतलब मान लीजिए हमने कंट्रोल ए में डेफिशिएंसी मिली सबसे पहले आप देखोगे कौन कौन सी अजर्शन है जिसे इफेक्ट हो रही है फिर आप देखोगे इन अजर्शन के ऊपर कोई और कंट्रोल है क्या नहीं है आपने देखा एक और कंट्रोल है कंट्रोल बी अब आप कंट्रोल बी को चेक करोगे कि वो इफेक्टिव है कि नहीं है सर मान लीजिए कंट्रोल ए वीक था लेकिन बी इफेक्टिव है तो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर कंट्रोल बी भी डिफेक्टिव है तो सर अब हम क्या करेंगे हम अब अपने इस कंट्रोल पर रिलाई नहीं करेंगे अब हम क्या बोलेंगे सर ये है हमारा कंट्रोल रिस्क हाई अब हम ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे क्लियर बात समझ पाए अगर हमें किसी कंट्रोल के ऊपर रिस्क दिखता है तो हम इफेक्ट देखते हैं कि कौन कौन सी अजर्शन से इफेक्ट हो रही है उसके बाद हम देखते हैं कि भैया कोई कंपनसेटरी कंट्रोल है कि नहीं है इन अर्जर्शन के रिगार्डिंग अगर आदर्शन के रिगार्डिंग कोई कंट्रोल मिल जाता तो बहुत बढ़िया लेकिन अगर हमें लगता है कि भैया जो इन इफेक्टिव कंट्रोल था वही खाली कंट्रोल है कोई और कंट्रोल नहीं है तो भैया अब हम उस पर रिलाई नहीं करते अब हम क्या करते हैं सर हम ज्यादा से ज्यादा काम करके अपने एश्योरेंस को बढ़ाते हैं अपने रिस्क को कम करते हैं क्लियर सर चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अब आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर क्वेश्चन नंबर सिक्स है ऑप्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स इन्वास इंक्लूडिंग द एंटिट्रोल इट इस कॉन्टिन्यू डायनामिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग अपडेट एनालिसिस इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑडिट एनालाइज एंड एक्सप्लेन एक्सप्लेन विद द एक्जाम्पल सर देखो वैसे है, तो पता ही क्या होता है जब भी हम ऑडिट करते हैं ना तो हम स्टार्टिंग में इंटरनल कंट्रोल चेक कर लेते हैं उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमें काम ज्यादा करना है या कम करना है वैसे तो स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं लेकिन इट्स अ प्रोसेस प्रोसेस मतलब यार वैसे तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा लगाकर चेक करेगा लेकिन भैया टेस्ट तो ऑफ कंट्रोल कर लिया लेकिन हो सकता है कि तो बाकी जो प्रोसीजर कर रहे हैं ना जैसे नॉर्मल प्रोसीजर तुमने मटेरियल डिसाइड किया तुम रिस्क असेस कर रहे थे तुमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे कोई भी एक्टिविटी करते हुए शायद तुम्हें कोई ऐसा कंट्रोल मिल जाए कोई ऐसा रिस्क मिल जाए जो पहले तो नहीं मिला था राइट ऑल द स्टार्टिंग में किया जाता है बट इट अंटिन्यू प्रोसेस मतलब तुम्हें कोई और काम करने से भी इंटरनल कंट्रोल के बारे में नॉलेज मिल सकती है ऐसी एक्टिविटी जो तुमने स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं की इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए लेकिन हो सकता है तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाए समझ रहे हो तुम सैलरी चेक कर रहे थे सैलरी चेक करते करते तुम्हें इंटरनल कंट्रोल के बारे में कुछ पता चल गया सैलरी के ऊपर जो कंट्रोल लगे हुए राइट तो इट्स अ कॉन्टिन्यू प्रोसेस एग्जाम्पल सर जितने चाहो उतने बना लो जैसे मटीरियल डिसाइड करते हुए हो सकता है कि आपको किसी कंट्रोल रिस्क के बारे में पता चल जाए जो पहले नहीं पता था रिस्क असेस करते हुए शायद आपको इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस के बारे में पता चल जाए ऑडिट एविडेंस लेते हुए आपको हो सकता है इंटरनल्स कंट्रोल के बारे में पता चल जाए तो इट्स ए कंटिन्यू डायनामिक प्रोसेस जब तक काम करोगे हो सकता है आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो आपको पहले नहीं मिली थी नॉर्मल है राइट चलिए सर नेक्स्ट है इंटर्नल कंट्रोल ओवर सेफ गार्ड ऑफ द एसे इंक्लूड कंट्रोल रिलेटेड टू द बोथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव प्लीज ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल सर यहां पे तो मैं आपको लेके जाना चाहूंगी नोट्स के ऊपर हमारा क्वेश्चन क्या है कि इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है राइट right? देख ऑब्जेक्टिव है इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है ये इंश्योर करना सारी की सारी ट्रांजेक्शन एज पर अथॉरिटी हो दूसरा सारी की सारी ट्रांजेक्शन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड हो प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड का मतलब होता है सही ट्रांजेक्शन सही पर्सन ने सही टाइम पर रिकॉर्ड की हो ठीक है सर सेफ गार्ड ऑफ द एसेट्स दूसरा कि भैया जितने भी एसेट्स हैं एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करती हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट में ठीक हैं कि नहीं है मतलब अगर दस एसेट्स एग्जिस्ट करती है फैक्ट्री के अंदर तो दस ही रिकॉर्ड की गई है ना ना तो ग्यारह होनी चाहिए ना नौ होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए ना ज्यादा राइट देर इज कंपैरिजन ऑफ रिकॉर्डेड एसेड विद द एक्जिस्टिंग एसेड दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल बात समझ में बेटा पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव आए ये लिख के आएगा पर्पज आए तो ये लिख के आएगा इसीलिए बोला था नोट से करवाऊंगी बिकॉज कन्फ्यूजन पेपर के अंदर आए कि सर इंटरनल्स कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है ये लिख के आओ इंटरनल कंट्रोल का पर्पस क्या है इवन बिजनेस का पर्पस क्या अगर ये क्वेश्चन भी आता है ना बिजनेस का पर्पस क्या है तो आपको ये लिख के आना है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव आए बिजनेस का पर्पज है तो आप ये लिख के आओगे ये क्या है दिस इज द रियल आर स्टैंड फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ई स्टैंड फॉर द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑफ ऑपरेशंस ए स्टैंड फॉर द सेव कर ऑफ द एसेट्स एल स्टैंड फॉर द कम्पलाइंस विद द रेलिवेंट लॉ एंड रेगुलेशन तो पेपर में ऑब्जेक्टिव आए ये लिख के आओगे पर्पज आए तो ये लिख के आओगे क्लियर सर चलिए हाँ जी सर कहां पहुंच गए ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए तो बड़े जल्दी हो गया नहीं सेकेंड लास्ट है इट वॉज सजेस्टेड दैट द एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल शुड बी टेस्टेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसीजर टेस्ट एंड द एग्जामिनेशन इन एग्नेशन इंटेक्ट विद्प एक्सप्लेन विद द विद्जाम्पल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोसीजर फॉर सेल्स सर देखो दिस इज अ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट मतलब रीड करके जा तो समझ में आएगा क्योंकि इनका कोई फिक्स आंसर नहीं है यहाँ पे दिया हुआ है कि भैया सेल्स प्रोसीजर को चेक करते हुए उसके इंटरनल कंट्रोल को कैसे चेक करोगे राइट right? कुछ एग्जाम्पल्स तो राइट सर कल सेल के अलावा परचेज का भी आ सकता है दिस इज़ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज पर डिपेंड करेगा अब अगर मैं बहुत जर्नल बोल तो सेल्स के रिगार्डिंग क्या क्या कंट्रोल हो सकते हैं सर पहली चीज़ सेल्स का ऑर्डर लेने से पहले आप देखोगे इन्वेंट्री है भी कि नहीं है देख कभी भी ना ऐसे कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो पहले ना दिमाग में पूरा प्रोसीजर सोच लो हुआ क्या होगा सेल्स का ऑर्डर आया होगा राइट फिर ऑर्डर दिया होगा डिस्काउंट वगैरह दे सकते हैं कैश पेमेंट आ सकती है क्रेडिट दिया हो सकता है पहले पॉइंट समझ लो उसके बाद

दूसरा भैया जो इन्वाइस इशू किया सेल्स के रिगार्डिंग तो इन्वाइस इशू किया होगा वो ऑथोराइज पर्सन ने किया है कि नहीं किया ऑथोराइज फॉर्मेट में किया गया है कि नहीं किया दूसरा सेल्स करते हुए सामने वाली पार्टी को अगर गुड्स दे दिए तो उनसे एक्सेप्टेंस ले लिया है कि नहीं ले लिया दूसरा अगर कैश से पेमेंट आनी चाहिए थी तो आ गई कि नहीं आई अगर क्रेडिट पे पेमेंट की गई है तो भैया क्रेडिट देने से पहले वर्दी चेक कर ली गई है कि नहीं की गई ठीक है एज पर पॉलिसी क्रेडिट दिया गया कि नहीं किया गया जिसने क्रेडिट दिया है उसके पास अथॉरिटी थी कि नहीं थी सिंपल उसके अलावा और क्या हो सकता है सर अगर डिस्काउंट वगैरह दिया तो जिस पर्सन ने डिस्काउंट दिया उसकी अथॉरिटी थी कि नहीं थी राइट right, सर पक्का ठीक है सामने वाली पार्टी को सेल कर दिया तो उसे एक्सेप्टेंस या एक्नोलेजमेंट का लेटर लिया कि नहीं लिया तो दीज आर द बेसिक कंट्रोल्स ओवर द सेल्स परचेज आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बट एक बार पक्का बोलूँगी रीड करके चले जाना एक बार इसको रीड करवा दूँ क्या चल कर लो हाँ जी सर बिफोर एक्सेप्टेंस एनी ऑर्डर द पोजिशन ऑफ द इन्वेंट्री ऑफ द रेलिवेंट आर्टिकल शुड बी नोन कि भैया हम ये ऑर्डर फुलफिल कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे टाइम पे एंड एडवाइज़ इन दर्थराइजेस द सेल मैनेजर शुड बी सेंड टू द पार्टी प्राइजिंग द ऑर्डर भैया किस प्राइस पे बेच रहे हैं ठीक है क्या नंबर रहेगा इन वॉयस का इन सब के रिगार्डिंग आप पहले ही कम्युनिकेट कर दोगे जो ये एडवाइस जाएगी ये स्टैंडरइज फॉर्म में जानी चाहिए ठीक है सर उसके बाद क्रेडिट पीरियड जो अलाउ किया है वो नॉर्मल क्रेडिट पीरियड होना चाहिए ठीक है सर जिसने दिया उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए क्रेडिट पीरियड देने की उसके अलावा सर द रेट जिस रेट पे गुड्स दी गई हैड बीन एक्सेप्टेड एंड अदर टर्म्स उसके अलावा बाकी टर्म्स भी चेक करोगे अगर इंश्योरेंस की कोई टर्म है ट्रांसपोर्ट की टर्म है वो शुड बी क्लियरली कि भैया क्या क्या टर्म्स थी वो क्लियर थी कि नहीं थी एज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो नॉर्मल रहता है वही थी कि नहीं थी उसके लिए देखोगे सर बिफोर डिसाइडिंग अपॉन द क्रेडिट पीरियड अ रेफरेंस शुड बी मेड टू द क्रेडिट सेंक्शन टू नो द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द पार्टी कि भाई जिस पार्टी को तुम क्रेडिट दे रहे हो उसको देना चाहिए भी कि नहीं चाहिए क्लियर राइट सो लास्ट क्वेश्चन है आपका डेट इज़ Sweet fruit private limited, a private limited has a turnover of the 115 crores for the financial year 1920. Explain whether the during the financial year 1921. Sorry. Sweet fruit private limited has a turnover of the one five five crores. ठीक है, है सर एक सौ पचपन करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर नाइनटीन ट्वेंटी एक्सप्लेन वेदर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन स्वीट प्राइवेट लिमिटेड वुड बी रिक्वायर और नॉट रिक्वायर टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर कीपिंग इन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन कंपनीज एक्ट सर सेक्शन वन थर्टी एट बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल के बारे में इंटरनल ऑडिट के बारे में राइट सर सेक्शन वन थर्टी एट बात करता है इंटरनल ऑडिट के बारे में वहाँ पर क्या लिखा गया क्या हर कंपनी को इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ता है नहीं सर एक लिमिट दी गई है लिमिट क्या है सर सर हर लिस्टेड कंपनी को करवाना पड़ता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का केस है तो कैपिटल चेक की जाती है अगर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा है तो उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा अगर टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा है तो ऑडिट करवाना पड़ेगा अगर लोन या बोरिंग्स 100 करोड़ से ज्यादा है तो उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा डिपॉजिट्स अगर 25 करोड़ से ज्यादा है तो ऑडिट करवाना तो इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा राइट प्राइवेट कंपनी हमारा क्लाइंट क्या था हमारा था प्राइवेट कंपनी तो हमें क्या देखने ये दो प्रोविजन ये क्या बोलते हैं अगर किसी प्राइवेट कंपनी का टर्न दो सौ करोड़ या उससे ज्यादा होगा तो उनको इंटरनल ऑडिट करवानी पड़ेगी या फिर उनका लोन या बोरिंग्स हंड्रेड करोड़ या उससे ज्यादा होगा तो उनको क्या करवाना पड़ेगा सर क्या करवाना पड़ेगा ऑडिट हमारे केस में जो है तो यहां पे कितना है दिस इज दन फाइव फाइव दैट इज लेस देन टू हंड्रेड करोड़ तो क्या हमें करवाने का नीड है नहीं सर इस क्लाइंट को करवाने का नीड नहीं है इंटरनल ऑडिट राइट सर ये था हमारा चैप्टर नंबर फोर अब फटाफट आ जाते हैं सर हमारे चैप्टर नंबर फाइव के ऊपर चैप्टर नंबर जल्दी से आ जाते हैं हमारा चैप्टर नंबर फाइव के ऊपर राइट एक सेकेंड सर डाउनलोड कर लेते हैं हम फटाफट हम्म चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फाइव इट इज़ फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट सर चलिए फटाफट ऐसे क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं आ ही गए हम बस 90s का सॉन्ग था है किसने गेस किया तो हाँ जी सर पहला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फ्रॉड फ्रॉड क्या होता है प्रोवाइड द मीनिंग एज गिवन टू द अंडर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मतलब एस से 240 ठीक है सर फ्रॉड क्या है दिस इज इन टेंशनल मिस्टेटमेंट राइट इंटेंशनली मिस्टेटमेंट जो क्यों की जाती है इट्स ए इंटेंशनली एक्ट जो एक एक से ज्यादा लोग मिलके करते हैं टू ऑप्टेन द अन एडवांटेज अनजस्ट एडवांटेज राइट सर डेफिनेशन है यही लिख के आनी है सर प्लेन डेफिनेशन मांगी है एज पर द एसिड 240, फोर्टी राइट सर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन सेल्फ रिवीलिंग विद द हेल्प रिविलिंग सम इलस्ट्रेशन सर ये आप मुझसे अच्छा बता सकते हो क्योंकि आप लोगों के अभी सिलेबस में है ये मतलब आप अकाउंटिंग में पढ़ ही रहे होंगे सर वो वाली एरर जो खुद ब खुद सामने आ जाती हैं जिनको सर्च नहीं करना पड़ता जैसे सर मान लीजिए लाइक इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं सर डबल एंट्री सिस्टम तो मान लीजिए तुम्हारा एसेट साइड में कोई ट्रांजेक्शन आ गया लेकिन लाइब्रेटी में नहीं गया है ना मिसमैच हो गया तो अपने आप दिख जाएगा राइट जैसे क्रेडिटर से पेमेंट आ गई तो तुमने कैश तो बढ़ा दिया लेकिन क्रेडिटर कम नहीं किए तो सर दिस इज अ सेल्फ रिविलिंग सामने दिख गया कि भाई कुछ तो ऊपर प्रॉब्लम है ठीक है तो दीज एरर जो खुद ब खुद सामने आ जाती है उनको क्या बोलते हैं सेल्फ रिविलिंग एरर्स सर एक एडवाइस दूंगी फ्रॉड्स वाले चैप्टर के अंदर जो जितनी भी टाइप ऑफ एरर हम अकाउंटिंग के अंदर पढ़ते हैं एक बार वो सारी पढ़ के जाना पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है ठीक है सर नेक्स्ट है दिस इज मैनी वे फॉर द कैश डेफिल्केशन वन ऑफ विच इज द सेपरेशन ऑफ द कैश रिसिट्स सर कैश डेफिलकेशन करने के बहुत सारे मैथड है यस yes, सर उसमें से एक है कैश रिसीट्स को सप्रेस्ड करना लिस्ट फ्यू टेक्निक्स हाउ द रिसीट्स आर सप्रेस्ड कि सर आप रिसीट्स को सप्रेस्ड कैसे करते दो दर इज मल्टीपल माथर्ड जिसे आप डेफिलीशन ऑफ कैश कर सकते हो मतलब कैश में फ्लॉड कर सकते हो जैसे इन्फ्लेशन ऑफ द कैश पेमेंट खर्चा था सौ रुपए का बुक कर लिया एक सौ दस का या एक सौ दस रुपये मांग लिए सेपरेशन ऑफ द कैश रिसीट्स एंड द रोम टोटल यहाँ पे जो हमसे मांगा है हमसे मांगा है एग्जाम्पल की सेपरेशन ऑफ द कैश रिसीट्स के तो क्या क्या एग्जाम्पल हैं सर सर दीज आर द सम एग्जाम्पल इसके अलावा जितने भी एग्जाम्पल हैं आप अपने दिमाग से लगा के बनाना चाहो बना सकते हो जैसे कि राइटिंग ऑफ द डेट्स मतलब मान लीजिए कोई डेटर था दो साल से सा आउटस्टैंडिंग था उसे पैसे आ गए लेकिन आपने क्या किया उसको बैड डेट में दिखा दिया बोलते बस पैसा ही नहीं ठीक है सर ये बेसिकली हम करते हैं सेल्स के टाइम पे, मतलब मान लीजिए आपके पास कोई एसेट था दस हज़ार रुपये का आप उसको सेल करने वाले तो आपने क्या किया सेल करने से पहले ना आपने उसको रिवैल्युएट करके कर दिया दो हज़ार रुपये अब बुक में उसकी वैल्यू आ रही है रिवैलुएशन के बाद दो हज़ार रुपये मार्केट में आप उसको बेच के आ रहे हो सर नौ हजार रुपये का आपने बोल दिया कि हमने बेचा सर दो हज़ार रुपये का क्योंकि वैल्यू ही दो हज़ार रुपये थी सात हज़ार किसके पास गए आपके पास तो जर्नली जब रीसेल करना होता है एसेट्स को तो उस टाइम उसको रिवैल्यूशन किया जाता है वो भी कम पे ठीक है सर ताकि किसी को पता ना चले नेक्स्ट इज टीमिंग एंड लीडिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट भी आ सकता है ये वाले मैथड के ऊपर टीमिंग एंड लीडिंग क्या है सर मान लीजिए आपने क्रेडिट सेल किया ए को बी को C को D को E को F को राइट right? अभी A से पैसे आ गए उससे हजार रुपए आपने क्या किया ये हजार रुपए आपने अपने पास रख लिए, अभी भी A को आउटस्टैंडिंग रखा फिर आ गए सिर्फ B के पैसे B से आ गए पैसे उन्होंने क्या किया B से जो पैसे आए उससे ना A को एडजस्ट कर दिया B को आउटस्टैंडिंग रखा फिर जब C से पैसे आए तो B को एडजस्ट कर दिया C को आउटस्टैंडिंग रखा इसे हुआ क्या एक बंदा हर टाइम मतलब किसी एक क्लाइंट के पैसे आप हमेशा यूज कर रहे हो बिना बुक में रिकॉर्ड किए है, है ना और उसका बेनिफिट क्या है सर देखो अगर कोई भी पर्सन बहुत लंबे टाइम के लिए आउटस्टैंडिंग रहता है ना तो ऑडिटर कहीं ना कहीं पूछता है कि भाई दो साल हो गए इस बंदे से पैसे नहीं आ रहे क्या सीन है आप कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे बैड डेट में डाल दो या तो या फिर कुछ आपने एक्शन लिया अब इससे क्या हुआ ये एडजस्ट करते गए तो कोई भी बंदा बहुत लंबे टाइम के लिए आउटस्टैंडिंग गया ही नहीं ऑडिटर का ध्यान ही नहीं जाएगा ऐसा कुछ हो रहा है ठीक है दिस इज स्टीमिंग एंड लीडिंग उसके बाद है कैश सेल sale, मतलब सेल्स हुई कैश में और आपने क्या किया सारा का सारा अपने पॉकेट में रख लिया बुक ही नहीं किया अनऑथराइज डिस्काउंट आपके पास पावर था कि आप डिस्काउंट दे सकते थे राइट right? आपने जो कस्टमर को बेचा विदाउट डिस्काउंट बेच दिया आपने कस्टमर को बेचा हजार रुपये का आपने बुक में बोला कि मैंने आठ का बेचा दो सौ डिस्काउंट देने पड़े दो सौ रुपये कहाँ गए सर अपने पॉकेट में नो अकाउंटिंग फॉर द Miscellaneous receipts कई बार क्या होता है सर जैसे कि स्क्रैप सेल कर दिया किसी का ध्यान नहीं होता है ना तो इनकी अकाउंटिंग ही नहीं की तो दीज आर द सम मैथड फॉर सेपरेशन ऑफ द कैश रिसेप्ट इसके अलावा कोई और भी हो सकते हैं जो आपका मन करे ठीक है सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आर द इवेंट्स एंड कंडीशन डेट मे इंडिकेट्स एंड इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड सर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या हैं दीज आर द कंडीशन जो इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पे इनके पास चांस है क्या फ्रॉड करने का अपॉर्चुनिटी है फर्दर द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री एंड द एंटिटी ऑपरेशन ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू अंगेज इन फ्रोडर एंड एक्टिविटीज लिस्ट आउट द केसिसॉर्चुनिटी में कुछ भी नहीं है हमें क्वेश्चन पढ़ते हैं ना फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स जो इंडिकेट करते हैं कि सर शायद यहाँ पे फ्रॉड हुआ हो राइट right? तो बेसिकली फ्रॉड क्यों होता है या तो प्रेशर की वजह से या अपॉर्चुनिटी की वजह से या फिर सामने वाले का नेचर होता है यहां पे क्या था कि फ्रूड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इसके रिगार्ड इसको करने की अपॉर्चुनिटी के कुछ एग्जांपल दो मतलब कुछ ऐसे सिचुएशन बताओ जो इंडिकेट कर रही है कि भैया यहां पे ना मैनेजमेंट चाहे तो एफएफआर कर सकती थी बिकॉज उसके पास अपॉर्चुनिटी थी बात समझ पा रहे हो सर क्वेश्चन क्या था आप इस बोल रही हूँ सर क्वेश्चन है फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आर द इवेंट्स एंड कंडीशन ये जो फैक्टर्स होते हैं वो इवेंट्स एंड कंडीशन होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि यहां पे मैनेजमेंट या इंप्लॉय के पास ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पे वो चाहे तो फ्रॉड कर सकता है यहां पे उन्होंने बोला हमें सर देखो कोई भी जो फ्रॉड करते हैं ना बेसिकली तीन रीजन से करता है ये बोला जाता है मतलब हमारे इस चैप्टर में ये बोला गया कि देर इज तीन रीजन है जिसकी वजह से फ्रॉड जाता है या तो मैनेजमेंट फ्रॉड करता है या इंप्लॉय करता है और बेसिकली तीन ही रीजन होते हैं या तो मैनेजमेंट या इंप्लॉय को के ऊपर प्रेशर है ठीक है या फिर उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर उनका नेचर है यहां पे उन्होंने बोला कि हमें अपॉर्चुनिटी के कुछ एग्जाम्पल दो जो इंडिकेट कर रहे हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर का क्वेश्चन समझ में आ रहे हो ठीक है सर कुछ एग्जाम्पल जैसे अगर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन हुई है तो सर वहां पे फ्रॉड हो सकता है अपॉर्चुनिटी है क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते हैं दूसरा स्ट्रॉन्ग फाइनेंस फाइनेंशियल प्रेजेंस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिग्निफिकेंट एस्टिमेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन है जहाँ पे एस्टिमेशन लगाए जाते हैं सर एस्टिमेशन के अंदर फ्रॉड किया जा सकता है ठीक है सर अनयूजल ट्रांजेक्शन है ऑपरेशन ऑफ द टेक सर आपकी जो कंपनी है जो काम कर रहा है आपका जो क्लाइंट काम कर रहा है वो टैक्स हेवन कंपनी के थ्रू कंट्री के थ्रू कर रहा है टैक्स हेवन कंट्रीज सर कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जहाँ पे टैक्स देना नहीं पड़ता उनको बोलते हैं टैक्स हेवन कंट्री जितना मुझे पता है सिंगापुर से टैक्स हेवन कंट्रीज ठीक है तो अगर आपका क्लाइंट टैक्स हेवन कंट्री के थ्रू काम कर रहा है तो वो भी उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है क्या फ्रॉड करने की जैसे सर मान लीजिए सिंगापुर से टैक्स हेवन कंट्री ठीक है वहाँ से आप जो भी ट्रांजेक्शन्स करोगे उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना था तो आपके क्लाइंट ने क्या किया ऑल द सिंग, सिंगापुर के साथ नहीं किया दुबई के आ, मान लीजिए किया श्रीलंका के साथ लेकिन वाया सिंगापुर किया ठीक है था तो फ्रॉड है ना किया तो श्रीलंका के साथ था लेकिन गलत वाया श्रीलंका सिंगापुर कर लिया ताकि आप दिखा सको कि आपने टैक्स सेवन कंट्रीज़ के साथ किया है और आपने टैक्स बचा लिया राइट तो दीज आर द सम सिचुएशन जिनको हम बोलते हैं दीज आर सम अपॉर्चुनिटी एग्जांपल ऑफ अपॉर्चुनिटी जो मैनेजमेंट को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एफ करने के राइट पेपर में क्वेश्चन आता कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर बताओ जहां इम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी मिल रही है फ्रॉड करने की ठीक है सर तो दीज आर द एग्जाम्पल फॉर द इम्प्लॉय हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था एफ के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज बताओ क्लियर ठीक है सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर यू नोटिस अ मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्रॉड एंड सस्पेक्टिंग फ्रॉम द फ्रॉड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड कंक्लूड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू द ऑपरेशंस ऑफ द ऑडिट एज स्टेटरी ऑडिटर हाउ वुड यू डील सर आप ऑडिट करने गए आपको लगा भाई इस क्लाइंट के यहाँ पे तो मैं काम नहीं कर सकता तो ऐसे 240 बोलते हैं बोलता है कि भाई ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए जहां पे फ्रॉड की वजह से अगर आपको लगता है ना कि मैं यहाँ पे काम और कंटिन्यू नहीं करूंगा बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है सर तो आप छोड़ सकते हो लेकिन छोड़ने से पहले आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप देखोगे आपका कोई लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं है ठीक है उसके बाद देखोगे सर आप जाने से पहले टी सी डब्ल्यू जो मैनेजमेंट से डिस्कस करके जाओगे और उसके बाद देखोगे कि सर किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को तो इन्फॉर्म करने का निर्ड नहीं है जैसे कंपनी के, के केस में अगर हम काम बीच में छोड़ के जाते हैं एज पर दन सेक्शन सेक्शन वन, वन फोर्टी अगर हम रिजाइन करते हैं तो हमें तीस दिन के अंदर आर ओ सी को कंपनी को और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सी एच जी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि भाई हम इस वजह से छोड़ के जा रहे हैं तो अब देख लेना आपको किसी को इन्फॉर्म करने का निर्ड तो नहीं है सर जाने से पहले अपने लीगल रिक्वायरमेंट्स देखोगे उसके बाद आप से डिस्कस करोगे और अपना लास्ट में अपना अ, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट देखोगे किसी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने की ठीक है।, है सर चलिए नेक्स्ट द एग्जाम्पल एक्सप्लेन द स्कोप इन रिलेशन टू द कंपनीज ऑर्डर 2020 भैया देखो कारों के क्लोज नंबर कारो 20 के अंदर क्लोज नंबर 11 के अंदर हमें फ्रॉड के बारे में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है राइट right? हमें क्या क्या रिपोर्टिंग करनी पड़ती है हमें सर देखो कारो के अंदर हम सिर्फ उन्हीं फ्रॉड के बारे में रिपोर्टिंग करते हैं जो नोटिस हुए हैं ठीक है थीके? तो भैया हम पहले जो देखते हैं जितने भी नोटिस फ्रॉड हैं उन सब के बारे में रिपोर्टिंग करते हैं उसके अलावा एक रिपोर्टिंग जो आती है कि सर अगर एज पर वन फोर्टी थ्री सबसेशन ट्वेल्व हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना था सर याद है ना सेक्शन 143 फोर्टी थ्री सब सेक्शन ट्वेल्व क्या बोलता है कि अगर फ्रॉड का अमाउंट इंडिविजुअल फ्रॉड का अमाउंट एक करोड़ या उससे ज्यादा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है एटीटी फोर के अंदर तो भैया अगर ऐसा केस था तो ठीक से 143 फोर्टी थ्री सब सेक्शन ट्वेल्व के साथ कंप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ तीसरा विसिल ब्रोवर अगर विसल ब्लोअर का केस था अगर कोई विसल ब्लोअर का कंप्लेन था तो उसके बारे में भी हमने कारों के अंदर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है तो बेसिकली हमें तीन चीज़ों के बारे में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि जितने भी नोटिस फ्रॉड हैं दूसरा सर 143 के अकॉर्डिंग वन फोर्टी सेव सेक्शन ट्वेल्व के अकॉर्डिंग अगर रिपोर्टिंग होनी थी तो ठीक तरीके से हुई है कि नहीं हुई एंड लास्ट विसल ब्लोअर क्वेश्चन है कि कारों का रिपोर्टिंग करते हुए आप कौन को आपका स्कोप क्या है मतलब आपके ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेंगे सर पहले जितने भी नोटिस फ्रॉड है उन सब के बारे में रिपोर्ट करनी पड़ेगी तो नोटिस फ्रॉड का क्या मतलब है कि ड्यूरिंग दैट जितने भी फ्रॉड नोटिस किए गए हैं उनको रिपोर्ट करना पड़ता है कि ये फ्रॉड हुए हैं इस इतने अमाउंट के और ये पार्टीज से इन्वॉल्व थे हमें ये रिपोर्टिंग करनी पड़ती है तो इसके रिगार्डिंग हमारे ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेंगे ये रिपोर्टिंग करने के लिए हमें फ्रॉड को तो जानना पड़ेगा तो हमारे पास ऑडिट क्या क्या प्रोसीजर है हम मैनेजमेंट से इंक्वायरी करते हैं कि भैया जितने भी फ्रॉड हुए हमें बता दो उसके अलावा अगर इंटरनल ऑडिटर है उसकी रिपोर्ट देखते हैं उसके अलावा ऑडिटर अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हैं कि किसी पर्सन को किसी फ्रॉड के बारे में पता चला क्या ठीक है सर दूसरा रिपोर्टिंग है 143 के साथ कंप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ तो पूरा का पूरा प्रोसीजर देखोगे कि जहां पे रिपोर्टिंग जानी चाहिए थी वहां पे 143 के साथ प्रॉपर रिपोर्टिंग गई है कि नहीं गई विसल ब्रोअर के रिगार्डिंग आप क्या करोगे विसल ब्रोअर के रिगार्डिंग आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करोगे कि भैया कोई कंप्लेन तो नहीं आई अगर आई है तो हमें बता दो हमें रिपोर्टिंग करनी है राइट right, सर दीज आर द स्कोप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स नेक्स्ट है सर ड्यूरिंग द स्टेटरी ऑडिट ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी सर नोट्स पे शिफ्ट कर दो एक सेकेंड राइट ड्यूरिंग द स्ट्रेटरी ऑडिट ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक्स वाइजर लिमिटेड ऑडिटर मिस्टर बजाज एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ बजाज चोपड़ा एंड एसोसिएट एनकाउंटर सम एक्सेप्शन एक्सेट ब्रिंग इन टू द क्वेश्चनिटी टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग मटेरियल स्टेटमेंट एक्सप्लेन द स्टेप एक्सप्लेन द स्टेप टू बी टेकन इन सच केस सर क्वेश्चन है कि आपको कोई फ्रॉड मिला अब आप यहाँ पे आपके लिए बहुत मुश्किल है यहाँ पे कंटिन्यू करना तो आपके क्या स्टेप रहेंगे ये क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करके आए थे कि अगर हम छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ते हुए हमारे क्या क्या स्टेप रहते हैं सर सबसे पहले हम देखते हैं हमारे लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसके बाद हम टी सी डब्ल्यू जी और मैनेजमेंट से डिस्कस करते हैं लास्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी कोई है उसको इन्फॉर्म करने की नीड है क्या वो देखते हैं उसके बाद हम विड्रॉ कर लेते हैं ठीक है सर नेक्स्ट है इन एडवोकेट इंटरनल कंट्रोल ओवर एसेट्स में इंक्रीज दक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द मिस्टेटमेंट्स ऑफ दो इन लिस्ट सम एक्सेप्शन ऑफ द सच सर्कमस्टांस सर क्वेश्चन है कि एसेट्स के ऊपर अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो कई बार वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो ऐसे कुछ सर्कमस्टांस जो इंडिकेट कर रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल वीक है ओवर द एसेट्स उसके कुछ एग्जाम्पल दीजिए क्वेश्चन रीड करके जाना अच्छा क्वेश्चन है सर इसके एग्जाम्पल क्या क्या सर कुछ एग्जाम्पल सारे याद करने नहीं है कुछ याद कर लेना तो दीज आर द सम एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ दीज आर द इन इफेक्टिव इन टर्मल इन इफेक्टिव जिसकी वजह से सर एसर्ट्स के अंदर फ्रॉड हो सकता है ठीक है तो so, सबसे पहला है इन एडवोकेट सेग्रेशन ऑफ द ड्यूटीज ठीक है सर इन एडवोकेट ऑफ सुपरविजन ऑफ सीनियर मैनेजमेंट ठीक है सर इन एडवोकेट रिपोर्ट रिकॉर्ड कीपिंग सर देखो इन एडवोकेट सेग्रेशन ऑफ द ड्यूटी ठीक से सेगरेट नहीं किया गया है सर ओवर करने का काम किसका होता है टी सी का सीनियर मैनेजमेंट का अगर वो ठीक से नहीं कर रही है तो तब भी फ्रॉड हो सकते हैं दूसरा अगर ठीक से बुक्स मेंटेन नहीं की गई हैं तो भी फ्रॉड हो सकते हैं सर किसको पता ही नहीं चल कितनी एसेट्स आई थी कितनी चली गई अगर प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया ठीक है सर अनऑथराइज सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांजेक्शन सर कोई ट्रांजेक्शन मान लीजिए कोई एसेट्स है आपने परचेज की तो सर परचेज करने से पहले कोई अथॉरिटी भी तो लेनी पड़ती होगी ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी इंप्लॉई जाके कोई भी एसेट ले जाएगा कंपनी के नाम से तो अगर प्रॉपर अप्रूवल्स नहीं है तो प्रॉब्लम है सर इन एडवोकेट फिजिकल सेफ गार्ड सर देखो कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है मैनेजमेंट का रिस्पॉसिबिलिटी होता है अगर वो ठीक तरीके से नहीं होगा तो भी उनके अंदर फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं लैक ऑफ द कंप्लीट एंड टाइमली रिकनसिलेशन ऑफ द एसेट सर ओपनिंग एंड क्लोजिंग का रिकनसिलेशन की भैया ओपनिंग बैलेंस इतना था ड्यूरिंग इतनी एसेट्स परचेज करी इतनी सेल करी क्लोजिंग पर इतना आना चाहिए रिकनसिलेशन ठीक है सर अगर रिकन्सिलेशन नहीं बनेगा सर एक बहुत बड़ी कंपनी है हजार से ऊपर एसेट्स हैं अगर उनका रिकंसिलेशन ना बने तो कितने चांसेस है कि अपने घर एसेट लेकर चला जाए है ना लैक ऑफ lack डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन लैक ऑफ मैंडेटरी इसका क्या मतलब है सर देखो इंप्लॉय को सर तो एक बहुत फेमस इंटरनल कंट्रोल है ये कहा जाता है कि इंप्लॉयज को ना मंथ के अंदर एक दो महीने के अंदर ना इंकरेज करना चाहिए कि वो हॉलीडे ले ले रीज़न उनकी जगह कोई सर अगर कोई एम्प्लॉई है मिस्टर ए वो हॉलीडे लेंगे तभी तो उनकी जगह पे मिस्टर बी आके कुछ काम कर पाएंगे लेकिन हर रोज मिस्टर ए आएंगे खुद ही सारा काम कर रहे हैं तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या काम कर रहे हैं इसलिए बोला जाता है कि सर इंकरेज करना चाहिए इंप्लॉइज को कि वो थोड़ी बहुत छुट्टियां ले ताकि उनके काम को कोई और आकर करेगा तो थोड़ा वेरिफिकेशन हो जाता है ठीक है सर नेक्स्ट है इन एडवोकेट मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच एबल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंप्लॉय टू प्रेम्ट मिस एप्रोबेशन सर दीज आर द सम स इन इंटरनल कंट्रोल जिसकी वजह से एसिड्स के अंदर फ्रॉड हो सकता है बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आप छे सात कर लीजिए बहुत हैं ठीक है सर ओके नेक्स्ट 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 क्वेश्चन है इन ऑडिट ऑफ फाइनेंसियल स्टेटमेंट ऑफ पी लिमिटेड सी ए विकास फाइंड कैश रिज है सच टेक्निक्स विच मे बी लेड हिम सस्पेक्ट दिस कैश रिस को सप्रेस्ड कैसे करोगे ये अभी हम पढ़ के आए हैं रिसीड्स का सप्रेशन वही एग्जांपल है सर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिस्ट एनोसिएशन विच इंड्यूस मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय टू कमिट फ्रॉड कुछ एग्जाम्पल बताओ जिसकी वजह से मैनेजमेंट या एम्प्लॉय फ्रॉड करते हैं सर हो सकता है मैनेजमेंट के ऊपर कोई प्रेशर है प्रेशर किस चीज़ का इंट्रस्ट्री का कि प्रॉफिट दिखाना ही दिखाना है राइट इम्प्लॉयिज़ को पता है कि सर लेआउट हो रहा है उनको पता है कि सर जॉब जा रही है रिसेशन आ रहा है तो सर वो फ्रॉड करने के लिए इंडल्ज होंगे ठीक है कई बार क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जैसे अभी हमने पढ़ा था मान लीजिए रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो यहाँ पे इम्प्लॉय को क्या मिल गया सॉरी मैनेजमेंट को क्या मिल गया अपॉर्चुनिटी वहीं अगर इंटरनल कंट्रोल वीक होंगे इंप्लॉयज को अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी तो दीज आर द सम एग्जाम्पल जिसकी वजह से इंप्लॉय या फिर मैनेजमेंट फ्रॉड करते हैं ठीक है सर सर जितने हाई लेवल पे फ्रॉड होता है उतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ऑडिटर के लिए उसको आइडेंटिफाई करना राइट लास्ट क्वेश्चन है फ्रूड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एफ एफ आर ऑफन इन्वॉल्व मैनेजमेंट ओवर राइड ऑफ कंट्रोल्स डेट अदरवाइज मे अपीयर टू बी इफेक्टिव

इन इनअप्रोप्रिएट अजम्शनस लेना उसके अलावा किसी ट्रांजेक्शन को या इवेंट को तो रिकॉर्ड नहीं करना या जल्दी कर लेना या डिले कर देना कंसिलेशन या नॉन डिस्कलोज किसी फैक्ट को दिखाया ही नहीं ठीक है सर मतलब कोई कंटिजेंट लाइब्रेरी थी दिखाई नहीं एंगेज इन द कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहे हैं ताकि फ्रॉड कर सके ठीक है ऑल्ट्रेशन कर दिया बुक के अंदर विदाउट अथॉरिटी या फिर कोई अन्यूचुअल ट्रांजेक्शन तो दीज आर टेक्निक्स पे वो इंटरनल कंट्रोल को ओवर करके फ्रॉड कर सकता है इन टेक्निक्स के थ्रू समझ पाए सर अगर आपने नोटिस किया हो चैप्टर नंबर फाइव के अंदर ना मोर ओवर वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए राइट right? मतलब एग्जांपल्स एक रिपोर्टिंग का क्वेश्चन था दैट इज़ कारो के रिगार्डिंग बाकी सारे डायरेक्ट क्वेश्चन थे कि भैया सब्रेस कैसे कैश रिसीव हो करो एग्जाम्पल दो पेपर के अंदर आ सकता है सर इन्फ्लेशन ऑफ द कैश पेमेंट की एग्जाम्पल दो कुछ भी आ सकता है सर एनी थिंग इसके अंदर बहुत क्वेश्चन बनते हैं सारे डायरेक्ट बनते हैं ठीक है सर जैसे ही हमने ऑडिट प्रोसीजर पढ़ा कि ऑडिट प्रोसीजर हम टीम के साथ डिस्कस करेंगे इंटरनल ऑडिटर के साथ डिस्कस करेंगे ऑडिट कमेटी के साथ डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे इंटरव्यू आर लेंगे तो दीज आर ऑडिट प्रोसीजर्स क्लियर चलिए सर ये था हमारा चैप्टर नंबर फाइव चैप्टर नंबर सिक्स पे चल लेते हैं आप लोग भी जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए चलिए चैप्टर नंबर ऑटोमेटिक बच्चों को डर लगता है बहुत ही इजी चैप्टर से पता नहीं क्यों <laughs> चलिए सर सबसे पहला क्वेश्चन है आप देखोगे ना सर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आए केस स्टडी क्या सच कोई इसमें से क्वेश्चन बनते है नहीं है और पता नहीं फिर भी आप लोग क्यों डरते हो सर ब्रीफली मैंशन द थ्री रीजन वाई आई टी शुड बी कंसिडर रेलिवेंट टू एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तीन रीज़न बताने हैं क्यों ऑडिट करते हुए हमें आई टी इंपॉर्टेंट हो जाती है मतलब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर ऑडिट करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते हुए हमें आई टी का अंडरस्टैंडिंग क्यों लेना पड़ता है इसके क्या रीज़न है सर प्रोवाइड एनी थ्री रीजन एक सेकेंड सर आई थिंक हमारे नोट्स क्लोज हो गए हैं जड़ा ओपन कर लेते हैं जस्ट अ मिनट एक सेकेंड सर हम चाहते हैं कहाँ जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट एक सेकेंड हो गया बस जब जल्दी होती है ना तब चीज़ें मिलती नहीं हैं है, है ना हाँ जी सर हम चलते हैं चैप्टर नंबर सिक्स पे एक्चुअली क्या नोट से ना बहुत फटाफट हो जाता है हमारा क्वेश्चन था कि आईटी का अंडरस्टैंडिंग क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐसा राइट right? देख आईटी के अंडरस्टैंडिंग से क्या होगा कई बार तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऐसी होती हैं कि हमें आई का नॉलेज लेना पड़ता है राइट right? दूसरा इससे काम करने से हमारा जो ऑडिट है हम बहुत इजीली इफेक्टिव तरीके से कर पाएंगे राइट right. उसके अलावा सर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जैसे 143 फोर्टी थ्री सबसेक्शन थ्री का क्लोज आई के अंदर हमें बताना पड़ता है वैसे कई बार क्या होता है हमारे स्टैंडर्ड जब हमारा एस ए थ्री वन फाइव है वो बोलते हैं कि भैया जब तुम इन्वायरमेंट का नॉलेज लेते हो तो अगर उस इन्वायरमेंट में आई टी सिस्टम का यूज़ होता है तो हमें उसका भी नॉलेज लेना पड़ता है कई बार ना नेचर ऑफ़ द बिजनेस ऐसा होता है कि हमें वहाँ पर आई टी का नॉलेज लेना ही पड़ता है वॉल्यूम ऑफ़ द ट्रांजेक्शन जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी उतना ज़्यादा हमें वहाँ पर आई टी पर डिपेंड होना पड़ेगा तो दीज आर द सम रीज़न जिसकी वजह से सर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हुए आई टी की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है राइट सर चलिए एक सेकेंड हाँ जी सर नेक्स्ट है डिस्क ब्रीफ्ट हाउ द रिस्क ऑफ आई टी सिस्टम इफ़ नॉट मिटिगेटेड सर देखो आई टी सिस्टम के अंदर अपने रिस्क हैं अगर वो मिटिगेट नहीं किए जा सकते मिटिगेट का मतलब होता तो है दूर नहीं किए जा सकते कुड हैन इम्पैक्ट ऑफ द ऑडिट येस सर अगर आई टी के अंदर कोई रिस्क है और उसकी वो जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता तो ऑब्वियसली इनका इम्पैक्ट पड़ेगा सर हमारे ऑडिट के ऊपर ऑडिट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा सर इम्पैक्ट ऑफ आई टी रिस्क सर देखो अगर मुझे लगेगा कि आई रिस्की है तो मैं उन कंट्रोल्स पर रिलाई नहीं करूंगी जो आई के थ्रू लगे हैं दूसरा अब मैं क्या करूंगी सर मैं सब्सटेंटिव प्रोसेसर ज्यादा से ज्यादा करके ज्यादा से ज्यादा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करूंगी और नीड लगेगी तो अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर दूंगी तो दीज आर द इंपैक्ट ऑफ आई रिस्क राइट सर नेक्स्ट है वट इज द डिफरेंस टेस्टिंग मैथड यूज़ एन टेस्टिंग इन ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट वट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशेंट मैथड ऑफ टेस्टिंग सर एक ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट में चेकिंग करने के लिए ऑडिटर के पास कौन कौन से मैथड है सर उसके पास रीपरफॉर्मेंस है टेस्ट चेक है इंस्पेक्शन है इंक्वायरी है ऑब्जर्वेशन है वॉक थ्रू है सर देखो वैसे तो उसे कौन सा मेथड यूज़ करना कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड यूज़ करना है ये उसकी प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करेगा लेकिन पेपर के अंदर क्या इस क्वेश्चन क्या था सर क्वेश्चन हम एक सेकेंड रुको सर इसको तो पहले क्लोज कर देते हैं हाँ जी सर तुम से हाँ जी सर क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास कौन कौन से मेथड है और उसमें सबसे इफेक्टिव और एफिशिएंट मेथड कौन सा है राइट सर तो दीज आर द मेथड जो हमारे पास हैं और अगर मैं सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन की बात करूँ इट इज इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन राइट सर वैसे सर देखो इनमें से इंक्वायरी कभी भी अकेले यूज नहीं किया जाता हर केस में बाकी ऑडिट एविडेंस प्रोसीजर के साथ ही यूज किया जाता है रीपरफॉर्मेंस बहुत अच्छा मेथड है दिस इज मोर इफेक्टिव लेकिन एफिशिएंट ज्यादा नहीं है एफिशिएंट का मतलब क्या है इसको काम करने में टाइम और पैसे दोनों ही ज्यादा लगते हैं तो इसलिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या बनता है इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन बाकी कौन सा मैथड यूज करना है ये ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट पर डिपेंड करेगा राइट सर बात समझ पाए तो दीज आर द मैथड्स और उसमें से बेस्ट मैथड कौन सा है सर इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन क्लियर बाकी कौन सा मैथड यूज करना है ये उसकी प्रोफेशनल जजमेंट पर डिपेंड करेगा नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ द फाइव पॉइंट सर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है लिस्ट आउट एनी फाइव पॉइंट डेट द ऑडिटर शुड कंसीडर टू अपटेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनीज ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट सर कंपनी की ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट की नॉलेज लेने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा हमें किस किस चीज़ के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेंगी कोई पाँच पॉइंट लिखने हैं इसके बहुत सारे पॉइंट हैं सर हमें आईटी को समझने के लिए आईटी टी को समझने के लिए हम बेसिकली इन सारे पॉइंट्स की नॉलेज लेते हैं किस किस की सर कि कौन सा इन्फॉर्मेशन सिस्टम यूज़ किया जा रहा है उसका पर्पस क्या है उसका लोकेशन क्या है आर्किटेक्ट क्या है वर्जन क्या है मतलब अपडेटेड है कि नहीं है राइट इंटरफेस विद इन द सिस्टम क्या है इन हाउस है या पैकेज है इन हाउस और पैकेज का मतलब होता है इन हाउस का मतलब होता है कि आपने अपने अपने अकॉर्डिंग उसको बनवाया है पैकेज का मतलब होता है मार्केट से जाके खरीद लेना ठीक है आउटसोर्स तो नहीं कर रहे की पर्सनल कौन कौन से हैं जो इस आई टी डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं क्वेश्चन में था एनी फाइव पॉइंट सर आप पाँच छः याद कर लेना लेकिन याद रखना जब भी ये क्वेश्चन आए क्वेश्चन का हमेशा एंड होना चाहिए कि सर जो भी आप इन्फॉर्मेशन अपटेन करोगे उन सबका आप डॉक्यूमेंटेशन रखोगे एज पर दो सौ तीस सर एग्जामिनर खुश हो जाएगा अरे वाह ठीक है चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड एंड कंसीडर द रिस्क देज फ्रॉम द यूज़ ऑफ आई सिस्टम कंसीडर एंड अंडरस्टैंड द रिस्क कौन कौन से रिस्क हैं जो इसकी वजह से आ सकते हैं सर आई सिस्टम की वजह से तो सर दीज आर द रिस्क मैं पूरे रिस्क को तीन कैटेगरी में बांटती हूँ सर आईटी सिस्टम के अंदर मेन रिसोर्सेज क्या रहता है डेटा सॉफ्टवेयर मतलब आपका सिस्टम एंड ह्यूमन बींग्स जो इस सिस्टम को चला रहे हैं तो बेसिक जो रिस्क हैं वो क्या क्या रहेंगे सर पहले जो रिस्क है दीज आर रिलेटेड टू द डेटा देखो सर पहला है इनकरेक्ट प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा या फिर प्रोसेसिंग इनकरेक्ट डेटा एक्सेस टू डेटा लॉस ऑफ डेटा एंड डायरेक्ट डेटा चेंज डायरेक्ट डेटा चेंज का मतलब होता है कि सर किसी ने पीछे से जाके मतलब सोर्स को ही चेंज कर दिया ठीक है सर उसके बाद दो हैं सिस्टम से रिलेटेड दैट इज़ अनऑथराइज चेंज टू सिस्टम कि किसी ने जिसके पास अथॉरिटी नहीं थी सिस्टम में जाके कोई चेंजेस कर दिए या फिर फेल टू मेक नेसेसरी चेंजेस सर सॉफ्टवेयर है डाउन टू टाइम टाइम टू टाइम अगर उसके अंदर चेंजेस नहीं किए जाएंगे तो अब हो जाएगा आज आपने सॉफ्टवेयर लगा के रखा हुआ है कि सारे का सारे इंटरेस्ट रेट टेन से कैलकुलेट होगा बैंक के रेट रिवाइज हो गए अब आपका सॉफ्टवेयर चेंज होकर पाँच परसेंट आ जाना चाहिए लेकिन अगर आपने टाइमली उसमें चेंजेस नहीं करोगे तो उसकी वजह से जितना भी प्रोसेसिंग होगा सब गलत हो जाएगा तो दिस इज फेल टू मेक नेसेसरी चेंजेस एंड लास्ट मैंने बोला था कि लास्ट क्या यूमिन लैक ऑफ एडुकेट सेग्रेशन ऑफ द ड्यूटी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल कंट्रोल इट इज सेग्रेशन ऑफ द ड्यूटी एंड आई टी सिस्टम्स के अंदर सेग्रेशन ऑफ ड्यूटी लगाना प्रैक्टिकल नहीं होता बिकॉज यहाँ पे असेस को मतलब किसके पास कितना डेटा का असेस रहेगा कौन से सॉफ्टवेयर का असेस रहेगा ये लगाना इतना प्रैक्टिकल नहीं है जितना नॉर्मल इन्वामेंट में होता है ठीक तो है तो दिस इज द लैक ऑफ एडुकेशन ऑफ सेग्रेशन ऑफ ड्यूटीज तो दीज आर द रिस्क इन आई टी सिस्टम ठीक है सर डायरेक्ट क्वेश्चन था नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू द ऑडिट इन ऑडोमैटिकमेंट एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करना है इज कैट क्या होता है डेटा एनालिसिस क्या होता है डेटा बेस क्या होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है प्रिवलेज असेस क्या होता है सर कैट क्या है एक काम करते हैं ना इसका क्वेश्चन मैं आपको यहीं से रीड करवाऊंगी ठीक है सर सर कैट दीज आर द कंप्यूटर असिस्ट ऑडिट टेक्निक्स ये वो टेक्निक्स हैं जो ऑडिटर यूज करता है दीज आर सर एक बार बताओ ना आईटी सिस्टम जरूरी है थोड़ा आपका क्लाइंट यूज करे आप भी तो आईटी को यूज कर सकते हो ऑडिट करने के लिए ठीक है आप भी तो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो ऑडिट करने के लिए तो दीज आर द टेक्निक्स जो ऑडिटर यूज करता है ठीक है डेट आर द कलेक्शन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टूल्स एंड टेक्निक्स टेक्निकट आर यूज इन द ऑडिट ऑफ एनालिसिस डेटा सर जो सॉफ्टवेयर का यूज कौन करता है ऑडिटर करता है क्यों टू एनालाइज द डेटा ऐसे डेटा को एनालाइज करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है ताकि उस डेटा से क्या मिल सके सर ऑडिट एविडेंस तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो डेटा है उसको एनालाइज करने के लिए ऑडिटर जिन टूल्स और सॉफ्टवेयर को यूज करता है उन टेक्निक्स को हम बोलते हैं कैट फुल फॉर्म है कंप्यूटर असिस्ट ऑडिट टेक्निक्स क्लियर सर नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस सर ये मैंने बोला दीज आर द सॉफ्ट और दीज आर द सॉफ्टवेयर दीज आर द टूल्स जो हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं ऑडिट के अंदर डेटा अनाल क्या sir, है दिस इज़ द प्रोसेस सर बहुत सारा डेटा है उसमें से मैंने यूजफुल डेटा निकालना है तो बहुत सारे डेटा में से यूजफुल डेटा निकालने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है सर डेटा एनालिस्ट एक चीज़ बोलूं सर डेटा एनालिस्ट करने के लिए जो टूल्स यूज किए जाते हैं जो टेक्निक यूज की जाती है उसको बोलते हैं कैट ठीक है बात समझ पाए डेटाबेस क्या है सर दिस इज अब सिस्टम जिसके अंदर लार्ज इलेक्ट्रॉनिक डेटा को स्टोर करके रखा जाता है जिसको वापस रिडिफाइन या फिर रिट्रीव मतलब एक बार सेव कर लिया आप चाहो तो वापस रिकवर भी कर सकते हो तो दिस इज द डेटा बेस जहां पे इलेक्ट्रॉनिक डेटा को सेव करके रखा जाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम दीज आर द कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्किंग मतलब दीज आर द कंप्यूटर सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर्स जो यूज़ किए जाते हैं बिजनेस को करने के लिए ठीक है सर प्रिवरेज एसेस का क्या मतलब है मतलब आपने अपनी इम्प्लॉयज़ को या मैनेजमेंट को ऐसा एसेस दे दिया है आईटी सिस्टम के ऊपर या डेटा के ऊपर कि उनके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है वो कोई भी डेटा चेक कर सकते हैं या फिर किसी भी सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं इसको बोलते हैं प्रिवरेज एसेस क्लियर सर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव इनलेस एक्टिविटी इनवॉल्विंग जर्नल आई टी कंट्रोल ओवर प्रोग्राम चेंज सर देखो जर्नल आई टी के अंदर हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ कंट्रोल है उसमें से एक हमारा सेक्शन रहता है प्रोग्राम चेंज के ऊपर जो कंट्रोल लगाए जाते हैं सर प्रोग्राम चेंज के ऊपर कौन कौन से जर्नल आई टी कंट्रोल लगते हैं सर देखो एक तो इनका इतना कोई प्रोसेस होगा किस तरीके से पूरे किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज किया जा सकेगा तो सब प्रोसेस क्या रहता होगा सबसे पहले कोई रिक्वेस्ट करता होगा उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे चेंज किए जाते होंगे चेंज एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने से टेस्ट किया जाता होगा टेस्ट करने के बाद अगर कोई और चेंज करना है तो वो कर दिया जाता होगा उसके बाद सर प्रोडक्शन में मतलब एक्चुअल में लगा दिया जाता है उसके बाद भी अगर कोई माइनर चेंज करने की नीड पड़े तो वो कर लेते हैं जितना भी चेंज किया है उन सबका डॉक्यूमेंट रखा जाता है सर क्वेश्चन था कि प्रोग्राम चेंज करते हुए उसके ऊपर कौन कौन से जर्नल आईटी कंट्रोल हैं तो बेसिक आईटी कंट्रोल क्या रहेगा सर आईटी कंट्रोल तो क्या है दिस इज द प्रोग्राम को चेंज करने का प्रोसीजर पहले किसी ने रिक्वेस्ट दिया होगा कि सिस्टम के अंदर ये चेंज करने हैं उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे चेंज किया गया होगा अब ऐसा तो नहीं है अब चेंज करते ही उसको इंप्लीमेंट कर दोगे पहले टेस्टिंग तो करोगे ठीक है सर चेंज की रिक्वेस्ट आई आपने चेंज किया उसके बाद आप उसको टेस्ट करोगे ठीक है उसके बाद टेस्ट करने के बाद आप एक्चुअल में कंट्रोल लग, चेंज लगा दोगे उसके बाद हो सकता है कि कोई और चेंज करने की नीड पड़े पड़ेगा वो माइनर चेंज कर लोगे लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन रखोगे जितने भी चेंजेस किए हैं और जो यूजर्स हैं जो सिस्टम को यूज कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग दोगे कि इसके अंदर हमने क्या क्या चेंज किया है तो आपको अब किस तरीके से काम करना है क्वेश्चन था कि प्रोग्राम को चेंज करते हुए उसके ऊपर कौन कौन से जर्नल आई कंट्रोल होते थे दीज आर द कंट्रोल्स राइट सर नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्टर इन द मैनेजमेंट हैव द प्राइमरी रिस्पॉसिबिलिटी ऑफ इंप्लीमेंटिंग मेन्टेनिंग द इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क एंड ऑर्डिटर आर रिस्पेक्टेड टूल इवेल्यूट वैलिडेट एंड रिपोर्ट अपॉन द डिजाइन एंड ऑपरेशन इफेक्टिवनेस इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल आई एफ सी यस सर कंपनीज एक्ट के सेक्शन वन फोर्टी थ्री सबसेक्शन थ्री के क्लोज आई के अंदर हमें आई एफ सी के बारे में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि इस कंपनी के ऊपर जो फाइनेंशियल्स के ऊपर जो इंटरनल कंट्रोल लगे हैं वो इफेक्टिव हैं कि नहीं है तो सर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या है एक्सप्लेन द फ्रेमवर्क विच हेल्प एन ऑडिटर टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सर सेक्शन 143 के अंदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें आई के ऊपर कंट्रोल जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है उसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी होती है कि आपके अकॉर्डिंग मतलब ऑडिटर के अकॉर्डिंग आई एफ सी अप्रोप्रिएट है कि नहीं है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की उनको लगाने की हम तो खाली रिपोर्टिंग करते हैं कि अप्रोप्रिएट है कि नहीं है तो एक बात बताओ ना रिपोर्टिंग तो तब कर पाओगे जब उसको चेक करोगे तो आईसीआई ने ना इसके ऊपर एक क्या दिया हुआ है सर इसके ऊपर दिया हुआ एक फ्रेमवर्क जो ये बताता है कि आईएफसीएस को चेक कैसे करना है फ्रेमवर्क क्या दिया है सर अरे यार चलिए यहाँ से पढ़ लो फ्रेमवर्क क्या है एक सेकंड सो नोट्स पे शिफ्ट कर दूं क्या ताकि आपको ठीक से विजिबल हो सके एक सेकंड सर देखो आई पर रिपोर्टिंग करने के लिए आपको आई चेक करने पड़ेंगे तो इसका प्रोसीजर क्या रहता है सर सबसे पहले आप रिस्क असेस करते हो एक बात बताओ ना तुम्हें देखना है कि प्रॉपर आई लगे हैं कि नहीं लगे मतलब प्रॉपर एडुकेट इंटरनल कंट्रोल लगे हैं कि नहीं लगे तो पहले तो रिस्क देखोगे कि कौन कौन से रिस्की एरिया जिनके ऊपर इंटरनल कंट्रोल लगना चाहिए तो पहले तो रिस्की एरियाज देखोगे आप क्या करोगे जितने भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग डिस्कलोजर्स हैं उनको चेक करोगे जितने भी अजर्शंस हैं उनको चेक करोगे उसके अलावा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटिव आस्पेक्ट मतलब बेसिकली जहाँ पे एस्टीमेशन इन्वॉल्व हैं वो ट्रांजेक्शन देखोगे उसके अलावा देखोगे सर यहाँ पे कहाँ पे मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं और आई से रिलेटेड कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं तो सारे रिस्की एरिया देख लिए अब उसके बाद आप अंडरस्टैंडिंग लोगे सर इंटरनल कंट्रोल की सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लोगे उसके डिज़ाइन की फिर उसके प्रोसीजर की डिजाइनिंग की अंडरस्टैंडिंग कैसे लोगे सर फ्लो चार्ट और के थ्रू ले सकते हो आप सर राइट आप जर्नल एंटी कंट्रोल्स और एप्लीकेशन आईटी कंट्रोल्स को चेक करोगे उसके बाद आप प्रोसीजर्स की अंडरस्टैंडिंग बेटा सबसे पहले रिस्क देखा इसके ऊपर इंटरनल कंट्रोल कौन कौन से

कोई इंटरनल्स कंट्रोल लगा के छोड़ दो लेकिन इफेक्टिव नहीं है मतलब ऑपरेटिंग नहीं है तो क्या फ़ायदा है ना तो उसकी ऑपरेटिंग की भी अंडरस्टैंडिंग लोगे आप इसके लिए क्या करोगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर सकते हो सोर्स डेटा की रिलायबिलिटी को चेक कर सकते हो जितनी भी इंटरनल कंट्रोल के थ्रू रिपोर्ट इश्यू हैं उनको चेक कर सकते हो सर ठीक है तो दीज आर द सम टेस्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस अब इसके बेसिस पे आप रिपोर्ट करते हो कि इंटरनल कंट्रोल में कोई डेफिशिएंसी है कि नहीं है अगर डेफिशिएंसी मिलती है तो आप उसको इवेल्युएट करते हो कि कैसे डेफिशिएंसी हो आप देखते हो वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है सर देखो इंटरनल कंट्रोल के अंदर जितनी भी डेफिशिय मिलती है ना सारी की सारी डेफिशिय मैनेजमेंट को बता दी जाती है और उसमें से जो बहुत सिग्निफिकेंट होती है वो टी सी को भी बता देती है सारी के सारी मैनेजमेंट को बताते हो और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो टीसी डब्ल्यू को भी बता देते हो ठीक है सर इसलिए आप डेफिशियंस इसको इवैल्यूएट करोगे देखोगे कि से कौन-कौन से सिग्निफिकेंट है उसके अलावा आप खाली डेफिशिएंसी नहीं बताओगे उनके रिगार्डिंग कोई रेमेडीज भी बताओगे कि कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो और इसका इंपैक्ट आपके कहाँ चला जाएगा सर आपके ऑडिट रिपोर्ट के अंदर तो दिस इज द होल गाइडेंस नोट रिगार्डिंग द आईएफसी को कैसे चेक करना मतलब इंटरनल कंट्रोल को कैसे चेक करना इन केस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लियर सर बात समझ पाए चलिए सर लास्ट क्वेश्चन पे आ रही हूं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन लास्ट so, क्वेश्चन क्या है एक सेकेंड सर वहीं कुछ और डेफिनेशंस हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है मटेरियल में स्टेटमेंट्स क्या होती प्रिविलेज असेस uh, क्या है ये ऑलरेडी कर चुके हैं ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सेग्रेशन ऑफ द ड्यूटी क्या है दिस इज अ इंटरनल कंट्रोल जहां पे क्या किया जाता है ड्यूटीज को बांट दिया जाता है मतलब एक पर्सन के पास सारी अथॉरिटीज नहीं रहती ठीक है सर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज सर टोटल डेफिशिएंसीज में से वो डेफिशिएंसी जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि हमें इतनी इंपॉर्टेंट लगती है हमें टीसीडब्ल्यू से डिस्कस करनी चाहिए तो उनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट डेफिशेंसीज ठीक है सर एंड मटीरियल वीकनेस जो ऑडिटर के लिए के लिए इंपॉर्टेंट है उनको बोला जाता है मटीरियल वीकनेस बात समझ पाए सिग्निफिकेंट और मटीरियल में डिफरेंस समझना सिग्निफिकेंस मतलब वो बोली जो टीसीडब्ल्यू जी को डिस्कस करनी पड़ेगी इतनी इंपॉर्टेंट है राइट right? सर ये था आपका चैप्टर नंबर सिक्स अब जल्दी से आ जाते हैं चैप्टर नंबर सेवन पे सर सेवन देख आज जो हम डिस्कस करेंगे ना हम करने वाले थे वन टू एट तक छः कर चुके हैं हमारे पास दो चैप्टर बचे हैं चैप्टर नंबर सेवन और एट उनमें बहुत कम क्वेश्चन है वो बहुत फटाफट -फर्ट हो जाएंगे ठीक है सर चलिए मैं फटाफट -फर्ट आपका चैप्टर नंबर सेवन पर पहुँच जाती हूँ आप भी पहुँच जाओ एक सेकेंड सर हाँ जी सबसे पहला है अरे सॉरी चैप्टर नंबर सेवन चलिए जल्दी से आ जाते हैं चैप्टर नंबर सेवन के क्वेश्चन पर राइट 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 हाँ जी सर पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सैंपलिंग ऑल्सो डिस्कस द मैथड ऑफ द सैंपलिंग एक्सप्लेनिंग इन द लाइट ऑफ द फाइव थर्टी सर मैथड ऑफ सैंपलिंग ठीक है एंड मीनिंग ऑफ द सैंपलिंग सर सैम्पलिंग क्या है जब हम अपने ऑडिट प्रोसीजर 100 परसेंट आइटम पे ना लगा के लेस देन 100 परसेंट आइटम पे लगाते हैं मतलब सेल्स चेक करनी थी हज़ार यूनिट थी तो मैंने हज़ार के हज़ार ना चेक करके 400 चेक कर ली तो दिस इज सैम्पलिंग ठीक है मैथड सर दो मैथड है राइट right? स्टेटि तुम्हारा स्टेटिस्टिकल एंड नॉन स्टेटिस्टिकल स्टेटिटिकल के अंदर हम रिस्क को कंसिडर करके मैथमेटिकल अप्रोच करके यूज़ करते तो वो ज़्यादा साइंटिफिक है नॉन डम है उसके ऊपर रिलाई नहीं किया जाता इतना लेकिन यूज होते हैं बिकॉज ऑफ द ईज उसको यूज करना ईजी है राइट सर नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द द रेफरेंस टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 530 थर्टी स्टेट द रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द ऑडिट सैंपलिंग सैंपल का डिजाइन सैंपल का साइज एंड सिलेक्शन ऑफ द आइटम फॉर टेस्टिंग ठीक है सर सबसे पहले मैं बात करूंगी सेलेक्शन सर हम जब भी एज़ पर द 530 बोलता है कि जब भी तुम सिलेक्शन करोगे इस तरीके से करोगे कि पूरी पॉपुलेशन के पास इक्वल चांस हो सिलेक्शन का मतलब हज़ार यूनिट है तो हज़ार के हज़ार के पास इक्वल चांस होना चाहिए कहीं भी बाइसनेस नहीं होता उसमें से सैंपल चूज़ करते हैं के लिए ठीक है सर सैंपल साइज़ सर हमारा साइज़ कितना रहेगा हमारा सैंपल बड़ा रहेगा मतलब जैसे मैंने बोला कि मैंने हज़ार में से चार यूज़ की अब हो सकता है मैं सात चेक करूँ ठीक तो है।, है तो मेरा सैंपल साइज बड़ा रहेगा या छोटा डिपेंड करेगा कि मुझे रिस्क कितना लेना है रिस्क ज्यादा है तो मेरा सैंपल साइज ज्यादा रहेगा ज्यादा से ज़्यादा काम करूंगी तो रिस्क को कम कर पाऊंगी तो depend करे uh, risk उपर, डिपेंड करेगा सैम्प रिस्क के ऊपर ठीक है सर सैंपल का डिज़ाइन क्या रहेगा सर सैंपल का डिज़ाइन डिपेंड करेगा दो चीज़ों के ऊपर कि एक तो मेरा पर्पस क्या है चेकिंग करने का दूसरा जो पॉपुलेशन जिसके अंदर से मैं सैंपल चूज कर रही हूँ उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं ठीक है सर ना, न, आ, स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ तो द ऑडिट सैंपलिंग ऑडिट सैंपलिंग यहां पे हमें कुछ नहीं लिखना है यहां पे हमें डेफिनेशन ऑफ ऑडिट लिखना है ऑडिट सैंपलिंग लिखना है क्लियर बात समझ पाए चलिए सर नेक्स्ट है वाइड प्लानिंग द ऑडिट ऑफ असेंबली यू वॉन्ट टू अप्लाई सैंपलिंग टेक्निक्स वट आर द रिस्क फैक्टर यू शुड कीपिंग इन योर माइंड सर सैंपलिंग जब भी हम सैंपल लगाते हैं ना तो सैंपलिंग के अंदर हमारे पास एक रिस्क आ जाता है जिसको हम बोलते हैं सैंपलिंग रिस्क

देखो मैंने हंड्रेड की जगह सैंपल चूज करके खाली पचास चीज़ों को चेक किया अब हो सकता है उस पचास के अंदर से गड़बड़ मिल गई बहुत ज़्यादा तो अब मैं क्या कंक्लूड करूंगी कि भैया पचास में इतनी गड़बड़ है तो सो में तो बहुत ज़्यादा होंगी लेकिन एक्चुअल में अगर मैंने हंड्रेड परसेंट चेक किया होता तो मुझे पता चलता कि भैया पचास में ही गड़बड़ थी बाकी पचास एकदम परफेक्ट है तो सर सैंपलिंग रिस्क का बेसिकली मतलब होता है कि भैया तुमने सैंपल को चेक किया तो तुम्हारा ओपिनियन कुछ और है अगर तुमने पूरी की पूरी पॉपुलेशन को चेक किया होता तुम्हारा ओपिनियन कुछ और होता सर जैसे एक इसका एग्जाम्पल दूंगी जो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है सर आप किसी पर्सन से मिले क्लास के अंदर आपकी क्लास चल रही थी ठीक है आपका कोई फ्रेंड बन गया या आपकी कोई फ्रेंड मिल गई ठीक है सर आपने उसे दो दिन बात करी आपको लगा बंदा बहुत अच्छा है दो दिन बन... आपने बात करी तो आपको पता चला बंदा बहुत अच्छा है ठीक है सर अगर आपने उसका बीस दिन बात की होती तो आपको पक्का पता चल जाता कि उतना अच्छा नहीं जितना आपको लग रहा है ठीक है तो वही चीज़ है आपने सैंपल चेक किया आपने खाली पचास यूनिट को चेक किया उसके बेसिस पे आपने बोल दिया कि सारे की सारी, -सारी यूनिट अच्छी है या फिर सारे के सारी, -सारी यूनिट खराब है लेकिन अगर आप पूरा चेक करते तो आपका ओपिनियन कुछ और होता इसको बोलते हैं सर सैंपलिंग रिस्क ये कंट्रोल के लेवल पे भी हो सकता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल पे हो सकता है कंट्रोल के लेवल पे मतलब आपने दो कंट्रोल चेक किया और आपने बोल दिया कि भैया कंट्रोल बहुत अच्छे हैं लेकिन आपने सारे चेक किए होते तो आपको पता चलता कि नहीं सर इतने भी अच्छे नहीं है या फिर आपने दो चेक किए आपको लगा कि सर बहुत गड़बड़ा तो आपने बोल दिया कि कंट्रोल्स में बहुत गड़बड़ है आपने पूरे चेक किए तो पता चलता है कौन जो आपने चेक किया उन्हीं में गड़बड़ा बाकी तो एकदम सही है ठीक है सर मैंने बोला फाइनेंशियल लेवल पे भी होता है फाइनेंशियल लेवल का मतलब क्या है सर आपने सेल्स चेक करी आपने 50 यूनिट चेक करी उसमें बहुत गड़बड़ निकल गई आपने बोला अरे 50 में इतनी गड़बड़ा पूरी पूरी सेल में तो बहुत गड़बड़ होगी लेकिन आप पूरा चेक करते तो आपको पता चलता बस उन्हीं पचास में गड़बड़ थी बाकी तो सही थी ठीक है या फिर रिवर्स केस तो इसको बोलते सैंपलिंग रिस्क जब भी हम सैंपल साइज डिसाइड करते हैं तो हम अपने इस रिस्क को कंसीडर करके चलते हैं क्लियर सर नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन द एडवांटेज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग सर साइंटिफिक होती है तो बाइसनेस नहीं होता ज़्यादा अप्रोप्रिएट ओपिनियन इसके बेसिस पे बनाया जा सकता है और स्टेटिफाइड सैंपलिंग क्या होता है स्टेटिफाइड सैंपलिंग का क्या मतलब है सर देखो मान लीजिए आप सेल चेक कर रहे थे अब उस सेल के अंदर अलग अलग करेक्ट्रिस्टिक्स हैं मतलब रिटेल का भी सेल है होल वाला भी आइटम्स है ई कॉमर्स बिजनेस की भी सेल है इंटर स्टेट का भी सेल है इंटर डिपार्टमेंट का भी सेल है ठीक है तो सर यहाँ पे ज्यादा बोला जाता है कि यहाँ पर जो सैंपल यूज करना चाहिए वो आपको स्टर्टिफाइड करना चाहिए सर्टिफाइड सैंपलिंग का क्या मतलब होता है हम पूरी पॉपुलेशन को पहले उसके करेक्ट्रिस्टिक के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं ठीक है अब हर करेक्टरिस्टिक्स का जितना स्ट्रेटिफिकेशन किया हर ब्लॉक के अंदर से हम कुछ सैंपल उठा लेते हैं तो उससे क्या होगा सारे के सारी पॉपुलेशन के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है सबके सैंपल हमारे पास आ गए बात समझ पाए ठीक है सर नेक्स्ट है व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन बाय द ऑडिटर वाइल अपलाइंग द टेस्ट चेकिंग मतलब टेस्ट चेकिंग का मतलब होता है सैम्पलिंग तो सर सैंपलिंग करते हुए हमें कन किन कौन कौन से प्रिकॉशंस का ध्यान रखना होता है सर सैंपल यूज़ करने की नहीं करना उससे पहले हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं पहला हम पहले ही देख लेते हैं कि सर कौन कहाँ पर रिस्क एरर होने के चांसेज हैं ठीक है जब भी सैंपल चूज़ करो अनवाइज तरीके से करना चाहिए सर सैंपल शेड भी अप्रोपरीट डिटरमाइन सैंपल साइज को अप्रोप्रेट डिटरमाइन करोगे रिस्क को कंसिडर करते हुए ठीक है सर सारे के सारी ट्रांजेक्शन्स और क्लासेस को ठीक से क्लासीफाइड करोगे सैंपल लेने से पहले कि कौन सी ट्रांजेक्शन है कौन से बैलेंसेज हैं सर बेसिकली ट्रांजेक्शन मतलब पी एन एल के आइटम्स बैलेंसेज मतलब सॉरी uh, बैलेंसेज मतलब बैलेंस शीट की आइटम सर so, देखो ट्रांजेक्शन्स मतलब पी एन एल के आइटम्स के ऊपर सैंपल लगाना ज्यादा प्रैक्टिकल रहता है ट्रांजेक्शन मतलब बैलेंस शीट के आइटम के ऊपर सैंपल लगाना उतना प्रैक्टिकल नहीं रहता वहाँ पे बोला जाता है डिटेल में चेक करो ठीक है प्रॉपर प्लानिंग फॉर द सैम्पलिंग मैथड भाई कौन सा मैथड यूज़ करना है कैसे यूज करना है इसके रिगार्डिंग प्रॉपर प्लानिंग यूज़ करोगे सर आप यूज़ करने से पहले देख लेना जिस एरिया पे सैंपल लगाना चाहते हो वहाँ के लिए सूटेबल है भी कि नहीं है इंटरनल कंट्रोल की स्टडी करना उसके बाद सैंपल लगाना अकाउंटिंग सिस्टम की स्टडी करना उसके बाद अकाउंटिंग लगाना तो दीज आदर सम प्रिकॉशंस क्या क्या इंटरनल कंट्रोल की स्टडी करोगे अकाउंटिंग सिस्टम की स्टडी करोगे लगाने से पहले देखोगे जिस आइटम के बारे में लगाना चाह रहे हो वहां पे सैंपल लग भी सकता है कि नहीं लग सकता सर ट्रांस ट्रांजेक्शन है क्या करोगे सैंपल लगा के है ना उससे पहले प्रॉपर क्लासीफाइन कर लेना ट्रांजेक्शन और बैलेंस के बीच में क्योंकि ट्रांजेक्शन के ऊपर सैंपल लगाया जाता है बैलेंस के ऊपर नहीं राइट right? उसके अलावा सैंपल साइज क्या रहेगा इसको डिटरमाइन करना ठीक से उसके लिए रिस्क कंसीडर कर लेना पहले उसके बाद उसका सैंपल साइज करना सैंपल चूज करते हुए शुड बी अनबाइज और कौन कौन सा रिस्की एरिया उसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना कि भैया जो रिस्की एरिया वहां पे सैंपल छोड़ कर डिटेल में चेक करना चाहिए क्लियर सर हां जी लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर टू बी कंसिडर एक्सटेंट ऑफ द चेकिंग ऑन अ सैंपल ऑनपल कि भैया कितना सैंपल साइज रहेगा कितना नहीं कौन कौन से फैक्टर आपके इस डिसीजन को इफेक्ट करेंगे सर आपका सैंपल साइज क्या रहेगा वो डिपेंड करेगा रिस्क पे अगर वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा है तो आपका सैंपल साइज बड़ा रहेगा अदरवाइज छोटा रहेगा टोलरेबल रेबल रेबल का रिस्क का क्या मतलब है सर एक ऑडिटर कितना रिस्क हैंडल कर सकता है मैंने बोला अगर दस हजार तक का रिस्क है, मैं हैंडल कर लूंगा ठीक है अगर मेरा टॉलरेंस लेवल ज्यादा होगा तो मैं सैंपल साइज छोटा भी रख सकती हूँ ठीक है दट इज अश्योरेंस कि मुझे कितनी अश्योरेंस चाहिए हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए तो सैंपल साइज छोटा रहेगा ज्यादा से ज्यादा चेक करूँगी उतनी ज्यादा अश्योरेंस मिल पाएगी स्टेटिफिकेशन पॉपुलेशन राइट सर स्टेटिफिकेशन पॉपुलेशन मतलब पूरी पॉपुलेशन में डिफरेंट कररेक्टरिस्टिक से अगर मैंने सबको बांट दिया उसके करेक्टर्स के अकॉर्डिंग स्टेटिफिकेशन तो छोटे सैंपल से भी काम चल जाएगा नंबर ऑफ द यूनिट इंपॉर्टेंट एमसी क्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्या पॉपुलेशन कितना का साइज डिफाइन करेगा आपके सैंपल साइज को नहीं सर आपका पॉपुलेशन का क्या साइज है छोटा या बड़ा वो डिफाइन नहीं करेगा आपका सैंपल साइज क्या रहेगा ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करेंगे क्लियर सर नंबर ऑफ यूनिट मतलब साइज ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन जिसके अंदर से तुम सैंपल साइज चूज कर रहे हो दिस इज एनी नॉट एप्लीकेबल इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू नंबर ऑफ यूनिट पॉपुलेशन का साइज नहीं हेल्प करता ये डिटरमाइन करने में कि सैम्पल साइज क्या रहेगा क्लियर सर ये था आपका चैप्टर नंबर सेवन जल्दी से आ जाते हैं चैप्टर नंबर एट पे एक सेकेंड सा चलिए आज की क्लास का लास्ट चैप्टर डेट इज एनालिटिकल प्रोसीजर छोटा सा है सर इसके अंदर कितने क्वेश्चन हैं चलिए चेक कर लेते हैं हम्म पहला क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है सर जब हम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेट सर जब हम ऑडिट एविडेंस लेने के लिए फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में पल्सिव रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करते हैं तो इसको बोला जाता है सर क्या एनालिटिकल प्रोसीजर खाली रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई नहीं करते अगर रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करके अगर हमें कुछ गड़बड़ मिलती है तो हम उसको इन्वेस्टिगेट भी करते दिस इज ऑल्सो इंक्लूड इन डेफिनेशन ठीक है सर राइट right? डेफिनेशन लिख के आनी दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द फैक्टर दैट डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ रिलायबिलिटी दैट द ऑडिटर प्लेस ऑन द रिजल्ट ऑफ रिजल्टल प्रोसीजर विद द रेफरेंस टू द फाइव ट्वेंटी ऑफ द एनेटिकल प्रोसीजर कि भैया हम कितना एक्सटेंट उस पर रिलाई कर सकते हैं इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे हम कितना रिलाई कर सकते हैं डेटा के ऊपर तो कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं सोर्स ऑफ द डेटा कंपेरिटिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन सर जो 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 इंफॉर्मेशन होती है उसी के ऊपर एनिटिकल प्रोसीजर लगता है अदरवाइज नहीं लगता नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन ऑफ इंफॉमेशन अगर इन हाउस इंफॉर्मेशन बनी है तो उसके ऊपर इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं ठीक है सर तो दीज आर द फैक्टर जो मेरे रिलायबिलिटी ऑफ डेटा को इफेक्ट करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन था सर नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टेटरी ऑडिटर ऑफ एन एम ओ लिमिटेड सी ए की श्योर आइडेंटिफाई सर्टिन इकन्सिसटेंसी वाइल अपने प्रोसीजर टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द नॉन फाइनेंशियल डेटा ऑफ एम ओ एन ओ लिमिटेड वट शुड द सी ए की डू इन दिस केस विद रेफरेंस टू द फाइव ट्वेंटी प्रोसीजर सर मतलब आपने एनिटिकल प्रोसीजर लगाए और आपको इनकन्सिस्टेंट कुछ मिला मतलब आपका आपका एनालिसिस और बुक्स में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बीच में कुछ इनकंसिस्टेंसी है तो अगर कुछ इनकंसिस्टेंसी आती है तो हम क्या करते हैं हम करते हैं इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन किससे करते हैं सर मैनेजमेंट से करते हैं इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट करते हैं ठीक है उसके अलावा हम अदर ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करते हैं मैनेजमेंट से इंक्वायरी करते हैं कि भैया गड़बड़ क्यों आ रहा है हमारा एनालिसिस ये कर रहा है आपके बुक्स में ये लिखा हुआ है डिफरेंस क्यों है इसका इंक्वायरी करते हैं अदर ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करते हैं जो मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्ड किया उसके ऊपर और अदर ऑडिट प्रोसेसर परफॉर्म करते हैं अगर हमें एनाटिकल प्रोसेस सेटिस्फेक्शन नहीं मिले तो काम करो दूसरा प्रोसेस परफॉर्म करके देख लो उस डाउट को क्लियर करने के लिए राइट सर चलिए नेक्स्ट है अप्लाइंग द दबस्टेंडिंग प्रोसीजर वट टेक्निक शुड बी यूज बाय द स्ट्रेट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी टू ऑप्टेन सफिशियंट अप्रोप्रियट ऑडिट एविडेंस हमारे पास कौन कौन से मैथड्स है sir, sir, कौन कौन से टेक्निक्स है ट्रेंड एनालिसिस लाइक like पिछले साल और करंट ईयर के डेटा को कंपैरिजन कर जैसे सर, ट्रेंड एनालिसिस भाई पिछली बार इतना खर्चा था इस बार कितना है ठीक है रेशियो एनालिसिस जैसे रेशियो एनालिसिस कैसे सर जैसे एक यूनिट को बनाने में दो रॉ मटेरियल का यूनिट लग जाता है तो मैंने टोटल 200 यूनिट बनाई है तो भाई मेरा अप्रोक्स 400 के अराउंड रॉ मटेरियल लगना चाहिए तो सर रेशियो एनालिसिस रीजनेबिलिटी टेस्ट सर ऑन एन एवरेज हर इम्प्लॉई का सैलरी हज़ार रुपये है टोटल 100 इम्प्लॉई है तो मेरा सैलरी कितना जाना चाहिए सैलरी का एक्सपेंडिचर अप्रोक्स सर अप्रोक इसलिए बोल रहा हूँ एग्जैक्ट अमाउंट नहीं देख सकते इसी के आसपास रहेगा तो ठीक है तो मेरा रीजनेबिलिटी बेसिकली हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं जैसे यहाँ पे मैंने इंप्लाई उनके सैलरी के बीच में करके देखा तो सैलरी के अंदर खर्चे आने चाहिए अप्रोक्स एक लाख रुपए तो दिस इज अ दिसनेबली टेस्ट लास्ट इज स्ट्रक्चरिंग मोल्डिंग यहाँ पे हम बेसिकली सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं एनालिसिस करने के लिए ठीक है सर तो दीज आर द फोर टेक्निक्स जिनका हम यूज करते हैं सर एक बात बोलू ट्रेंड एनालिसिस बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम पे लगाया जाता है जितना भी तुम्हारा रेशियो एनालिसिस है ये जर्नली बैलेंस शीट की आइटम्स पे लगाया जाता है ठीक है सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन हाउ द स्टेटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी कैनिटिकल प्रोसीजर एट द प्लानिंग स्टेज एनालिटिकल प्रोसीजर बेसिकली तीन स्टेज पे लगाया जाता है प्लानिंग स्टेज टेस्टिंग फेज और कंप्लीशन सर कंप्लीशन जब ऑडिट खत्म करने वाले होते हैं ना तो ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले ऑडिटर सैप लगाता है या आइडेंटिफाई करने के लिए उसने जो स्टार्टिंग में फाइनेंशियल उसको एंटिटी को समझा था उसी के अकॉर्डिंग उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पाया कि नहीं पाया ठीक है सर टेस्टिंग फेज में हम सैप यूज करते हैं उसको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने में प्लानिंग फेज में उसको यूज किया जाता है एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यहां पे हम अपने क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज लेने के लिए उसको यूज़ किए जाते हैं हम देखते हैं कि कौन कौन से रिस्की एरियाज़ हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितना काम करना है तो प्लानिंग फेज के अंदर हम जब एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं इनको लगाते हैं एज ए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देख रही हूँ कि भाई मेरा ये जो क्लाइंट है स्टार्टिंग so में जब हम लगाते हैं इसको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर 315 के अंदर तो वहां पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो चेक नहीं करते हम तो उसके इन्वायरमेंट की नॉलेज लेते हैं बिजनेस की नॉलेज लेते हैं राइट तो भाई मैं देखूंगी पूरी इंडस्ट्री में तो रिसेशन था मेरा क्लाइंट प्रॉफिट में कैसे है राइट पूरी इंडस्ट्री इस तरीके के जो काम करती है उसको इतना खर्चा लगता है मेरे क्लाइंट को कितना लग रहा है तो दीज काइंड ऑफ द रेशियो एनालिसिस दीज आर द एनालिटिकल प्रोसीजर हम प्लानिंग फेज में करते हैं यहाँ पे हम प्लानिंग फेज में यूज़ करते हैं इसको एंटिटी अपने क्लाइंट की नॉलेज लेने के लिए बात समझ पाई टेस्टिंग फेज में हम यूज़ करते हैं ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के और लास्ट में कंप्लीशन फेज पर हम यूज़ करते हैं किसको एनालिटिकल प्रोसीजर को ये भैया जो मैंने स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइजेशन को समझा था क्या मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस, उसके साथ अलाइन कर रही है कि नहीं कर रही है बात समझ पाए चलिए सर सर हमने फटाफट सारे सारे क्वेश्चन देख लिए कि स्टडीमेट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट एट चैप्टर के हम कवर कर चुके हैं सर ऑलमोस्ट ये एट चैप्टर आपका साठ से सत्तर नंबर के बीच में आ जाता है ठीक है चलिए सर बाकी ऑडिट रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है तो आम देयर एंड स्टेट यून बाय बाय टेक केयर